हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है क्या? चंदा, पवन, मेरी आवाज आ रही है? सोनल, कविता, मेरी आवाज आ रही है? चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब लोग? मैं सबसे पहले तो मेरा परिचय देना चाहूंगी। मैं डॉक्टर वंदना, इस छोटे से इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर, और मैंने एमएससी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से 2009 की पास आउट हूँ। सर के साथ ही हम लोग पढ़े हैं, और उसके बाद मैंने पीएचडी की है। उसके बाद मैं स्कूल लेक्चरर रही हूँ झुंझुनू में, और उसके बाद मैंने ONGC की जॉब की है 3 साल तक। उसके बाद हम लोग वापस यहाँ पे आ गए, और उसके बाद तब से हम यही रह रहे हैं। आने के कुछ समय बाद मैंने ये यहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो यही पढ़ा रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग यहाँ तक बड़े ही आराम से पहुँचे होंगे, और आगे भी आपका स्टे यहाँ पे कंफर्टेबल रहेगा। और आप लोग यहाँ पे जो भी एक्सपर्ट्स हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए बुलाए हैं, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करके, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछ कर, आप जिस पर्पज़ के लिए यहाँ आए, वो पर्पज़ आपका ज़रूर पूरा होगा। तो एक्सपर्ट्स की इस पैनल में से सबसे पहले जो सर यहाँ पे पधारे हैं, वो हैं प्रोफेसर AK नागावत सर। आप सभी लोग जानते ही हैं वैसे, अशोक कुमार नागावत सर। सर का परिचय देना वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, आप नाम से ही समझते हैं, लेकिन फिर भी फॉर्मली मैं आप लोगों को सर से परिचित कराना चाहती हूँ। और सबसे पहला परिचय तो ये है कि सर मेरे गुरुजी रहे हैं, और ऑफलाइन क्लासेज में MSc के दौरान हमने एक सेमेस्टर इनसे पढ़ाई की है। एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स सर पढ़ाया करते थे, और बेहतरीन जो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा सकते हैं वो सर पढ़ाते थे। पूरा बाकायदा PPT बनाकर इंफोनेट में हमें ले जाकर, डिपार्टमेंट से पूरे बच्चों को वहाँ बुला के PPT बना के, एनिमेशन का ज़माना तो अभी आया है, आज से 10 साल पहले, जब लोग ऑनलाइन जानते ही नहीं थे। अभी तो हम 2-3 सालों में थोड़े ज़्यादा ही ऑनलाइन हो गए हैं, एनिमेशन भी आ गए हैं। तब तो कंप्यूटर चलाना भी बच्चों के लिए थोड़ा सा ऐसा लगता था कि ऑन ऑफ करना आ गया तो भी बच्चा कंप्यूटर में बहुत होशियार है। उस ज़माने में सर हमें वहाँ इन्फोनेट में ले जाया करते थे, और फ्री एक्सेस हुआ करती थी सभी बच्चों को। कंप्यूटर चालू करो, काम में ले, वहाँ पे जो एक रहते थे उनको सर बोलते थे स्पेशली कि मेरे बच्चे हैं, कुछ भी करें, इनको इजाज़त है। और फिर वही क्लास लेते थे पूरे टाइम, और फिर हमें वापस लेके आते थे। तो हम इतना कंफर्टेबल महसूस करते थे कंप्यूटर के साथ। लोग सब बाहर जाके किसी से फॉर्म भरवाते थे, जबकि हमने कभी फॉर्म नहीं भरवाए। सर की इजाज़त थी, हम वहाँ जाते थे। धीरे धीरे वो इन्फोनेट वाले भी हमारे जानकार हो गए थे, उनको पता था इन बच्चों को इजाज़त नहीं देंगे तो ये सर के पास चले जाएंगे। तो हम लोग वहीं से फॉर्म भरते थे, सारे फॉर्म हमने वहीं से भरे। इसमें से लड़के थोड़े से ज़्यादा एक्सपर्ट होते थे, तो वो हमारे सारे फॉर्म, हम बैठ जाते थे और सारे फॉर्म वहीं से भरते थे। तो सर का परिचय, ये तो मेरी तरफ से कैजुअल परिचय है, और फॉर्मल परिचय के रूप में मैं कहना चाहूँगी कि सर जो है वो फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड रहे हैं, डीन फैकल्टी ऑफ साइंस रहे हैं। उसके बाद सर CCT के डायरेक्टर, यूशिक के डायरेक्टर, इन्फोनेट के डायरेक्टर, और अभी रिटायर होने के बाद सर एक स्किल यूनिवर्सिटी है, उसमें भी डायरेक्टर के पद पे कार्यरत रहे हैं। और अभी वर्तमान में सर हृदय जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अभी भी सर का कार्यकाल उसमें जारी है। तो सर ने अपनी इस व्यस्ततम दिनचर्या में से आप बच्चों के लिए और हमारे लिए जो वक्त निकाला है, उसके लिए मैं सर की हार्दिक आभारी हूँ। और आप लोग सर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करके, खुले दिल से आप लोग सवाल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर से हम वहाँ डिपार्टमेंट के बाहर खड़े होकर भी कुछ पूछते थे तो सर घंटों समझाते थे। तो आज तो सर स्पेसिफिकली इसी पर्पज़ के लिए आए, तो आप खुल के जो भी आपका क्वेश्चन है आप आराम से इनके साथ शेयर कर सकते हैं। जो भी डाउट आपका है आप इनसे पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर के इस सेशन से लाभान्वित होंगे। और अब मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगी, सर को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी और सर बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें। सर को उससे पहले हम सर का थोड़ा सा अभिवादन, स्वागत कर देते हैं। फोटो भेज दो। थैंक यू। माइक।
गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है? आप सबको मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मुझे आज ये सौभाग्य मिला है और बहुत खुशी हो रही है कि वंदना और नरेंद्र जो दोनों मेरे स्टूडेंट हैं और इस संस्थान को चलाते हैं, स्पैन नाम दिया है, और इनकी प्रगति के बारे में, इनके कार्यकाल का कामकाज के बारे में जानकारी मुझे मिलती रहती है। और ये खुशी की बात है कि मुझे भी आज इनके इस मंच पर आने का मौका मिला और आप लोगों से मिलने का मौका मिला, ये और खुशी की बात है। और विशेष तौर पर इसलिए क्योंकि मैं तो काफ़ी लंबे समय से, कई दशकों से फिजिक्स से मेरा जुड़ाव है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आज आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। तो वो लोग हैं सामने जो फिजिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो फिजिक्स पढ़ाना चाहते हैं। फिजिक्स के पाठ्यक्रम में जब बच्चा पहली क्लास में भी, नाइन्थ में भी जाता है तो कुछ कांपता हुआ ही जाता है, डर से ही जाता है। और आपने इतने सालों में जो भी आपको शिक्षा मिली है उसके बाद ये कॉन्फिडेंस अर्जित किया है और आपका ये विश्वास बना है कि आप फिजिक्स के एक अच्छे अध्यापक बन सकते हैं। तो मेरी आप सबको शुभकामनाएं, मैं पूरी शुभकामनाएं आपके साथ रखता हूं कि आप निश्चित तौर पर सफल होंगे, आपको अवसर मिलेगा और सही जो आपकी क्षमता है वो तो तभी पहचान में आएगी जब आपके पढ़ाए हुए छात्रों से मेरी मुलाकात कभी होगी। तो मैं यहाँ आना तभी सफल मानूंगा कि कभी आने वाले समय में, क्योंकि मैं अभी कोई मरने की उम्मीद नहीं कर रखता हूँ, तो आने वाले समय में कोई ना कोई छात्र जो आपका पढ़ाया हुआ हो वो अगर मेरे से आकर के बातचीत करेगा तो वो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। जैसे वंदना और नरेंद्र के कारण आपसे मिलने का मौका मिला तो ये भी मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, बट ये क्रम जारी रहना चाहिए और फिजिक्स के क्षेत्र में अच्छे से अच्छे टीचर्स आने की बहुत आवश्यकता है, समाज को भी और देश को भी और विश्व को भी, सभी को आवश्यकता है। क्यों है उसके बारे में मैं लंबा व्याख्यान दे सकता हूँ, मुझे ज़्यादातर लोग तो इसलिए नहीं बुलाते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लंबे व्याख्यान देता हूँ। जो मेरे स्टूडेंट हैं वो भी जानते हैं कि कई बार मेरी क्लास एक घंटे के बजाय दो घंटे की भी हो जाती है, तीन घंटे की भी हो जाती है, तो मुझे रोकना पड़ता है बजाय कि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी यहाँ मौजूदगी से अगर आपको थोड़ा बहुत भी फ़ायदा होता है और आप अपने कैरियर में सफल होते हैं तो मेरा भी एक योगदान, चाहे वो नगण्य ही हो लेकिन एक योगदान तो रहेगा, तो इसलिए खुशी की बात है। इंटरव्यू के बारे में विशेष तौर पर आपसे चर्चा करनी है और मुझे कई बार, क्योंकि ये मौका भी मिला है क्योंकि वरिष्ठ होने के कारण कि मैंने कई तरह के इंटरव्यूज लिए हैं और साइंस के डीन होने के कारण तो मैं साइंस के लगभग जितने भी विषय हैं उन सबके इंटरव्यू बोर्ड में भी बैठ चुका हूं और जितने फिजिक्स के इंटरव्यू मैंने लिए होंगे उससे अधिक मैंने कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की और ब्रांचेस में भी मुझे इंटरव्यू लेने का सौभाग्य मिल पाया है पिछले दिनों में, पिछले सालों में, दशकों में कह दें। तो उसके कारण मुझे एक अनुभव है और मैं आपको सलाह कुछ पहले जनरल देना चाहूँगा कि इंटरव्यू के लिए जब आप तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू बोर्ड के सामने जा रहे हैं, तो क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है। एक तो आपका नॉलेज है, क्योंकि जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो तो यही है, कुछ भी चीज़ अभी आपको कुछ सीमित समय में सिखाई नहीं जा सकती कि जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके। इंटरव्यू को उसी तरह से लें जैसे क्रिकेट का खेल होता है। क्रिकेट में आप खिलाड़ी को जानते हैं कि अलग अलग पिच पर खेलना पड़ता है और जिस दिन इंटरव्यू आपका होगा उस दिन पिच कैसी होगी किसी को नहीं पता। जब तक आप प्रतिभाशाली नहीं हैं आपकी परफॉर्मेंस सुनिश्चित नहीं की जा सकती। प्रतिभाशाली वही खिलाड़ी माना जाता है कि पिच खराब भी हो तब भी जो स्कोर कर सके, पिच खराब भी हो तब भी वो विकेट ले सके, उसी को क्रिकेट में लोग प्रतिभाशाली कहते हैं। इंटरव्यू में भी यही होता है, कोई भी क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको ये बताएंगे, बहुत सारे वक्ता भी आ सकते हैं, लोग आपको सिखाएंगे इन दिनों में, उनमें से हो सकता है एक भी क्वेश्चन आपके इंटरव्यू बोर्ड में आपसे नहीं पूछा जाए, लेकिन उस बात का महत्व नहीं है।
क्योंकि ये ट्रेनिंग है, तो जब आप खेलते हैं तो कई बार तो खिलाड़ी ग्रामीण पिच पे खेलता है, गली मोहल्ले में खेलता है, और फिर वहाँ से उसकी प्रतिभा का निखार होता है और वो जाकर के अच्छे परफॉर्मेंस दे पाते हैं। पिच पर खेलने के लिए सबसे पहले आत्मविश्वास होना ज़रूरी है, और वो आत्मविश्वास आपको अपने में जगाना होगा। जब तक आप में आत्मविश्वास नहीं होगा तब तक आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। मैंने कई छात्रों को देखा है, कई ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरी दृष्टि में अच्छे स्टूडेंट्स थे, लेकिन जब इंटरव्यू बोर्ड के सामने आए तो उनका कॉन्फिडेंस डगमगा गया। तो सबसे बड़ी बात है जो मैं MSc के दौरान भी लोगों को कहता रहा हूं, और वो है फियर साइकोसिस, डर का मनोविज्ञान। डर एक बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब भले ही लोग नहीं मानते हों लेकिन डर का मनोविज्ञान होता है। मेरी क्लास में मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते, क्योंकि उनको एक डर रहता है कि मान लो मैंने क्वेश्चन पूछा तो नरेंद्र और ये बाकी सब लोग हंसेंगे मेरे ऊपर कि अरे इसको तो इतना भी नहीं आता, जबकि आपको पता है कि आपको वो बात नहीं आती, लेकिन आप पूछने में इसलिए हिचकते हैं क्योंकि डर आपके ऊपर एक हावी रहता है। एक आप सोचते हैं कि मेरी छवि कहीं ख़राब नहीं हो जाए। तो ये जो डर है ये इंटरव्यू बोर्ड में अलग ढंग से रिफ्लेक्ट होगा, क्लासरूम में अलग से होता है जब आप स्टूडेंट होते हैं। यहाँ पर भी आप नहीं पूछेंगे, कोई बात मन में आ रही है आप नहीं कहेंगे, और नहीं कहने का कारण ही ये डर होता है। पूरे ज़िंदगी में बहुत सारे समय लोगों को जो नुकसान होता है वो डर के कारण ही होता है, ये मान करके चले। कभी कुछ खाने की भी इच्छा हुई तो भी डर करके, अरे पिताजी क्या कहेंगे, पैसे तो हार नहीं घर में और अभी ये इस तरह के खाने की डिमांड कर रहा है। तो कुछ भी हो, कुछ पहनने की इच्छा हुई, कुछ भी करने की आपकी इच्छा होती है तो आप डर जाते हैं पहले, और आपकी इच्छा का दमन हो जाता है। इंटरव्यू में सबसे पहली चीज़ है जो डर को भगा देगा वो आगे जीत। लेकिन डर के साथ भी, क्योंकि यहाँ पर भी मैं कहूँगा वंदना से कि किसी साइकोलॉजी के या पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के व्यक्ति का भी आपके यहाँ व्याख्यान कराएं, बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किस तरह की बॉडी लैंग्वेज आपकी है। क्योंकि बहुत इंटरव्यू बोर्ड में हमेशा जो RPSC का एक व्यक्ति बैठा है, वो चाहे कुमार विश्वास की वाइफ हो चाहे नरेंद्र नारायण जी की वाइफ हो, वो कोई बहुत बड़ा एकेडमिशियन नहीं है लेकिन वो पब्लिक लाइफ में है, तो वो लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज को और वहाँ पर बैठे बैठे उनको अनुभव हो जाता है, क्योंकि उनका काम ही किसी न किसी इंटरव्यू बोर्ड में बैठे रहना है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत चीज़ें कम्युनिकेट होती हैं और बहुत बातें जो हैं वो उसका प्रभाव डालती हैं सिलेक्शन से। तो मैंने एक बार फिजिक्स का इंटरव्यू जब राजस्थान विश्वविद्यालय में ले रहा था, मई का महीना था इंटरव्यू में, और एक महाशय जो है वो टाई और कोट और पहन करके आ गए सूट बूट में, क्योंकि सूट बूट में उनको लगा कि अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि सब बॉडी प्रेजेंटेशन में। बट ये हास्यास्पद है, ऐसा नहीं होता है। आप सोच सकते होंगे भाई सूट बूट पहनने से टाई लगा के जाएं अच्छी तरह से फॉर्मल अंग्रेजों की तरह बिहेव करें, तो ये ध्यान में रखिए कम से कम फिजिक्स के इंटरव्यू बोर्ड में जो फिजिक्स के एक्सपर्ट होंगे उन पर टाई लगाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कपड़ों का रंग क्या है, कपड़ों की सफाई क्या है, किस तरह की आपका कॉलर बटन लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, आपकी चमक चेहरे की क्या है, चमक चेहरे पर उदासी तो है कि नहीं है, तो चाहे मेकअप करना पड़े तो वो मेकअप नहीं जो हीरोइंस करती हैं, लेकिन वो मेकअप जिससे कि आप अच्छे आकर्षक नज़र आएँ, क्योंकि सामने वाले को सामने आप प्रस्तुत हो रहे हैं और उसकी भी एक साइकोलॉजी है। कुछ लोग जो हैं वो चेहरे को देख करके ही भाप लेते हैं, बहुत सारे को लोगों को पता चल जाता है कि कौन सा क्या है। मैं भी जैसे इसमें से लोगों को चेहरे से पहचानता हूँ, नाम मैं भूल जाता हूँ, कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं तो मैं चेहरे से पहचान जाता हूँ कि भाई ये चेहरे मुझे याद रहते हैं कि जो वो स्टूडेंट्स थे पहले। तो चेहरों का एक प्रभाव होता है और चेहरों से बहुत कुछ पढ़ा जाता है। इसीलिए मैंने अभी कुछ दिन पहले फेसबुक पर भी लिखा था कि बाकी जो भाषाएं हम काम में लेते हैं उन सब भाषाओं की स्पीड तो जो है वो साउंड की होती है, चाहे तमिल में बोलूं, चाहे इंग्लिश में बोलूं, चाहे मारवाड़ी में बोलूं, मेवाड़ी में, किसी भी भाषा में मैं बात करूं, वो स्पीड ऑफ साउंड से आपके और मेरे बीच या इंटरव्यू बोर्ड में और आपके बीच एक संवाद स्थापित करती है। लेकिन बॉडी लैंग्वेज जो है, एक मुस्कुराहट जो है, वो जो है स्पीड ऑफ लाइट से चलती है। जो दिखाई देता है वो स्पीड ऑफ लाइट से, उसका प्रभाव तुरंत होता है, आपको दिखता नहीं है क्योंकि लाइट दिखती नहीं है, लाइट के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण आपको चीज़ें दिखती हैं या इमिशन के कारण चीज़ें दिखती हैं, लाइट नहीं दिखती। तो इसलिए ध्यान में रखें कि दो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक तो बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेशन कर रहे हैं और एक जो है वो जो बोल के आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। वो तो साइंस की भाषा है, फिजिक्स की भाषा है, वो तो बहुत टेक्निकल है, वो मैथमेटिकल भी हो जाती है,
वो उसकी टर्मिनोलॉजी भी अपनी अलग है, और डेफिनेटली उसकी समझ नहीं होगी तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो भी मायने रखती है। लेकिन बॉडी लैंग्वेज की प्रिपरेशन की जा सकती है, और वो ये मॉक इंटरव्यूज में एक बहुत बड़ा सहारा होंगे कि मन में हो विश्वास आपके, और फिर उसके साथ बॉडी लैंग्वेज आपकी इम्प्रूव हो जाए। घुसते ही आपकी धड़कन अगर बढ़ जाती है, कई बार होता है मतलब कि इंटरव्यू बोर्ड में घुसा व्यक्ति और उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमें इंटरव्यू बोर्ड में ध्यान रखना पड़ता है कहीं वो उसको हार्ट अटैक नहीं आ जाए, तो इसलिए उसको संवेदना देनी पड़ती है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो व्यक्ति जैसा मैं हूँ यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, चाहे इंटरव्यू बोर्ड में उस तरफ हूँ आपके, अभी मैं आरपीएससी में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस तरफ है वो कोई खूंखार हिटलर या इस तरह का व्यक्ति नहीं है। ध्यान में रखें कि रावण हो कि भाई आपको मारने के लिए पीटने के लिए आपको वहां पर बैठा हुआ हूँ, तो उसके प्रति दया भाव रखें, और दया भाव का मतलब ये कि उसका सम्मान उस ढंग से करें कि आपको डर डर आप में नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो जो आ गया वो सबसे बड़ा आपकी परफॉर्मेंस में घातक होगा। जो डर गया सो मर गया, ये तो सभी ने सुन रखा है कि जैसे ही डर आप में हावी होने लगेगा, उसके बाद भी इंटरव्यू बोर्ड में यही स्थिति रहती है कि इंटरव्यू बोर्ड में बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, मैं जिनको इंटरव्यू ले चुका हूँ, और क्योंकि उनको मैं पहले से जानता था तो इसलिए मुझे मालूम है कि वो इंटेलिजेंट हैं, वो उनका अच्छा सब्जेक्ट का नॉलेज है, वो सब्जेक्ट को समझते भी हैं, लेकिन उनकी भी परफॉर्मेंस टू द मार्क नहीं रहती है, तो उसके कारण ये है कि वो बीच बीच में भी अपना इवेल्युएशन करते रहते हैं। एग्जाम में भी अगर आपकी परफॉर्मेंस बिगड़ी होगी तो क्या है, आधा क्वेश्चन किया नहीं कि आप सोचने लगते हैं पेपर कैसा आया है, पेपर खराब तो नहीं है, मेरी परफॉर्मेंस आज खराब तो नहीं हो जाएगी, अरे अभी तो आप पेपर दे रहे हैं, अभी आधा क्वेश्चन का ही आंसर आपने लिखा है, ये इवेल्युएशन करने का काम नहीं है, ये आपका काम नहीं है। इवेल्युएशन करने का काम तो जब आप पूरा पेपर लिख देंगे तो जिसने पास आंसर बुक जाएगी उसका है, लेकिन क्या मानवीय कमजोरी है, क्योंकि हम हमारी मानवीय कमजोरी में ये शामिल होता है, जब खाना भी बनाते हैं तो ये रहता है कि ज़्यादा नमक तो नहीं गिर गया, ज़्यादा मिर्च तो नहीं गिर गई, इस तरह का इवेल्यूशन हो जाता है, पहले खाना बना लीजिए फिर जो भी होगा देखी जाएगी उसका स्वाद क्या है, लेकिन बीच में इवेल्यूशन करेंगे तो नमक के बारे में सोचते समय हो सकता है कि हल्दी या लहसुन ज़्यादा गिर जाए और खाने का स्वाद बिगड़ जाए, क्योंकि आप नमक की चिंता कर रहे हैं, आपने अननेसेसरली जो क्वेश्चन पूछा ही नहीं वो आपके दिमाग में ले आए, तो अपना इवेल्युएशन खुद नहीं करें, नहीं तो इंटरव्यू बोर्ड में एक एक्स्ट्रा जो मेंबर आप खुद होंगे वो आपके लिए सबसे ज़्यादा घातक होगा, वो मेंबर, क्योंकि आप बीच बीच में सोच रहे, अरे आज तो इंटरव्यू बहुत ख़राब हो रहा है, अब तो मेरा हो ही नहीं सकता, ये पहले क्वेश्चन में ही ये सर ने कौन आ गया व्यक्ति ये इंटरव्यू बोर्ड में, उसके प्रति भी नफरत आपके मन में आ गई कि ये कौन आ गया है, ये मेरा सिलेक्शन आज नहीं होने देगा। इस तरह के विचारों को न आने देने की प्रवृत्ति आप चाहें तो विकसित कर सकते हैं, कि भाई इररिस्पेक्टिव, निरपेक्ष भाव से, जिसको क्या विरक्ति के भाव से, जैन दर्शन में इसको बहुत महत्व दिया है कि कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए परिणाम क्या होगा, गीता में भी कहा है, ठीक है इंटरव्यू देना आपका काम है और उसका इवेल्यूशन करना सामने वाले का काम है, उसके काम में आप अपनी परफॉर्मेंस बेच दें, उसके काम को अपने ऊपर नहीं ओढ़ें कि भाई मैं भी अपना इवेल्यूशन करता रहूँ, क्वेश्चन का जवाब गलत है कि सही है, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत जवाब दें, मैं ये कह रहा हूँ कि इवेल्यूशन नहीं करें तो आपका जवाब गलत भी है तो आपके ऊपर कोई मानसिक दबाव नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि मानसिक दबाव आपका बढ़ता गया तो आपकी जो कैपेसिटी है सही जवाब देने की वो घटती जाएगी, ये मनोविज्ञान है, इसका फिजिक्स के नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, फिर आपको विचार आएगा ही नहीं। तो एक दबाव वो जो होता है कि भाई सर्वाइवल का प्रेशर जो होता है कि भाई मुझे अच्छा इंटरव्यू देना है, इसका दबाव तो हमारे दिमाग पर होना चाहिए, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड के अंदर जाने के बाद हमारे पर दबाव नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम पहले से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी जो कुछ भी करना है, जितने भी दिन हैं, वो सारा काम आप पूरी गहराई से, गहनता से करें, उसके भी विरुद्ध में नहीं, उस कह रहा हूँ ऐसा करें, तैयार होकर के जाएँ, क्योंकि कोई भी काम अधूरे मन से, अधूरी तैयारी से किया जाता है तो सफलता नहीं मिलती है, तो तैयारी पहले पूरी कर लें, ये ध्यान रखें कि पहला कदम कक्ष में रखने के बाद आपको कोई तैयारी नहीं करनी है, कोई आकलन नहीं करना है, आपको केवल जवाब देना, और जवाब देने में वही अप्रोच होती है कि जो आपका नॉलेज होता है, जो कमांड होता है, उसके आधार पर आपको देना है। बहुत सारे राजनेता लोग भी जो हैं वो इंटरव्यू देना इसीलिए पसंद नहीं करते, कहा जाता है हमारे प्रधानमंत्री भी नहीं देते क्योंकि वो कहता है कि इंटरव्यू देने में कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन बहुत सारे नेता होते हैं वो इंटरव्यू देना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे भी नेता हैं जो इंटरव्यू देना पसंद करते हैं लेकिन जो बोलते हैं वो बिल्कुल ही हास्यास्पद होता है, तो उनकी और राजनीतिक छवि गिर जाती है,
लेकिन ऐसे नेता भी हैं जिनके कि बोलने से ही प्रभाव होता है कि वो कुछ भी किसी भी स्थिति में कुछ भी कह दें तो वो हो जाता है। तो मैं जैसे उदाहरण के तौर पर आपको कह सकता हूँ कि वक्ता और पढ़ाने वाले और शिक्षक कई हुए, लेकिन अगर आप देखेंगे यूट्यूब पर तो ओशो यानी रजनीश के वीडियो मिलेंगे। मेरे ज़माने में जब मैं आपकी उम्र का था, उनका एक छत्र समृद्धि क्या कहते हैं प्रसिद्धि थी और सारे उनका एक दौर माना जाता था। तो ओशो या रजनीश के लेक्चर में देखेंगे तो किसी भी विषय पर बोल रहे हैं तो वो जिस तरह का वक्तव्य वो प्रस्तुत करते हैं वो फुल्ली कॉन्फिडेंट होता है। दूसरा वीडियो आप उठा के देखेंगे तो उसमें बिल्कुल उसके उल्टी बात कही गई होगी जो पहले कहा था। पहले कभी किसी एक चीज की वकालत की होगी, आज उसकी विरुद्ध बात की वकालत की है, लेकिन उतना ही आत्मविश्वास। इसलिए ओशो के लेक्चर्स जो हैं दुनिया भर में देखे जाते हैं आज भी और वो पॉपुलर हैं, क्योंकि जो कुछ भी स्टेटमेंट वो देते हैं वो स्टेटमेंट फुल कॉन्फिडेंस से, उस समय में फुल कन्विक्शन से, उस समय में तो वही सत्य है यही मान करके वो स्टेटमेंट देते हैं। और इंटरव्यू में भी आपको यही होना चाहिए कि कॉन्फिडेंस आपका वही झलकना चाहिए जो ओशो में होता है कि जो बिल्कुल ही निहायत ही गलत बात भी आप करें तो उस गलत बात को भी पूरे आत्मविश्वास के साथ करें। और अभी भी आप देखते हैं कि हमेशा ही दुनिया में ये होता है कि गलत बात कहने वाले जो माहिर लोग हैं उनमें तो आत्मविश्वास कूट कूट के भरा हुआ, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो पृथ्वी को चपटी भी बता सकते हैं और सीने के थोड़े पे नहीं पृथ्वी चपटी ही है चाहे कुछ भी हो जाए। वो ये भी कह सकते हैं कि किसने देखा कि इवोल्यूशन हुआ, कोई बंदर से आदमी बना किसने देखा, किसी ने नहीं लिखा है कि बंदर से आदमी बना, तो ये सच नहीं है। ऐसा हमारे देश के एक शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है, इवोल्यूशन की थ्योरी किसने देखा है कि बंदर से आदमी बना। लेकिन वही मंत्री महोदय, अब तो शायद मंत्री नहीं है, लेकिन वही मंत्री महोदय बाद में अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, गामा वेरिएंट इनसे चिंतित रहे, क्योंकि सच्चाई तो कभी ना कभी प्रकट होकर रहेगी, तो उसकी तो बात कर सकते हैं लेकिन साथ में कहेंगे कि नहीं साहब इवोल्यूशन तो गलत है। अगर इवोल्यूशन गलत है तो फिर ये इतने सारे कोविड के वेरिएंट कहाँ से आ गए? कोई भी राजनेता आपको ऐसा नहीं मिला होगा जो कोविड के वेरिएंट्स का जिसने कहा होगा कि नहीं साहब आप ये बात गलत कह रहे हैं। किसी भी पार्टी का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, किसी भी राष्ट्र का हो, देश का हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे हमारे यहाँ पर हो, सभी जगह लोगों ने माना है कि भी हाँ कोविड के वेरिएंट्स आ रहे हैं और उन वेरिएंट से अलग अलग तरह की वेरिएंट प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये तो एक वैज्ञानिक सत्य है, आप तो साइंस में फिजिक्स में, बट जिनको नहीं ज्ञान था वो लोग बड़े आत्मविश्वास से कई बार कहते हैं कि सर ये जो सिद्धांत है ये गलत है, विज्ञान की ये बात है ये गलत है, विज्ञान की ये बात है ये तो हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले ही बता दी थी, भले ही उसका कोई विज्ञान से लेना देना नहीं। तो ये एक बात मेरी महत्वपूर्ण हो गई कि गलत व्यक्ति में विश्वास होता है। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ आप सही व्यक्ति होकर के एक सही विश्वास से जवाब दें और जो आपको बेहतरीन आता है उतना ही जवाब दे सकते हैं। वहाँ पर आपको कोई दिव्य ज्योति, दिव्य ज्ञान, कोई महाराज निर्मल जी महाराज के कृपा दृष्टि कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, ये मान के चले, मेरा ये मानना है, ठीक है ना? आपका मानना हो तो जरूर माने, आप प्रार्थना करें, आप उसके पहले कर लें। इंटरव्यू बोर्ड में आपने प्रार्थना करने की सोची कि साहब मैं थोड़ा याद कर लूँ हमारे इष्ट देव को, तो उससे भला नहीं होना है क्योंकि वो आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा और उस डाइवर्ट होने वाले ध्यान में अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आया है तो जो है वो आपका जवाब जो है वो पूछने वाला कोई अलग बात कह रहा है और आप कोई अलग जवाब दे रहे हैं, इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी जवाब का उसके दृष्टिकोण से। इंटरव्यू बोर्ड में दो तरह के एस्पेक्ट हुए, एक तो प्रश्न का जवाब देना है और प्रश्न का जवाब देते देते सामने वाले व्यक्ति को समझना है कि उसका ज्ञान किस क्षेत्र में है, उसकी क्या योग्यता है, वो रिफ्लेक्ट होती है क्वेश्चंस के आधार पर और उसी के आधार पर उसके जवाब जो है वो दिए जाने चाहिए कि जो उस व्यक्ति की भी समझ आप विकसित करें। टाइम तो वही है 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट। उस 30 मिनट में अगर आप इंटरव्यू बोर्ड वाला व्यक्ति ने जैसे ही मुंह खोलता है धीरे धीरे आपके एक क्वेश्चन से ही समझ में आ जाता है कि भाई ये किस तरह का व्यक्ति क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका अर्थ क्या होगा, उसके पीछे की भूमिका क्या होगी। अगर वो काबिलियत आप में होती है तो आप परफॉर्मेंस बहुत अच्छे ही दे पाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं खिलाड़ी होता है, अगर उसको पता होता है कि ये फास्ट बॉलर बॉलिंग करेगा तो उसको जब मालूम होता है कि बॉलर की टाई बॉल्स के बारे में, उसके पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, तो वो अच्छी तरह से खेल सकता है। और जब कोई नया खिलाड़ी आता है तब ये ज़्यादा जानकारी होती नहीं है और
जल्दी से आउट हो जाते हैं। जब शोएब अख्तर आया होगा पहली बार तो जल्दी से लोग आउट हो गए, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि भाई किस तरह की परफॉर्मेंस उसकी होने वाली। तो इंटरव्यू बोर्ड में ही आपको सुना, तो इंटरव्यू बोर्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंटरव्यू बोर्ड में आपकी परफॉर्मेंस में उस उन व्यक्तियों की भूमिका बहुत अधिक है जो व्यक्ति जो है काट देना बंदी, मेरे कान में मशीन लगी हुई है तो सीधे आवाज़ आती है इसलिए फ़ोन कॉल आने से डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति के आधार पर आप आकलन करें और ये समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं कि व्यक्ति थ्योरेटिशियन है या एक्सपेरिमेंटलिस्ट है, मटेरियल साइंस का है या क्वांटम फिजिक्स का है या हाई एनर्जी फिजिक्स का है, ये उसके क्वेश्चनों से वो क्या है, वो रिसर्च इंस्टीट्यूट का है, वो एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी में काम करता है, उसके क्वेश्चन इन सबको रिफ्लेक्ट करते हैं और फिर जवाब आपके उसी आधार पर होने चाहिए जो आप बेस्ट जानते हैं, उसी के आधार के ऊपर जवाब होने चाहिए। तो अगर आपने जवाब सतही दे दिए तो जो उस व्यक्ति के बारे में अध्ययन करते नहीं दिए और भाषा भी ऐसी दी कि बिल्कुल जैसे कि क्विज में होती है कि राजस्थान की राजधानी क्या है, आप क्या जवाब देंगे? जयपुर। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, सही है। ये जो न्यूरोलॉजी न्यूरोसाइंस की भी मैं क्लासेस ले चुका हूँ, बता रहा हूँ, न्यूरोसाइंस कहती है कि ये होता है क्वेश्चन आंसर मैपिंग। ये क्वेश्चन से आंसर को आइसोमॉर्फिक मैपिंग हम कर देते हैं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और आंसर दोनों मैप हो गए। इसमें जवाब देने में दिमाग को सबसे कम समय लगता है क्योंकि दिमाग रिकलेक्ट करके जवाब देता है और उसमें ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स में सबसे कम ऑपरेशंस होते हैं और आप बहुत जल्दी जवाब देते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आप जवाब जानते हैं बट ये जवाब गलत हो सकते हैं क्योंकि आपने परिप्रेक्ष्य को नहीं समझा हुआ। तो मैं ये उदाहरण, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की क्लासेस पढ़ाता था तब मैं ये देता था कि सिमेंटिक्स में इस बात का बहुत महत्व है। मैं ये भी कह सकता हूँ साहब जयपुर की राजधानी जो है वो जयपुर नहीं है, ये भी सही हो सकता है, जयपुर गलत आंसर है। अब आप कहेंगे साहब कैसे, इतने सालों से हम पढ़ाते आ रहे हैं, बाद में भी आप यही कहने वाले हैं कि बच्चों को जब आप स्कूल में पढ़ा देंगे। तो मैंने हमेशा पीजी की क्लासेस में कहा है कि जो पीजी पढ़ाता है उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? पोस्ट ग्रेजुएट की क्लास अभी तो आपने नहीं पढ़ाई, लेकिन अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट क्लास पढ़ाता है तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? मैंने नरेंद्र को भी कहा होगा उसकी क्लास में, लगभग हर क्लास में ये बात कहती, तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है स्कूल टीचर, क्योंकि स्कूल टीचर भक्ति भाव से पढ़ाता है, उसके भक्त हो जाते हैं। स्कूल टीचर से जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो जो उसने बता दिया, उसने कह दिया कि एप्पल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है, तो एक भक्ति का भाव स्टूडेंट के अंदर पैदा हो जाता है और वो उस बात को फिर जब तक चिता पे नहीं लेटा दे उसको कि भाई अब अंतिम क्रिया होने वाली है संस्कार, तब तक वो भूलता नहीं है। स्कूल टीचर से खतरनाक दुनिया में कोई प्राणी नहीं हुआ, ये मान के चले आप, रावण भी नहीं खतरनाक अगर स्कूल टीचर से तुलना करें, क्योंकि इतने बड़े भक्त वही पैदा कर सकते। उसमें जो बातें बताई वो तार जिंदगी आपको याद रहती। बोले टीचर की भूमिका बहुत सीमित होती है क्योंकि तब तक बच्चा समझता है क्या है ये आ गया। जो जब मैं शुरू शुरू में बना था तो मैं तो बिल्कुल आपसे भी यंग था उस समय, 20 साल की एज थी मेरी, तो स्टूडेंट समझता है क्या आएंगे लफाड़ी कहाँ से आ गया, कुछ भी सोच सकता है आपके बारे में क्योंकि वो हम उम्र होता है। जब पहली बार आप क्लास में जाएंगे तो हो सकता है कि आपको वो, मेरी तो पहले हफ्ते में ही शिकायत हो गई थी कि साहब ये इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं, अब तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। आपने देखा है कि अभी तक तो ज़्यादातर हिंदी में ही बोला है, लेकिन पहली हफ्ते में ही मेरी शिकायत ही नहीं हुई, मेरे विरुद्ध हड़ताल भी हो गई जब मैंने दिसंबर 80 में पढ़ाना शुरू किया गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा, जो कि एक छोटा सा इलाका है वहाँ पर। तो भैया तो कॉलेज टीचर का तो रोबदाब नहीं होता है, स्कूल टीचर का बहुत रोबदाब होता है, ये तो कॉलेज के लिए एग्जाम है, पर जो स्कूल टीचर जो है वो भक्ति भाव से सिखाता है और जितना भी आपने भक्ति भाव से सीख रहा है वो सीख रखा है फिजिक्स के बारे में भी, वो भक्ति भाव से अर्जित ज्ञान जो है वो गलत हो सकता है अगर विशेषज्ञ उस क्षेत्र का है और वो बेहतर सच जानता है। तो मैंने जैसे बताया कि जब राजस्थान की राजधानी, राजधानी शब्द है और राजधानी का शब्द का एक अर्थ होता है, तो जो आपने जवाब दिया अगर वो जवाब देते कि राजस्थान की राजनीतिक राजधानी पॉलिटिकल कैपिटल वो जयपुर है तो ये जवाब पूर्णतया सत्य होता है, लेकिन राजस्थान की धार्मिक राजधानी
अजमेर है, राजस्थान की शैक्षणिक राजधानी कोटा है। तो हो सकता है कि हम कहें कि राजस्थान का जो कश्मीर है वो तो बांसवाड़ा है, तो अलग अलग लोग अलग अलग, मतलब राजधानी शब्द का कोई अर्थ नहीं है। परिप्रेक्ष्य समझना है कि अगर मैं धर्म के बारे में चर्चा कर रहा हूँ और उसके संदर्भ में कहीं से मैंने लिया है और उस संदर्भ में पूछा जाए कि राजस्थान में उसका केंद्र क्या है, तो मैंने यहाँ इसलिए प्रश्न को जानबूझ के घुमा के दिया, मैंने तो कुछ कहा नहीं, मैंने तो प्रश्न सीधा सा पूछा है कि राजस्थान की राजधानी क्या है। तो आपके दिमाग में क्योंकि एक विचार ये स्कूल में रटाया गया कि राजधानी राजस्थान, मैप कर दिया हमने जयपुर पर, हम फिर चिंतन नहीं करना चाहते, हम सोचना नहीं चाहते, हम जवाब देना चाहते हैं। और क्योंकि आपने सोचा नहीं, अगर ये सोचते हुए पूछने वाला क्यों पूछ रहे हैं, बजाज बनाने के लिए पूछ रहा है, तो मैं पहले से ही बचाव में ही कह दूं कि राजस्थान की राजधानी, राजनीतिक राजधानी जयपुर। अगर मेरा जवाब ये राजस्थान की राजनीतिक राजधानी जयपुर है, चाहे प्रश्न यही पूछा जाए, तो मैं एक स्मार्ट बंदा हूँ। इसी को स्मार्ट कहते हैं, जींस पहनने से स्मार्ट नहीं होंगे फिजिक्स में, कि जवाब में पूरा बचाव भी शामिल है। कि भाई मैं जो समझ पाया हूँ कि आपका प्रश्न जो है वो राजनीति से संबंधित है, और इसलिए इसका जवाब आंसर जो करेक्ट होगा कि राजस्थान की राजनीतिक राजधानी जयपुर है। अब वो इसको तो कोई भी ठुकरा नहीं सकता, क्योंकि ये तो सत्य है कि राजस्थान की राजनीतिक राजधानी। दूसरा वाला बारे में कह सकता नहीं, आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आप राजधानी शब्द का अर्थ ही नहीं जानते, तो मैं आपको शिक्षक बनाने के लिए भाषा का या मैं राजनीति शास्त्र का या धर्मशास्त्र का शिक्षक, क्योंकि आप तो इंटरव्यू तो देने मान लो फिलोसॉफी का है और कह रहे हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर है। फिलोसोफर्स के दृष्टिकोण में तो धर्म का, दर्शन का उसी का महत्व है, उसका राजनीति क्या लेना देना, तो वो तो वैसे ही जवाब चाहता है। तो ऐसे ही है कि अगर एक साधारण शिक्षक, एक साधारण व्यक्ति बैठा है, और मैं ये प्रश्न पूछता रहता हूँ एमएससी के दौरान भी पूछता रहता हूँ अपनी क्लास में, कि भाई एप्पल क्यों गिरता है, जो स्वतंत्र पूर्वक गिरने की गति होती है, फ्री फॉल ऑफ एन एप्पल, उसकी व्याख्या कैसे करेंगे। तो आपका प्रश्न पूछा जा सकता है हाउ वुड यू एक्सप्लेन फ्री फॉल ऑफ एन एप्पल, और वाई एन एप्पल फॉल्स आफ्टर ऑल, जब भी पेड़ की डाल से एप्पल को छोड़ें, आम को कहते हैं अभी आम का सीजन है, तो जब आम की वो डाली कुछ कमजोर हो जाती है और आम का डाली टूट जाती है वहां से, तो एप्पल नीचे, आम जो है नीचे की तरफ गिरने लगता है, क्यों गिरता है, क्या जवाब देंगे। अब तो आप बिल्कुल ही डर गए, तो जवाब ही नहीं दे पा रहे, फिर क्या इंटरव्यू देंगे, अभी तो गलत भी दे सकते हैं, अभी तो कुछ भी इस ट्रैक के ऊपर नहीं है, जो मर्जी में आए कह सकते हैं, क्योंकि मेरे ऐसे कोई आपका ये सिलेक्शन जो है प्रभावित होने वाला है नहीं, वहां पर मैं उनको कोई जासूसी वाली जानकारी देने वाला हूँ नहीं कि ये जो बंदा आ रहा है इसमें सही में नॉलेज नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो जैसा कि आप नहीं दे रहे क्योंकि डरे हुए हैं, तो मैंने कहा ये जब तक डर को आप नहीं करेंगे काबू, तब तक आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं होगी। ये मान के चले डर को काबू करना आसान है, आसान यही है कि ये जो कुछ भी दे रहा हूँ, मैं जो इंटरव्यू दे रहा हूँ वो अल्बर्ट आइंस्टीन सर आइजैक न्यूटन इनको इंटरव्यू दे रहा हूँ, उनको तरफ देखा ही नहीं, ये तो वैसे ही कोई गिंग पिंग छोटे मोटे लोग बैठे हुए हैं, अपने दिमाग में हमेशा ऊंची बातें रखें तो उसकी ऊंची छवि होगी और आपको डर नहीं लगेगा। कोई आइंस्टीन से नहीं डरता, किसी ने आपने नहीं देखा होगा कि आइंस्टीन की फोटो लगा रखी हो, रोज अगरबत्ती लगाता हो, कि आइंस्टीन नाराज हो गया तो फिजिक्स का लेक्चरर नहीं बन पाऊंगा, इसलिए आइंस्टीन की रोज पूजन करूं। तो कोई आइंस्टीन से नहीं डरता, हमारे साइंस में तो जितने भी ऐसे वैज्ञानिक हैं उन सबसे लोग वही प्रभावित रहते हैं, प्रभावित सभी रहते हैं लेकिन डरते नहीं, वही आपको रखना, प्रभावित तो उससे होना है, वो जो कह रहा है उसको समझना है। तो अगर आपने ये उत्तर दे दिया कि एप्पल का जो फॉल है इट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल एग्जर्टेड बाई अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्टेड बाई अर्थ ऑन द एप्पल, कि एप्पल पर या आम पर पृथ्वी जो है एक गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, और उस गुरुत्वाकर्षण बल लगाने के कारण वो गिरता है, और बल के कारण गति अवस्था में परिवर्तन होता है जैसा न्यूटन बता गए इत्यादि। पर लेकिन आप क्या है कि रेडीमेड यही आंसर देंगे, क्योंकि यही हमने स्कूल में सिखाया है कि फॉल ऑफ एन एप्पल इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्टेड बाई, और आपको यही लगेगा सच है क्योंकि आपने इसी को सच माना है, तो यही सच होगा क्योंकि ये आपको स्कूल टीचर ने बताया। उसके बाद भले ही आप कुछ भी कोर्स पढ़ लें लेकिन आपको वो बात वो स्कूल टीचर की छूटती नहीं कि ये जितनी भी चीज़ें गिर रही हैं ऊपर से वो जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही गिर रही है। लेकिन अगर सामने जो बैठा हुआ है वो अल्बर्ट आइंस्टीन है तो वो तो कहेगा ये बिल्कुल ही गलत जवाब है, मैं आज से 100 साल पहले ही कह गया हूँ कि ये तो जवाब गलत है और तुम्हें अभी तक नहीं मालूम। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के सामने अगर ये जवाब दें, अगर न्यूटन बैठा हुआ है उसके सामने ये जवाब दें तो न्यूटन कहेगा बिल्कुल वेरी गुड, यू आर राइट,
यू बिलीव इन माई स्कूल ऑफ थॉट, आपको मेरे बातों में विश्वास है तो मैं आपका चयन करता हूँ। ये न्यूटन कह सकता है, अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं कह सकता, क्योंकि जवाबों के जितने भी जवाब होते हैं फिजिक्स के अंदर, वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क किसी ढांचे में, किसी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि फॉल ऑफ एन एप्पल इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एज एक्सप्लेन बाय न्यूटन इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स, तब तक तो ये सही है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, जो कि 11वीं में पढ़ाई जाती है, 11वीं में न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ाते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स के आधार पर हम इस बात को कहते हैं कि एप्पल जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है, तो ये पूर्ण तौर पर सही है, क्योंकि उस यांत्रिकी में इसी तरह से व्याख्या गुरुत्वाकर्षण की गई है। लेकिन अब सामने वाला आइंस्टीन है, उसको पता है कि न्यूटोनियन गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तो 1905 में आइंस्टीन ने स्पेशल थ्योरी दी, और 1915 के अंदर उसने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, और न्यूटन की सारी बातें गलत साबित 1915 में हो गई, यानी आज से 107 साल पहले, अब तो 108 हो जाएंगे, इसलिए तो 107 साल पहले ये साबित हो गया कि न्यूटन ने जो कुछ भी कहा वो गुरुत्वाकर्षण के बारे में, वो सब गलत है। और वो गलत है तो फिर नई व्याख्या आई, जो नई व्याख्या है कि किसी भी पृथ्वी का द्रव्यमान है तो पृथ्वी के आसपास का जो स्पेस टाइम है वो कर्व्ड हो जाता है, और उस कर्वेचर के कारण जो है वो गति होती है। बल जैसी कोई अवधारणा जीटीआर में नहीं है, बल जैसी कोई अवधारणा क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं है, लेकिन बल एक अवधारणा न्यूटोनियन मैकेनिक्स में है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स के संदर्भ में वो जवाब सही है, अन्य एडवांस संदर्भ में वो जवाब गलत। तो अब ये कैसे पता चले मुझे कि ये कौन सा लेवल का वो पूछ रहा है, और एक्सपर्ट आइंस्टीन है कि एक्सपर्ट न्यूटन है? ये या तो अगर आपको पता चल जाता है तो अच्छा है कि आप उस ढंग से दे सकते हैं। दूसरा, जो मैंने कहा कि स्ट्रेटेजिकली इंटेलिजेंट आदमी उसको कहते हैं कि जो जवाब को के साथ वो रेफरेंस को अटैच कर दे, वो बोलते समय क्वेश्चन ये पूछा जाए तो कहे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स या न्यूटोनियन यांत्रिकी के अनुसार एप्पल जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तो आपने जो, क्योंकि अब वो ये नहीं कह सकता कि ये आंसर गलत है, क्योंकि आपने एक संदर्भ दे दिया, और क्योंकि आपने जीटीआर पढ़ी नहीं, बहुत कम बच्चे हमने कोर्सेज डिलीवर किए होंगे जीटीआर आप जानते नहीं, तो आप वो जवाब भी जानते नहीं, और वो जवाब भी सही नहीं है, क्योंकि अगर न्यूटन की यांत्रिकी सही होती तो ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं होता और आपका भी अस्तित्व नहीं होता। ये तो सौभाग्य है कि न्यूटन की जो भी बातें कहीं वो सब गलत है, अगर वो बातें सही होती तो ये इंटरव्यू की झंझट होती नहीं, क्योंकि जब अस्तित्व ही नहीं होता तो काय का इंटरव्यू, कौन सी पोस्ट और कौन सा जीवन यापन। ये कोई भी घटनाक्रम अगर न्यूटन ही सही होता, न्यूटन ने जैसा बताया उसी समय का साइंस उसी के आधार पर चलती रहती, और वो परमात्मा का स्तर उसको मिल जाता है, नहीं दुनिया न्यूटन जैसा कहेगी वैसा ही चलेगी, तो ये दुनिया नहीं होती, ध्यान में मान के चलें। तो धीरे धीरे हमने भी धीरे धीरे सीखा, आप भी धीरे धीरे सीखते हैं, लेकिन जवाब को अगर संदर्भ सही दिया जाता है तो बचाव हो जाता है। फिर वो आइंस्टीन का जिक्र भी करें तो आप कह सकते हैं कि हाँ, आइंस्टीन ने कोई जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गुरुत्वाकर्षण की दी है, लेकिन मैंने उसकी स्टडी नहीं की है, और इसलिए मैं जवाब जानता नहीं हूँ कि जीटीआर में क्या जवाब है या आज की तारीख में आधुनिक क्या जवाब है, मुझे तो इतना ही जवाब। ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि आपने कह दिया कि मैं जीटीआर को नहीं जानता हूँ, तो वो अगला क्वेश्चन उस डोमेन में से नहीं पूछेगा। दूसरी बड़ी स्ट्रेटेजी, एक दबाव आपको जितना इंटेलिजेंटली आप दे सकते हो उतना इंटेलिजेंटली दें ताकि आपका बचाव। फिर वो, क्योंकि जैसे ही आपने ये कहा कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, तो वो पूछ सकता है कि और कौन सी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है, और क्या व्याख्या हो सकती है, तो आप कह सकते हैं आइंस्टीन का जिक्र कर सकते हैं, जीटीआर का जिक्र कर सकते हैं, बट जीटीआर में वो घुस नहीं पाए उसके लिए आप पल्ला भी झाड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जो इंटरव्यू बोर्ड में आता है वो सारे फिजिक्स के विषयों का वो जवाब नहीं दे सकता। मैंने भी सारे फिजिक्स के क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं, आइंस्टीन भी नहीं दे सकता, न सिन कॉरल दे सकता है, न आज की तारीख में सबसे महान जो फिजिक्स के मैं मानता हूँ टीचर प्रोफेसर सूज़काइंड, उनके वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं मेरी दृष्टि में, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना अपना मत होता है, वो सबसे अधिक जितने व्याख्यान उन्होंने दिए हैं उसके आधार पर कहा जा सकता है कि वो सबसे बड़े शिक्षक, सबसे बड़े ज्ञाता, इतने अलग वैरायटी ऑफ विषयों के ऊपर उनके यूट्यूब पर ही व्याख्यान है कि उनको महान फिजिक्स का शिक्षक माना जा सकता है। जिस तरह से पहले कभी फाइनमैन को माना गया, उस तरह से आज के कंटेम्प्रेरी समय में सूज़काइंड है, उनके वीडियो देख सकते हैं आप, यूट्यूब पर उपलब्ध है।
तो उनको माना जा सकता है, लेकिन वो भी सभी प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि जो जवाब आप दे सकते हैं बेहतर, वो तभी दे सकते हैं जब आप पहले से मॉक इंटरव्यू के जरिए अपनी भी प्रिपरेशन कर लें कि ये हजारों 2000 क्वेश्चंस की आप तैयारी करें कि ये क्वेश्चन पूछे गए तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो वो हजार 2000 क्वेश्चन तो नहीं आएंगे जो आप तैयारी करेंगे, लेकिन ये उसी तरह से कि वो हजार 2000 गेंद जो पहले वाले मैच में वो खेलता है मैदान में, चाहे वो बॉलर भी सही नहीं है, उनसे उसकी तैयारी हो जाती है क्रिकेट की, वैसे ही आपकी तैयारी हो जाएगी। एक तो मेरी बात ये समझ लें कि जवाब को इंटेलिजेंटली दें और समझ लें कि जो एरिया आपको नहीं आता है, फिजिक्स में कौन कौन से एरिया नहीं आते हैं उसकी लिस्ट आज से ही बना लें। उनमें से प्रश्न आते ही सीधे ही पल्ला झाड़ना है, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड की सबसे खुफिया जानकारी मैं आपको ये देता हूँ कि इंटरव्यू बोर्ड में क्या आकलन किस ढंग से आदमी कर सकता है, वो आदमी है बैठने वाले। आपका इंटरव्यू 20 मिनट चला, ठीक है, 20 मिनट में 100 क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई भी आकलन इससे नहीं होता कि कितने क्वेश्चंस के आंसर सही दिए और कितने क्वेश्चन के आंसर गलत किए। वहाँ पे कोई आदमी कागज पेन लेके नहीं बैठता है, क्वेश्चन नंबर 1 गलत हो गया, नंबर 2 सही हो गया, 3 गलत हो गया, ऐसे कोई नहीं करता है। कभी भी आप जाके देख ले कि भाई ऐसा इवेल्यूशन करता हो कि भाई मैं क्वेश्चन आंसर को गिन लो कि बच्चे ने 50 में से 40 सही किए हैं तो इसको इतने नंबर दे दो, ऐसा नहीं होता। इंटरव्यू बोर्ड का आकलन इस आधार पर होता है कि 25 मिनट का इंटरव्यू हुआ, उसमें आपने 22 मिनट सही जवाब दिए, 3 मिनट आपने गलत जवाब दिए, या 25 मिनट के इंटरव्यू में आपने 2 मिनट ही सही जवाब दिए ताकि 23 मिनट तक आप बैठे ही रहे, जवाब ही नहीं दे रहे हैं, सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। वहाँ पर आपको चिंतन या योग करने के लिए नहीं बुलाया, बाबा रामदेव नहीं है कि आप प्यार जहाँ योग करने लग जाए वहाँ पर, चिंतन मनन का बात नहीं। इंटरव्यू तो फास्ट जैसे राउंड होता है ना क्विज का, उसी तरह से ही होता है कि वहाँ पर आपको ये मौका नहीं दिया जा सकता कि आप हिसाब में सोच के बताऊंगा। आप नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मौका मिल सकता है, हम बाद में बताएंगे, मेरे को अपडेट नहीं है अभी, वहाँ पर नहीं है, जो भी करना है उसी मिनट में, लेकिन उसमें कितना अच्छा करेंगे। तो अगर आपने कह दिया मुझे GTR नहीं आती है, तो GTR का क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर आपके कम्फर्ट जोन, हर एक व्यक्ति का एक कम्फर्ट जोन है, जिसके फिजिक्स में क्वेश्चन पूछे जाएं तो वो अच्छे जवाब दे सकता है। तो आपको आज ही जाकर के सोचना है कि कौन से ब्रॉड एरियाज ऑफ फिजिक्स हैं जो आप बिल्कुल नहीं जानते हो, जिनमें आप जवाब देना पसंद नहीं करेंगे, कौन से एरियाज हैं जिसमें आपका कंफर्ट जोन है, और बाकी फिर बचे हुए बीच वाले एरिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने कम्फर्ट जोन में उसको खींच के रखना है कि क्वेश्चन उसी में ही पूछे। आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स को ही जानते हैं तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स को ही बार बार रेफरेंस में लाएं, ताकि वो भी न्यूटोनियन मैकेनिक्स ही उसके दिमाग में चल जाए, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो उसके दिमाग में भी इको होता है। हवा में तो क्वेश्चन बनता नहीं, ना कोई उसके पास लिखित पेपर है, इंटरव्यू बोर्ड में कभी नहीं होता कोई क्वेश्चन पेपर सेट लेकर के आता हो कि इसमें से क्वेश्चन मैं बोलता जाऊँ, आप इस पहले वाले से ये पूछ लिया, आप दूसरे वाले से ही आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जो आप जवाब देते हैं उसके बाद उसके दिमाग में जो रिएक्शन होती है उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछते हैं। तो जवाब में अगर आप भूमिका बांधते चले जाते हैं कि जिस एरिया में आपका कम्फर्ट है वो आपको पहले से पता है, अभी आप क्योंकि सोच के तैयारी कर लेंगे कि मुझे ये कंफर्ट है, बट कंफर्ट होने के बजाय क्या है कि दूसरा व्यक्ति कौन हारता है, जो कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, जो फेंकने लगता है, यानी जो ग्लैमरस व्यक्ति होते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि आलिया भट्ट अभिनेत्री तो बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे आपके जो लड़के हैं कम से कम आलिया भट्ट को पसंद करते होंगे, लेकिन अकल की उसमें बहुत कमी है, क्योंकि सेलिब्रिटी होने से अकल नहीं आती। तो ऐसा रिफ्लेक्ट होता है, कहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, तो उसके जवाबों से रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर आप ग्लैमरस हो जाएंगे और आपके जवाब आप ऐसे देंगे जो ग्लैमरस हों, ओवर स्मार्ट हों, लेकिन उस तरह के हों जो पूर्ण तौर पर मुक्तापूर्ण हों, तो आप एक्सपोज हो जाएंगे। तो ये भी ध्यान में रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंट उस ढंग का भी नहीं होना, कि आप ऐसा कोई जवाब दे जाएँ जो जवाब बिल्कुल ही उसको लगे कि ये तो इसको कोई बेसिक नॉलेज नहीं है, लेकिन ये फेंकने में विश्वास। इसलिए आपको कंफर्ट जोन पता होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर इंटरव्यू बोर्ड में लोग पूछते हैं कि भाई आपसे कभी भी कभी लेक्चर देने के लिए भी कहते हैं, RPSC कहेगी कि नहीं कहेगी, बोर्ड होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन कई टीचर कहते हैं कि आप बोर्ड पर आकर लेक्चर दीजिए। तो आपको एक टॉपिक है, कभी टॉपिक वो बता देते हैं, कभी टॉपिक की चॉइस भी आप पे छोड़ देते हैं। तो कम से कम 10-12 टॉपिक्स तो आपके ऐसे होने चाहिए जिन पर कॉलेज लेवल के हों, जो BSc के लेवल के हों, और जिन पर आप रेडी लेक्चर दे सकते। मैंने देखा है कि क्वेश्चन पूछते समय जीरो हो जाता है, मैंने आपको सीधे कहा कि अभी आप में से किसी को भी खड़ा कर लेते हैं,
रोल नंबर कैसे, कोई भी नाम से वंदना नाम बताएगी और वो जवाब देगा। नाम बताओ भाई, एक किसके किसको क्वेश्चन पूछना है। हाँ तो जवाब जो है ये देगा, क्वेश्चन मैं पूछूंगा, ठीक है ना। तो गुरुत्वाकर्षण पर आपको लेक्चर देना है 11th की क्लास में, कैसे शुरू करेंगे, करें। टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण, अब आप क्या बोलेंगे। ऐसे बातचीत नहीं हो सकती। क्लास आपने भी अटेंड की होगी, टीचर आकर के इतना इनफॉर्मल नहीं हो सकता, फॉर्मल होता है लेक्चर। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में लेक्चर देना है तो आप लेक्चर की शुरुआत कैसे करेंगे, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। छात्रों आज हम गुरुत्वाकर्षण की बात करेंगे, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में आप ये जानते होंगे, गुरुत्वाकर्षण आपके पाठ्यक्रम में है, ये चौथी यूनिट में है, इसके बारे में ये चर्चा करेंगे। तो वो सब हम बोलते हैं जब भी कहीं क्लास में जाते हैं, आपने क्लासेज अटेंड तो की है ना, टीचर आ करके यूँ सीधे शुरू हो जाता है, उसको तो कोई ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो घबराने लग जाए कि सब क्या बोलना है। वो भले ही प्रिपरेशन करके आता हो, कई लोग नहीं आते तो वो, कई लोग तो बिल्कुल पूरा लेक्चर ही रट के आते हैं, मैं जानता हूँ। हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय में भी ऐसे टीचर थे जो शुरू शुरू में लगे, महाराजा कॉलेज में बैठे हुए पूरा जो है वो रट रहे हैं, जो कोई भी लोकल किताब चलती है रमेश बुक डिपो की, उसमें से ये डेरिवेशन कराना है, वो टीचर आते ही फिर डेरिवेशन ही कराता है, वो फालतू के लफड़े में पढ़ता नहीं, क्योंकि डेरिवेशन सबसे ईजी है, बट इंटरव्यू में डेरिवेशन काम में नहीं आता, क्योंकि कोई डेरिवेशन इतना लंबा आपसे करा नहीं सकता। अभी मैं कहूँ क्वांटम मैकेनिक्स में स्क्वायर पोटेंशियल वेल में प्रॉब्लम सोल्व करो, वेव फंक्शन निकालो और उससे प्रोबेबिलिटी निकालो और ग्राफ खींचो, तो जिसको क्वांटम मैकेनिक्स की तैयारी कर रखी है वो सीधे खुश हो जाता है, डेरिवेशन करना है फटाफट, बोर्ड पर एक के बाद एक गणित लिखते जाओ और उस गणित को लिख करके और काम पूरा हो गया। और बच्चे भी क्योंकि जैसे ही गणित देखते हैं कि टीचर कुछ लिख रहा है, वो कॉपी करना शुरू कर देते हैं, शांत बैठे रहते हैं, क्योंकि गणित अगर समझ में आ रही हो ना आ रही हो, दोनों ही केस में वो उनका ध्यान इसी बात पर रहता है कि कॉपी करें। तो ये जैसे अभी नहीं बोल पाया, ऐसा नहीं कि उसको आता नहीं, बोल नहीं पाया। क्यों नहीं बोल पाया, क्योंकि प्रिपरेशन नहीं है, पहले आपने सोच नहीं रखा है कि मुझे कोई भी क्लास शुरू करनी होगी तो मैं कैसे करूँगा, तो किसी भी टॉपिक पे करनी हो, टॉपिक यही नहीं, बैठ जाओ। कोई मैं आपका उदाहरण के तौर पे लिया है, आप घबराए नहीं इस बारे में, क्योंकि आज आप सोचें इस बारे में, मुझे कोई भी टॉपिक दिया जाए, ऑन स्लो दिया जाए, ये तो आप चूज कर सकते हैं ना, मेरी जरूरत नहीं है उसमें। ऑन स्लो दिया जाए तो मैं कैसे शुरुआत करूंगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक दिया जाए तो कैसे शुरुआत करूंगा, ठीक है। तो आप जैसे इंटरव्यू बोर्ड में मान लो मैं सामने हूँ और आप अंदर आए और आपको पसीने आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि भी आपको गर्मी ज़्यादा लग रही है, ऐसा लग रहा है, आप आराम से बैठिए और हम इंटरव्यू की शुरुआत इसी क्वेश्चन से करते हैं कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, हाउ वुड यू डिफाइन टेम्परेचर। अब आप ये तो नहीं कह सकते साहब टेम्परेचर तो मेरा आउट ऑफ कोर्स था, कि टेम्परेचर तो ऐसा वर्ड है कि आम आदमी को ये क्वेश्चन पूछूंगा हाउ डू यू डिफाइन टेम्परेचर, तो वो कहेगा गर्मी में गर्म होता है, सर्दी में सर्द होता है, ठंडा होता है, इसको टेम्परेचर कहते हैं। उसके लिए टेम्परेचर का इससे ज़्यादा कोई डेफिनेशन की आवश्यकता नहीं। आप जानते हैं जब फिजिक्स के इंटरव्यू में पूछा जा रहा है कि हाउ डू यू डिफाइन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वान्टिटी एंड हर फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन होती है, मीनिंग होता है, कंसेप्ट होता है। कैसे देंगे बताओ, अब आप में से कोई भी वॉलेंटियरली, हाउ डू यू डिफाइन टेम्परेचर, दिस इज द क्वेश्चन विच आई हैव आस्क्ड यू। खैर छवि इस तरह की है कि कई बार तो स्टूडेंट बाहर से इसीलिए भाग जाते हैं, प्राइवेट कॉलेज में जब इंटरव्यू में लेने जाता हूँ कि मैं अंदर बैठा हुआ हूँ तो कुछ मेरे ही स्टूडेंट भाग जाते हैं कि फालतू में परेशान करेंगे, अभी क्वेश्चन पूछ करके अब होना है नहीं, तैयारी है नहीं, तो वो पहले ही आकलन कर लेते हैं कि अंदर जाने में ही भला ही नहीं है, तो वो आते ही नहीं अंदर, इंटरव्यू में ही नहीं आते, ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं अनुभव से बता रहा हूँ। मैंने कहा वो लड़का आने वाला था, जबकि मैं तो कई बार फेवर करता हूँ, जो मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट होते हैं जिनकी मैं शक्ल जानता हूँ उनको बचाने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड में मान लो कोई आपका परिचित भी आ गया और आपको बचाने की भी कोशिश कर रहा हो, तो वो क्या करता है कि आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसका आप कितना भी हास्यास्पद जवाब दें, वो चेहरे पर मुस्कुराहट ही रखता है, वो गुस्सा या ऐसा भाव नहीं रखता, ताकि सामने वाले बाकी बोर्ड को तो वैसे भी क्वेश्चन नहीं आता, इंटरव्यू बोर्ड में कुमार विश्वास की वाइफ क्या जानती है फिजिक्स क्या है, तो वो हंस रहा है तो वो कुमार विश्वास की वाइफ क्या समझेगी, हाँ बिल्कुल अच्छी लड़की ने अच्छा जवाब दिया, इसमें भी अच्छा इंटरव्यू जा रहा है इसका, क्योंकि वो रिएक्शन देने का तरीका है, जो जो होशियार लोग होते हैं वो जानते हैं कि गलत पर भी हंसना नहीं है,
क्यों नहीं, तो वो आपको कोई भी हतोत्साहित करने की इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर जनरली कोशिश नहीं करते, लेकिन अगर वो मुस्कुराता रहता है गलत जवाब पर भी तो इंटरव्यू बोर्ड के बाकी मेंबर्स को पता नहीं चलता। और ये ध्यान रखें कि फिजिक्स के इंटरव्यू बोर्ड में कई बार होता है कि जिस मेंबर ने क्वेश्चन पूछा है वही उसको इवेल्युएट करने का सही काबिलियत रखता है, बाकी मेंबर तो रखते ही नहीं है। इसलिए बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है कि चाहे आपको कोई कुछ भी कहे, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज से ये कम्युनिकेट हो रहा हो कि आप इस क्वेश्चन से भी कंफर्टेबल हैं, तो इंटरव्यू बोर्ड में चार लोग बैठे हैं, एक आदमी कह रहा है ये गधा है और तीन आदमी कह रहे हैं देखिए कंफर्टेबल है घोड़ा है, तो तीन आदमियों का आपका आकलन सही हो गया, आपको पॉइंट अच्छे ढंग से उसमें मिल गया। तो बॉडी लैंग्वेज का मतलब है रुक गए। अब आपने कहा भाई जैसे मैंने कहा ये रुक गया, जितना टाइम लिया, ये सब बॉडी लैंग्वेज को ख़राब करते आपकी, क्योंकि पहले से आपने सोच नहीं रखा। तो कम से कम 15-20 टॉपिक पे तो पूरा धारा प्रवाह, जैसे क्लास में जा रहे हो उनको स्टूडेंट मानते हुए, कोई कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करते हुए कि आपको कल भेज दिया जाए तो आप कॉलेज की क्लास में पढ़ा सकते हो। होता भी क्या है, जब मैं पहली बार लेक्चर बना था तो यहाँ पर मैं हॉस्टल में अम्बेडकर हॉस्टल में रहता था, उस समय में अम्बेडकर हॉस्टल में उस ज़माने में टेलीग्राम आता था यू हैव बीन अपॉइंटेड लेक्चरर इन फिजिक्स। 15 दिसंबर को टेलीग्राम आया, 16 दिसंबर को मैंने ज्वाइन किया 11 बजे और 12 बजे आपको क्लास लेनी है। टाइम टेबल है, बना हुआ है, कॉलेज डिसिप्लिन होता है तो टाइम टेबल में क्लास लेनी है, कोई आपको समय थोड़ी मिलता है। तो आपकी रेडीनेस तो होनी चाहिए ना, कुछ टॉपिक कुछ पे नहीं होगी तो आप पहले दिन क्लास में किस ढंग से टाइम वेस्ट कर सकते हैं, वो भी एक आर्ट है। तो कई लोग होता है, कोई टीचर ऐसे होता है जिनको बिल्कुल नहीं आता, पूरी ज़िंदगी भी टाइम वेस्ट करके भी पढ़ाते रहते हैं, जो मर्जी आए वो बातें करते, आप आउट ऑफ द कंटेक्स्ट की बात भी कर सकते हैं। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक टीचर थे कॉमर्स के, वो कभी कॉमर्स उन्होंने पढ़ाई नहीं, क्लास में पढ़ाते नहीं थे। एक प्रिंसिपल आया, उन्होंने सबको क्लास में जाना टीचर को अनिवार्य कर दिया। अब वो क्लास में जाए बैठ गए, बच्चे भी बैठे हुए हैं क्योंकि उस प्रिंसिपल ने अटेंडेंस वगैरह सब कंपलसरी कर दी, तो बच्चे भी सामने बैठे हुए जवाब ही नहीं दे रहे। फिर 15 मिनट अटेंडेंस के बाद भी जवाब नहीं दे रहे, बोल नहीं रहे। फिर स्टूडेंट ने पूछा कि सर आप बोल तो रहे ही नहीं है, वो रूरल डेवलपमेंट पढ़ा रहे थे, अच्छा तू बता किस गांव का है, तेरे गांव में कैसे डेवलपमेंट होता है, यूँ करके और वो टाइम पास कर, ये आर्ट आर्ट हो गई उनकी भी, टाइम पास कर लिया उन्होंने। बट ऐसे टीचर तो आप बनना नहीं चाहते, ऐसी आप इस ढंग से, तो अगर RPSC में आपने जुगाड़ कर लिया है और आपका निश्चित है कि साहब होगा आपका ही, क्योंकि तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान सरकार, इसकी जो बदनामी पिछले दिनों में हुई है, यहाँ ईमानदारी से भी सिलेक्शन हो जाए तो भी लोग सोचेंगे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई होगी, ऐसी तो छवि सरकार की हमारी बन चुकी है। मेरे पास ही आया भी PTET का ये पेपर हमारे को सेट कराना है, मैंने कहा मैं बिल्कुल आपको न तो किसी व्यक्ति का नाम बताऊंगा, मेरा तो प्रश्न ही नहीं है, मैं किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं बताऊंगा कि इससे पेपर सेट कर लें, क्योंकि वो मेरा परिचित होगा और क्योंकि आपकी छवि बन गई है कि आपका पेपर तो आउट हो गई, वो आदमी क्यों गुनाह का भागीदार बने, उसको क्या लेना देना। 1500 रुपये 2000 रुपये देते एक पेपर सेटिंग के, 2000 रुपये के लिए जो पेपर आपको लीक ही करना है, जो आपका नेटवर्क ही बना हुआ है उसके आधार पर ही। तो अगर आपकी सेटिंग है और उसमें आप ओवर कॉन्फिडेंट होके गए, तब भी आप, हो सकता है कि कोई आदमी अड़ जाए कि नहीं साहब ये तो बिल्कुल ही गधा है, इसको तो किसी भी हालत में नहीं लेना। इंटरव्यू बोर्ड में अड़ भी जाते हैं लोग, कई लोग खपते होते मेरे कि ये तो आ ही नहीं सकता क्योंकि इसका तो नॉलेज बिल्कुल ही ख़राब है, तो नेगेटिव इस तरह की स्थिति बन जाती है। तो फिर बाकी जो लोग आपको सपोर्ट भी कर रहे हो, चाहे चाचा जी मामा जी ने उनको मैनेज भी कर रखा है, तो भी वो भी आपको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन प्रिपरेशन जो ये करा रहे हैं उसका कोई जवाब इस प्रिपरेशन में, यहाँ पर भी आपको ये भी यही ध्यान दें कि आपको 12-15-20 लेक्चर देना आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कौन सा फील्ड है स्पेशलाइजेशन का, किस में आप कम्फर्टेबल हैं, किस में आप अच्छे जवाब दे सकते हैं, और इसमें भावनात्मक जवाब नहीं दें। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले भी एक स्टूडेंट आया था, मेरे पास वैसे ही आ जाते हैं कई बार मिलने, तो स्टूडेंट ने आकर के ऐसी, तो उसकी आपसे किसमें किया है, तो माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, ठीक है, माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है क्वेश्चन, और मेरे जैसा व्यक्ति है, मैं तो कोई, आप जानते हैं माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो पूछे जा सकते हैं क्योंकि जो फिजिक्स में जो सीनियर लोग हो जाते हैं उनको अगर उन्होंने ईमानदारी से पढ़ाया है और अच्छे लोग हैं तो उनका ज्ञान का विस्तार हो चुका होता है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते जितना अधिक पढ़ाते हुए व्यक्ति सीखता है उतना स्टूडेंट भी नहीं सीख सकता है, तो काफ़ी जितना एक्सपोजर उनका हो जाता है। तो आप में से कितने लोग हैं जिनका माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स रहा है, कोई है? 3-4 लोग, ठीक है, अब आप जवाब दो कि
माइक्रोवेव को माइक्रोवेव क्यों कहते हैं? बोले सीधा सा प्रश्न है, माइक्रोवेव को माइक्रोवेव क्यों कहते हैं? दीजिए जवाब। जवाब नहीं दोगे तो ऐसे तो वहां इतनी देर बैठे रहोगे तो हो जाएगा। कॉन्फिडेंस रखो, मैं कोई मारने पीटने वाला नहीं हूँ कि गुस्सा आ जाएगा मुझे अभी और पीट दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। कॉन्फिडेंस से जवाब। व्हाई माइक्रोवेव इज कॉल्ड माइक्रोवेव? क्या कह रहे हैं? माइक्रो यही है कि देखिए नुकसान क्या है। ये दूसरा मैंने उदाहरण लिया, बैठ जाइए, इस दूसरा उदाहरण मैंने सोच समझ के लिए पहला उदाहरण लिया कि आप आंसर देते हैं क्वेश्चन आंसर मैपिंग से। दूसरा उदाहरण देते हैं आप भावना पर, आप बहुत अच्छे लोग हैं, वो जो भी ज़्यादातर आदमी अच्छा होता है उसकी साइंस में नहीं चल पाता है क्योंकि वो इमोशनली कैरिड अवे हो जाता है। साइंस में इमोशंस का कोई महत्व नहीं है। जो अच्छा प्रेमी हो जाए लैला मजनू जैसे, वो कभी फिजिसिस्ट बने? आपने कोई भी सुना सीरी फरार, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, किसी के भी उसमें लिखा हुआ है क्या कहानी में कि वो उन्होंने फिजिक्स की क्लास अटेंड की थी या साइंस की क्लास अटेंड की थी? क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि जो इमोशनली कैरिड अवे हो जाता है वो साइंस नहीं पढ़ सकता, साइंस नहीं समझ सकता। बट इमोशनल के अलग अलग लेवल होते हैं और ये जो जवाब इसने दिया है ये इमोशनली कैरिड अवे जवाब है। ये न तो पुराने वाला जवाब जो था एप्पल गुरुत्वाकर्षण से गिरता है, वो तो एक जानकारी तो थी किसी परिप्रेक्ष्य में तो सही था, ये तो किसी भी परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है। लेकिन भावनात्मक हमारे दिल में आता है कि हम चालाकी दिखाने की कोशिश करते हैं और जो चीज पकड़ में आती है उसी को जवाब मानते हैं। जिसको जो दिखाई दिया उसी को उसने ईश्वर कह दिया। किसी ने कहा सूर्य दिख रहा है तो सूर्य ही ईश्वर है, परमात्मा है। किसी को चंद्रमा दिखाई दिया उसने कहा चंद्रमा ही परमात्मा है। तो ये प्राचीन समय में जब हमारे ज्ञान में कमी थी तो जो पकड़ में आ जाए उसी को देवता बना लो और उसी के आराधना और पूजन शुरू कर दो। ऐसा ऐतिहासिक तौर के ऊपर विभिन्न पॉलीथिज्म वाले धर्मों में हुआ। इतने सारे देवता कैसे बन गए? इसीलिए बन गए जो चीज़ पकड़ में आ गई। अब इसने कहा कि माइक्रोवेव वो है जिसकी की वेवलेंथ जो है वो माइक्रोन ऑर्डर की होती है। यही कहा ना, लग माइक्रोन ऑर्डर की होती है। माइक्रोन कितने होता है? माइक्रोन होता है 10^-6 meter। कितना होगा? 10,000 angstrom वेवलेंथ की माइक्रोवेव कभी आपने देखी या पढ़ी या सुनी? 10,000 angstrom की क्या होगी? तो अभी आपको समझाने के लिए, लाइट की वेवलेंथ कुछ लोग कहते हैं ये होती है, तो ये 10,000 की किस में होगी? ये तो इंफ्रारेड में होगी। ये तो माइक्रोवेव है नहीं। माइक्रोवेव की किताब भी खोल कर देखना, उसमें भी कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। लेकिन क्या है कि मैं प्रेमी हूं तो मेरे दिल में ख्याल आता है। तो आपने गाना सुना होगा ना आपने, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि माइक्रोवेव को माइक्रोवेव इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य माइक्रोन की होगी। ये आपका ख्याल है, साइंस की किसी भी किताब में लिखा हुआ नहीं है। बट ये ख्याल आपके दिल में आ सकता है क्योंकि आप रोमांटिक व्यक्ति हैं, आप इमोशनल व्यक्ति हैं, तो आपके दिल में ऐसे ऐसे ख्याल उत्पन्न हो जाते हैं और आप जवाब देते हैं। तभी तो हो सकता है जवाब यही हो जिसने उन्होंने बाकी को मैंने नहीं पूछा। तो इसलिए आप यूँ नहीं घबराएं कि भाई आपका जवाब गलत है। मैं तो आपको कमजोरियां बता रहा हूँ जो मेरे सेट एग्जांपल हैं, ये कमजोरी को बताता है। आपको लगा कि ये क्वेश्चन में मैं कम्फर्टेबल हूँ, आप जो जवाब दे रहे हैं उसके बाद हो सकता है मैं कोई दूसरा क्वेश्चन भी नहीं पूछूं। तो आप बाहर आकर के यही कहें कि साहब मेरे को 10 क्वेश्चन पूछे, 10ों के सही जवाब दिए, फिर भी मुझे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ये जवाब क्योंकि गलत है, जब आप सारे 10 हो गए गलत जवाब दे रहे हो तो आगे वो क्वेश्चन पूछे ही क्यों आपसे? तो आपको लेकिन लग नहीं रहा, आपको लग रहा है कि भाई जवाब सही है। इसका रीज़न ये है कि हमने गहराई से नहीं पढ़ा। लेकिन अगर माइक्रोवेव आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ है, कोई स्पेशल पेपर है, तो माइक्रोवेव के क्वेश्चन तो आपको पूछे ही जा सकते हैं। आप ये कह सकते हो पार्टिकल फिजिक्स के मत पूछिए, कॉस्मोलॉजी के मत पूछिए, क्योंकि ये मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं है। लेकिन माइक्रोवेव तो आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ मान लो, या आपने खुद नहीं कह दिया कि माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसने पूछा किसने स्पेशलाइजेशन किया, आपने कहा माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स में किया, और फिर उसने क्वेश्चन पूछा और फिर आपने जवाब दिया, तो ज़्यादा नकारात्मक हो जाएगा। क्योंकि इवेल्यूटर एक भी चीज़ को ध्यान रखता है, जिसको आप अपना बता रहे हो उसमें आपके ज्ञान की यह हालत है, तो बाकी में क्या हो? इसको कहते हैं ना स्टेटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में हम कहते हैं कि हम तो उसको देखते हैं एक्स्ट्रापोलेट करके
एक्सट्रापोलेशन इज ए टेक्निक इन मैथमेटिक्स कि जब यहीं पर आपके जवाब पुअर हैं तो बाकी भी आप नहीं जानते। अब मैं आपको जवाब भी दे देता हूँ क्योंकि ऐसा नहीं जवाब नहीं दिए। माइक्रोवेव को इसलिए माइक्रो नहीं कहते, माइक्रोस्कोप को जरूर इसीलिए कहते हैं। माइक्रोस्कोप भी एक शब्द है क्योंकि वो इसी कुछ माइक्रोन को देख सकता है, एक माइक्रोन को तो नहीं देख सकता लेकिन कुछ माइक्रोन को, क्योंकि वो लाइट को यूज करता है। लाइट में आप देख रहे हैं 8000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है ना, तो उसके आधार पर तक देख सकता है। तो 8000 एंगस्ट्रॉम तो लैम्डा है मान लो, तो उससे कुछ लैम्डास तक देख सकता है साइज जो देख सकता है। तो माइक्रोस्कोप भी इसीलिए कहते हैं बिकॉज उसका रेंज जैसे स्क्रू गेज का मिलीमीटर में होता है, ऐसे माइक्रोस्कोप का। मेरा लेक्चर भी है यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसमें मैंने बताया कि ये माइक्रोस्कोप, बट इसी नाम से बनाया माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोलॉजी में, बैक्टीरिया वायरस इनको भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी साइज माइक्रोन ऑर्डर की होती है। पानी का जो ग्लास आपके सामने रखा हुआ हो, कितना भी साफ पानी हो, उसमें जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो बैक्टीरियाज अपनी स्विमिंग करते हुए नजर आते हैं। बैक्टीरियाज इधर से उधर स्विमिंग कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं पूरा। आप जब पीते हैं तो आपके पेट में जाते हैं, फिर आपकी बॉडी का आनंद लेते हैं। और इसीलिए आप जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अगर दूषित पानी पी लेते हैं जिसमें ज़्यादा इस तरह के खतरनाक बैक्टीरियाज हों, तो वो आपके अंदर पेट में जाके अच्छी खासी हलचल मचा देते हैं, डिसेंट्री हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये भी ध्यान रखें कि ना तो टेंशन में रहें। कई बार ये होता है कि इतना अधिक टेंशन ले लेते हैं कि इंटरव्यू के दिन तक जाने तक सारी बॉडी का जो है, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होनी चाहिए। जैसे आप रहते हैं आपके बॉडी पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होना चाहिए। आप उस रात को सोए ही नहीं, आपने खाना ऐसा उल्टा सीधा खा लिया या खाना खाया ही नहीं, कई लोग तो खाना ही नहीं खाते। फिजिक्स में एक लड़की थी किसी बैच में 2016-17-18 में, तो वो एग्ज़ाम के इतने टेंशन में 2 दिन से खाना ही नहीं खाया और बीच एग्ज़ाम में बेहोश हो गई और उसको भेजना पड़ा वहाँ पर हॉस्पिटल में। ये ध्यान में रखें, इससे कोई मानता नहीं, नई सिलेक्शन होने से कुछ भी नहीं गिरने वाला है, क्योंकि दुनिया अभी ख़त्म नहीं होगी अरबों वर्षों तक, खरबों वर्षों तक। ध्यान रखें, नेता कुछ भी कहे, कोई ख़त्म नहीं होने वाली है, अभी बदलने वाली है, ख़त्म नहीं होने वाली है, बदलने वाली है। उस पर चर्चा कभी बाद में करेंगे क्योंकि वो फिजिक्स के इंटरव्यू से रिलेटेड है, लेकिन ख़त्म दुनिया नहीं हो रही, तो इंटरव्यू में न भी हो तो ख़त्म नहीं हुई। बट हमारी जो समझ है उसको हम रिफाइन करें, खुद को क्वेश्चन पूछे कर लें, अगर ये दिमाग में मेरे ये आंसर आ रहा है तो अभी तो किताब है, मैं चेक कर सकता हूँ कि भाई ये आंसर सही है कि नहीं है। किताब में देखा, लगा कि ये आंसर सही नहीं है, यहाँ पर ये सही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इसका नाम माइक्रोवेव कहाँ से पढ़ा? तो माइक्रोवेव और इंफ्रारेड दोनों की एक वेवलेंथ भी हो सकती, तो कैसे पता चले? वेवलेंथ सेम, और उसी वेवलेंथ की लाइट को, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट नहीं कहना चाहिए, उसी वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक व्यक्ति कह रहा है माइक्रोवेव और दूसरा वैज्ञानिक कह रहा है इंफ्रारेड। वाई? ये अगर आप हैलिडे रजनीक की किताब में जाएंगे तो ओवरलैपिंग रीजन है, ऐसा नहीं है कि बाउंड्री बिल्कुल एक्सप्लिसिट होगी भाई राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये तो राजस्थान में आता है, ये मध्य प्रदेश, वहाँ भी कई बार संकट हो जाता है। झालावाड़ में जाएं, एक कदम इधर रख दें तो मध्य प्रदेश में, एक कदम इधर रखा राजस्थान में, गांव बसा हुआ है, दोनों की बॉर्डर पर ही बसा दिया, लोगों ने फैलते गए। तो इस तरह का झालावाड़ में है, मैं वहाँ भी रह चुका हूँ इसलिए बताऊँ। तो पर फिर भी हम कहते हैं कि स्टेट की बाउंड्रीज तो खींची हुई हैं, भारत पाकिस्तान की भी खींची हुई हैं, भले ही डिस्प्यूट हो लेकिन खींची हुई तो हैं, तो इसलिए पता रहेगा। माइक्रोवेव और इंफ्रारेड में ऐसी शार्प बाउंड्री है नहीं, होती तो आपको पढ़ाई भी जाती कहीं, आपको पता है कि ऐसी कोई बाउंड्री नहीं पढ़ाई गई कि एग्जैक्टली इससे इस तक। लाइट में भी ये शार्प नहीं है, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन डेफिनेशन पे डिपेंड करता है किसको कहेंगे। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, कुछ लोग मानते हैं कि आई सेंसिटिविटी पर बेस्ड है, ये पढ़ना आप, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और 1% ऑफ जहाँ तक सही में सारी वेवलेंथ दिखाई नहीं देती, लेकिन एक ग्राफ बनाया जाता है, हम ग्रीन में अच्छे ढंग से देख सकते हैं वो ग्राफ, जब पिक करते हैं तो उसके 1% तक जहाँ तक हमें दिखाई देता है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने पर भी अगर दिखाई दे जाता है, तो वो हैलिडे रजनीक की किताब में दे रखा है। तो एक डेफिनेशन होती है उसके आधार पर, किसी किसी किताब में आपको मिलेगा 3000 से 8000 7000, सब अलग अलग मिलेगा, क्योंकि हाउ यू डिफाइन बेस्ड ऑन, बट ये ह्यूमन परसेप्शन पर आधारित, आदमी के देखने की क्षमता पर आधारित है। ये जो तीनों रेडिएशंस हैं, इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट,
इन तीनों रेडिएशंस में ये हमें दिखाई देता है, ये इसके इर्द गिर्द के हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन तीनों का मेथड ऑफ प्रोडक्शन एक ही है और वो मेथड ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है ऑप्टिकल ट्रांजिशन, जो आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऑप्टिकल ट्रांजिशन से जो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा, इस कक्षा से इस कक्षा में जाएगा तो एक फोटोन इमिट होगा, वो फोटोन इंफ्रारेड का भी हो सकता है, वो फोटोन मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो फोटोन विजिबल में भी हो सकता है। बामर सीरीज की पहली लाइन किस में आती है, अलाइमन सीरीज की पहली लाइन हाइड्रोजन के केस में अल्ट्रावायलेट में भी आ सकती है। ये सब आपने इन्फॉर्मेशन पढ़ी। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाते हैं, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में कोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उसमें बारे में कोई भी पूछ सकता है क्वेश्चन और आना चाहिए। तो ये मेथड ऑफ प्रोडक्शन है ऑप्टिकल ट्रांजिशन। माइक्रोवेव्स आर कॉल्ड माइक्रोवेव्स बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। एंड दीज आर नॉट ओनली माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सारी वेव्स जो हैं टेलीविजन के कहें या जो भी टेली कम्युनिकेशन के बहुत सारे ब्रांड हैं। तो माइक्रोवेव की किताब के बाद भी आपको मिलेंगे, जिसमें हमारे मोबाइल का ट्रांसमिशन हो रहा है, ये सब माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जो रेडिएशन प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं माइक्रोवेव। उसमें भी एक रेंज बना दी, हमने कुछ को उसमें नीचे डाल दिया टेलीविज़न रेडियो में, लेकिन जो हाई एनर्जी रेडिएशन कंपैरेटिवली हाई इन प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो वो माइक्रोवेव कहलाता है। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्यों माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहलाते हैं? कौन सी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप जानते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स तो सभी जगह पढ़ाई जाती है अपने यहाँ पर। आवाज मुझे साफ नहीं आ रही। वो तो क्रिस्टोन और वो तो माइक्रोवेव का लिया हूँ मैं, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कह रहा हूँ जो आपने पढ़ी हो। हर एक ने नहीं पढ़ी, क्रिस्टोन इसने पढ़ा जो माइक्रोवेव प्रोड्यूस करता है, वो भी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसीलिए माइक्रोवेव कह रहे हैं क्योंकि वो डिवाइस का नाम है क्रिस्टोन। बट माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत सारे डिवाइस होते हैं। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इसके साथ नाम आ जाएगा इन वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो डिवाइसेस जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में डायोड भी आता है, ट्रांजिस्टर भी आता है, FET भी आता है, MOSFET भी आता है और क्रिस्टोन भी आता है, और सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बट ये माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक क्यों कहलाते हैं? तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को माइक्रो क्यों शब्द काम में लिया? क्योंकि इन डिवाइसेस में एक कंसेप्ट है डिप्लीशन रीजन, जो आप सब जानते हैं। डायोड भी पढ़ा होगा बेसिक, क्योंकि सबसे एलिमेंट्री माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है सेमीकंडक्टर डायोड, जो बहुत लिमिटेड एप्लीकेशन है, माइक्रोवेव प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये हम सब जानते हैं। वो क्या कर सकता है वो भी आप जानते हैं, वो भी आपने BSc MSc में पढ़ा हो, बट उसमें डिप्लीशन रीजन होता है। कैरियर्स PN जंक्शन आपने पढ़ा सेमीकंडक्टर में, तो डिप्लीशन रीजन होता है। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक का वर्ड जो है वो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में काम में आता है, वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं काम में आता, ध्यान में रखें। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसमें पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल, मेजोरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर, ये सब आप जानते हैं। और जब दो जंक्शन मिलते हैं पी और एन मिलेंगे तो डिप्लीशन रीजन, दैट डिप्लीशन रीजन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोन, दैट्स व्हाई दिस डिवाइस इज कॉल्ड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक। जो डोपिंग हम कर सकते हैं जिससे ट्रांजिस्टर बनता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, CPU बनता है, वो सब डॉपिंग माइक्रोन लेवल के रीजन्स में की जा सकती है आज की तरह, इसलिए वो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है और डिवाइसेस माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहलाते हैं। और कोई माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज़ करके जिसमें कि इस तरह की चीज़ यूज़ की गई हो और अगर कोई रेडिएशन प्रोड्यूस होता है तो उसको माइक्रोवेव, लेकिन अगर वो ऑप्टिकल ट्रांजिशन से आता है तो वो इंफ्रारेड कहलाएगा, चाहे वेवलेंथ सेम हो। और क्योंकि इसकी एक लिमिटेशन है, इसके कारण ये 4000 की माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप ये नहीं कहते कि माइक्रोवेव 4000 एंगस्ट्रॉम की माइक्रोवेव तो नहीं होती, लेकिन इंफ्रारेड से इसका कुछ ओवरलैप इसीलिए आएगा क्योंकि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से हम प्रोड्यूस। तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक इसलिए कहलाती हैं क्योंकि इनमें माइक्रोन लेवल का है। तो
अब आपने जो जवाब दिया था वो गलत है। फैक्ट क्या है कि डिप्लीशन रीजन इन डिवाइसेस जो प्रोडक्शन में काम में ले जा रही हैं वो माइक्रोन ऑर्डर की, और आपने क्या कहा कि वेवलेंथ माइक्रोन ऑर्डर। मैंने आपको पूरा जवाब दे दिया, गहराई से सोचे प्रिपरेशन। अगर आप कह रहे हैं माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा है तो फिर आपकी डेप्थ उसमें चेक की जाएगी। कम से कम 4-5 सब्जेक्ट एरियाज और कुछ टॉपिक्स ऐसे होने चाहिए जिनको अगर वो पूछने पर आप कह सकें कि साहब इसमें मेरी गहराई से प्रिपरेशन मैंने कर ली है और इसलिए इसमें उसको एंट्री कराएं, और वो फिर ये क्वेश्चन पूछे। जैसे मैंने अभी जवाब दिया, ये जवाब आपने दे दिया होता तो आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़े नहीं, क्योंकि वो सुनते अभी जानता है, ये भावना में नहीं बह रहा है। बाकी तो ऐसे नामकरण तो कोई भी कुछ कर देगा, अभी कालू राम किसको कहते हैं, कालू राम जो काला दिखता होगा, वही जरूरी नहीं है कोई कालू राम ढूंढोगे तो मिल जाएगा जो बिल्कुल गोरा चिट्टा है। पिताजी ने नाम रख दिया, जो मर्जी आए वो नाम पहले रख देते थे पिताजी इसी ढंग से। तो आपका नाम भी किसी का रख दिया होशियार रख दिया तो इसका मतलब थोड़ी होशियार मल होशियार ही हो जाएगा और फेल हो जाता है हर एग्जाम में, होशियार मल सप्लीमेंट्री आ जाती है। नाम एक रिफ्लेक्शन है, तो माइक्रोवेव का नाम माइक्रोवेव रख दिया, माइक्रो आ रहा है, माइक्रो से क्या चीज़ पकड़ में आ रही है, तो जो समंदर में तैर रहा है जिसको कि डूबने की संभावना है वो ऐसे जवाब कैच करता है। तो वो जवाब में यहाँ पर ये तिनका आपको डुबो दे, ये डिसिप्लिन है, लेकिन जवाब में डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आप जवाब नहीं जानते हैं तो अवॉइड करना भी ठीक है, कई बार के आपके अज्ञान भी रिफ्लेक्ट नहीं हो जाए, ठीक है। तो राहुल गांधी की पॉपुलरिटी इसीलिए है कि अज्ञान ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाता है, ज्ञान तो रिफ्लेक्ट हो ही नहीं पाता, उसके पहले बात को उस ढंग से कहता है कि सामने वाले को हंसी आ जाती है, अज्ञान जो है वो दिखाई देने लग जाता है। जब अज्ञान दिखाई देने लग जाएगा तो कोई बचाए आपका नहीं हो पाएगा, फिर वो इसमें भी आप पर मुस्कुरा सकता है वो, लेकिन उसको पता है। अगर उसने ये पूछा है, जिसको नहीं ये पता है वो पूछेगा भी नहीं, जिसको पता है वही पूछेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिंपल साउंडिंग है और वही टफ होते हैं। ये मैं अपने पढ़ाई में भी बच्चों को बताता रहा हूँ कि सिंपल साउंडिंग क्वेश्चन जो है जो बहुत सरल लगते हो, मैंने अभी जितने भी क्वेश्चन पूछे कोई लंबी चौड़ी भाषा नहीं है उसमें, कोई ऐसा कुछ नहीं है, एक एक लाइन के जवाब होंगे ऐसा लगता हो, वो सिंपल साउंडिंग क्वेश्चंस भी बहुत टफ हो सकते हैं, ये बहुत मुश्किल पड़ जाती। एक बार हमारे यहाँ पर साइंस डे मना रहे थे विज्ञान भवन में, फिजिक्स डिपार्टमेंट में, तो मैंने एक प्रतियोगिता रखी, और वो प्रतियोगिता ये थी कि भाई यहाँ से बच्चा शुरू करेगा और एक वैज्ञानिक का फिजिक्स के नाम लेना है हर एक व्यक्ति को, लेकिन जो नाम इसने ले लिया वो दूसरा नहीं ले सकता। कुछ ही देर में संकट में आ गए, आपके कोर्स में तो हजारों नाम है लेकिन क्योंकि आपको फिजिक्स की समग्र एक आपका लगाव नहीं है तो एक समग्र पिक्चर बनी नहीं, तो न्यूटन आइंस्टीन फटाफट लोगों ने नाम लिए, बाहर वालों को तो जानते ही नहीं, वो तो किसी ने लैग्रांजे का नाम नहीं लेता, कोई हैमिल्टनियन का नाम नहीं लेता, क्यों? क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स किसी को पसंद ही नहीं है। तो एक भी क्लासिकल फिजिसिस्ट जो हैं जिनके नाम है किताबों में लिखे हुए हैं, लैगुरे इक्वेशन, हर्माइट पॉलिनोमियल, हर्माइट हैमिल्टन से कैनोनिकल इक्वेशंस, लैग्रांजे इक्वेशन, गॉस का नाम आता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, कोई नाम ही नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि नाम रिकलेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपका उससे कोई लगाव है ही नहीं, आपने कभी उनमें इंटरेस्ट लिया ही नहीं। आपने तो किस चीज़ में इंटरेस्ट लिया है? अभी पढ़ना है और अभी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम काम में आ रही है तो काम में गॉस का सम्मान करो, और अभी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इस पेपर में नहीं आ रही है तो बाढ़ में जाए गॉस, हमें क्या करना है गॉस का। तो उस तरह की हमारी जब अप्रोच होती है तो हमें नाम फिर संकट में आते ही नहीं। तो मैं बताऊँ सिंपल से ही, कोई पूछ लेता है भाई 10 महिला वैज्ञानिकों के नाम बताइए, चलो बताओ फिजिक्स में 10 महिला वैज्ञानिक, एक का भी याद नहीं है? एक का तो याद होगा, डर रहे हो उसका, एक का नहीं बोल रहे हो तो डर रहे हो, ये इसका 10 में बताओ, एकाध का तो मालूम होगा। ऐसा तो है नहीं कि फिजिक्स में महिलाएं हुई नहीं हो, अभी तो नोबेल प्राइज भी महिलाओं को भी मिला है फिजिक्स में भी, लेटेस्ट में किसको मिला है? कई बार क्या होता है कि ये जो कुमार विश्वास की वाइफ टाइप लोग बैठते हैं ना तो ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, नोबेल प्राइज किसको मिला, ये वाला प्राइज किसको मिला, उनको ज़्यादा कुछ तो समझ में आता नहीं है। पर वो क्या है कि किसी जगह से किसी ने जवाब दिया हो, उनको भले ही जवाब मालूम भी नहीं हो तो भी उनको याद हो जाता है इंटरव्यू बोर्ड में बैठे बैठे। इंटरव्यू बोर्ड में जो आदमी बैठा रहता है RPSC का, तो क्वेश्चंस मैंने पूछा वो याद कर लेता है, कौन? कुमार विश्वास की वाइफ, वो याद कर लेगी। इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि एप्पल क्यों गिरता है,
और अगर गुरुत्वाकर्षण दिया तो इसका जवाब गलत है, क्योंकि इन्होंने बताया था कि ये गलत है। कुमार विश्वास की वाइफ भी ये पूछ सकती है, क्योंकि वो स्मार्ट बंदे हैं जो वहाँ पहुँच गए, जिनकी राजनीति इतनी होशियार है कि वो आरपीएससी के मेंबर बन गए, तो ये मत सोचे कि वो बेवकूफ़ है, वो स्मार्ट है, वो सीख जाते हैं इंटर बोर्ड में बैठे बैठे कि क्वेश्चन कैसे पूछने चाहिए। पहले दिन उनको भी कुछ नहीं आता, पहले बोर्ड में जब बैठते हैं, लेकिन जैसे समय होता है, अब तो केमिस्ट्री के भी हो गए, बॉटनी के भी हो गए, तो अब तो वो माहिर हो चुके हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना, तो मैं कह रहा हूँ तो आप नाम याद रख लो, नोबेल प्राइज़ में क्या है? पिछले 4-5 नोबेल प्राइज़ के नाम कितने होंगे, ये लिख के आपको दे दें, तो याद तो रख लो। इधर से उधर स्लिप हो जाएगा तो और भी चल सकता है कि 20 का 21 पर मरता है, 21 का 20 में, हो सकता है वो भी रिकलेक्ट नहीं कर पाए कि कब मिला था 20 में कि 21 में, आइंस्टीन को कब मिला था, ये सबको पता है आइंस्टीन को मिला था, पर कब मिला था ये नहीं पता। कई लोगों को ये भी नहीं पता कि आइंस्टीन को किस बात के लिए मिला था, और हर साइंटिस्ट को किस बात के लिए मिला था, तो अलग अलग है। तो जैसा इसने कहा कि मैडम क्यूरी का नाम तो अभी जानते ही हैं, पर मैं नाम नहीं बता रहा हूँ आप पूरे, क्योंकि सारी चीज़ मैं बता दूंगा तो उचित नहीं होगा। आपको ढूंढने हैं 10 महिला वैज्ञानिकों को, कहीं नहीं मिला तो 10 वैज्ञानिकों के नाम तो मैंने अपने फेसबुक पेज पे लगा रखे हैं, जो मैं पसंद करता हूँ, जो मेरी चॉइस है, वो तो मैंने उसने लगाई भी टॉप ऑल टाइम 10 वुमेन साइंटिस्ट। जब वुमेन साइंटिस्ट डे आता है, वुमेन इन साइंस को सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन साइंस, तब मैंने वो नाम लगाए थे कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन साइंस भी है, वो भी नहीं पता होगा आपको, वो भी ध्यान में रखें, जनरल नॉलेज है ये, आप वुमेन हैं, आप साइंस में हैं, तो किस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन साइंस आता है, सबको कौन सा डे मालूम है? वैलेंटाइन डे। कब आता है? कब आता है? वैलेंटाइन डे का जवाब नहीं दोगे तो बिल्कुल ही बाहर कर देगा वो, क्योंकि ये कहीं एलियन होगा। कब आता है? जोर से हाँ, देखिए बिल्कुल सही याद है इसको, ये क्योंकि पॉपुलर है तो सबको मालूम है, बट इस तरह का जो है वो चीज़ें किसी को नहीं मालूम है, ठीक है। आइंस्टीन का जन्मदिन पूछे तो नहीं मालूम, महात्मा गांधी का जन्मदिन मालूम है आपको कब है, पूरी डेट क्या है? 1969 तो गांधी जी नेताजी बोल गए थे एक आपके सीकर के इलाके के कि 1969 इसी ढंग से, क्योंकि 1819 मिक्सअप हो जाता है, तो गांधी जी जवान होते अभी और आपके साथ हो सकता है कम्पीट कर रहे होते थे, चुनाव लड़ रहे होते। 1869 सेकेंड अक्टूबर आपको मालूम है, लेकिन आइंस्टीन का भी जन्मदिन आप याद रख सकते हैं, क्योंकि आइंस्टीन का जन्मदिन है पाई डे, और पाई डे 14 मार्च 3.14 इंटरनेशनल पाई डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है 14 मार्च को, क्योंकि 3 पॉइंट, क्योंकि अमेरिकन आपको मालूम है महीना पहले लिखते हैं फिर डेट लिखते हैं, 3.14 14 मार्च, और ये आइंस्टीन का जन्मदिन है, जो गांधी जी से याद रखने में आसान है, क्योंकि बिना पाई के तो फिजिक्स चलेगी नहीं, फिजिक्स की किताब में से पाई हटा दें कितने इक्वेशन बचेंगे, कोई इक्वेशन बचेगी क्या? फिजिक्स की किताब में से पाई हटा दो, ऐसा नहीं है, फिजिक्स में ये आंदोलन भी हुआ कि ये पाई बार बार आ रहा है, इस पाई को हटाओ, किसने किया ये? एक आदमी ने कहा कि पाई बहुत ज़्यादा आ रहा है और ये पाई नहीं होना चाहिए इतना ज़्यादा। बहुत महान वैज्ञानिक फिजिक्स के, उसका नाम है लॉरेंज, उसने कहा कि ये पाई, और उसने बनवाया पहले जिसको आप कहते हैं रेशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम, ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आता है, और फिर बाद में बना लॉरेंज हेवीसाइड यूनिट सिस्टम। उसका ये मानना था कि इसको सिंप्लीफाई करो, उसने कह दिया एप्सिलॉन जीरो म्यू जीरो इनको वन करो, खाली पाई इस ढंग से ले जाना चाहिए कि दिखे इक्वेशंस में, तो इक्वेशंस मैक्सवेल इक्वेशन कई ढंग से लिखी जाती है, मैक्सवेल इक्वेशन ऐसा टॉपिक है, अगर आपने इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोल लिया तो इंटरव्यू बहुत आसानी से ख़राब कोई भी कर सकता है, क्योंकि किसी को आती नहीं इलेक्ट्रोडायनामिक्स, क्यों नहीं आती? क्योंकि इलेक्ट्रोडायनामिक्स इतने यूनिट सिस्टम में अलग अलग किताबों में होती है, और आप गड़बड़ कर सकते हैं एक यूनिट सिस्टम और दूसरे यूनिट सिस्टम, सीजीएसए यूनिट सिस्टम में इक्वेशन आपने याद कर ली मैक्सवेल की और किसी प्रॉब्लम में सॉल्व कर ली आपने, वो एमकेएस सिस्टम पर है या लॉरेंज हेवीसाइड यूनिट सिस्टम पर है, अलग अलग यूनिट सिस्टम्स हैं उनके साथ, तो अगर आपको मैक्सवेल इक्वेशन ही लिखने करें
मेरा भी बहुत पहले जब इंटरव्यू था मैक्सवेल इक्वेशन का, तो मैंने पहले ही क्वेश्चन पूछा किस यूनिट सिस्टम में लिखनी है। अब वो आदमी को आधा तो वहीं घायल हो जाता है वो, क्योंकि जब उसको पता है भाई इसको मान लूँ मैं कि मैक्सवेल इक्वेशंस अलग अलग यूनिट सिस्टम में लिखी जाएंगे, फिर वो बोलेगा आप इस यूनिट सिस्टम में लिखे या आपकी पसंद की किसी भी यूनिट सिस्टम में लिख दीजिए, तो जो आपको बेस्ट पसंद हो वो आप लिख दीजिए। यूनिट सिस्टम के बिना इक्वेशंस नहीं होती है, फिजिक्स में इक्वेशन यानी लॉस जो इक्वेशन में एक्सप्रेस होते हैं वो भी इलेक्ट्रोडायनामिक्स का एग्जाम्पल है कि वो यूनिट सिस्टम पर बेस्ड है। एफ इक्वल टू एम ए बेस्ड नहीं है, एफ इक्वल टू एम ए के लिए कोई यूनिट सिस्टम नहीं बताना पड़ता, इसके लिए नहीं बताना पड़ता। बट अगर आप कोई भी इक्वेशन ऐसे लिखते हैं डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल्स टू रो, तो ये मैक्सवेल इक्वेशन है बट ये किसी एक यूनिट सिस्टम में ही सही है। कौन सा यूनिट सिस्टम में सही हो सकती है, कौन से में नहीं हो सकती, मान लो ये मैक्सवेल इक्वेशन, तो ये पता होना चाहिए। तो जो भी आप नॉलेज अभी रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि तो ध्यान में रखिए बड़ा डेरिवेशन तो आएगा नहीं, बेसिक नॉलेज होगा। तो इवन जो सरदार सिंह जी ने किताब लिख रखी है, फिजिक्स के हमारे प्रोफेसर हैं, ट्वेल्थ के लिए जो किताब लिख रखी है पीईटी पीएमटी कोचिंग की, उसके जो समरी पेजेस हैं आगे जो समरी पेज दिए रहते हैं उतना भी पढ़ लें आप, तो भी आधे क्वेश्चन इंटरव्यू बोर्ड में आपको उससे सॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड में जो टीचर बैठा हुआ है बहुत कम होता है, तो वो एक आध कोई पेपर पढ़ा रहा होगा, और कई ऐसे भी लोग होते हैं जो कई सालों से पढ़ा ही नहीं रहे, तो जो चीज़ हमेशा याद रह जाती है, जो बहुत ज़्यादा कॉमन नॉलेज ऑफ फिजिक्स है वही पूछा जाता है। स्पेशल नॉलेज तो तभी पूछा जाता है जब इंटरव्यू में TIFR या BRC में हो रहा हो या किसी NASA में हो रहा हो, जहाँ पर काम ही उस एरिया में हो रहा हो वहाँ पर स्पेशल नॉलेज पूछा जाता है, बाकी नहीं। उसको ऑफ कर देना, बस। तो स्पेशल नॉलेज जो है वहीं पर पूछा जा सकता है, ये ध्यान में रखें। तो कॉमन नॉलेज जो है उसके लिए केवल समरी की काफ़ी होती है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स को रिवाइज करना है 20-25 पेज की समरी अभी से बना लीजिए कि साहब ये मैक्सवेल इक्वेशन होगी तो ये मैं जवाब दूंगा, ये होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है? पहले भी आपसे डेफिनेशन पूछी थी, किसकी पूछी थी? टेम्परेचर की, आपने दी नहीं है अभी, अब मैंने दूसरी पूछ ली है। आती है गलत है, टेम्परेचर इज नॉट ए मेजरमेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी। जब आप पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी के बारे में ये तो मतलब हास्यास्पद जवाब हो जाएगा। टेम्परेचर की जो डेफिनेशन है, क्योंकि इसने जवाब दिया है, कोशिश की है, तो जवाब सही बताना भी जरूरी है। टेम्परेचर की डेफिनेशन BSc में और स्कूल में भी कोर्स में रहती है, और मुझे क्यों अच्छी तरह से याद है, क्योंकि मैंने पहला लेक्चर लेक्चरर बनने के बाद इसी पर दिया, जो डिफाइनिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर इज डिफाइंड बाय व्हाट इज कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन ए सेंस डिमांड्स एग्जिस्टेंस ऑफ ए क्वांटिटी कॉल्ड टेम्परेचर। टू सिस्टम्स देयरफॉर इन टर्म्स ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ दे हैव सेम टेम्परेचर। और उसी से फिर उसका स्टेटमेंट है कि दो ए बी से है और बी सी से है तो ए सी से भी होगा ही, इस तरह की बात ये पढ़ाई है। मतलब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिफाइंस, इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विच डिफाइंस इंटरनल एनर्जी। इट इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विच डिफाइंस एंट्रोपी। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिफाइन रिक्वायरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ये थर्मोडायनामिक्स के बारे में अगर आप चूज लेते हैं तो ये सब आपको पता। इसने कोशिश की वो तारीफ की करें, लेकिन जवाब फिर भी, क्योंकि मेरे को मालूम है अब सामने वाले को नहीं मालूम, तो इसने जो कहा ठीक ही कहा होगा। इंटरनल एनर्जी के फॉर्मूले में भी टेम्परेचर तो आता ही है, DU इक्वल्स टू νcvdT। हाँ सर, उसके फार्मूले में है। टीचर भी मान लो आपके जैसा ही है, इंटरव्यू लेने वाला भी सही है, लड़की सही बोल रही है, तो इसलिए गलत जवाब भी दो तो मुस्कुराते रहो उसको ये लगे हाँ भाई ये सही होगा, बोल रही है इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही है ना, गलत क्यों होगा। वो खलनायक तो है ही नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऐसा कोई आदमी नहीं आने वाला जो बिल्कुल खलनायक खड़ोस।
वो इमेज मेरी ही है, मैं जाने वाला नहीं हूँ, इसलिए आपको निश्चिंत रहे कि इंटरव्यू बोर्ड में पीएससी में मैं नहीं जा रहा, तो इसलिए कोई खलनायक वहाँ पर नहीं आ रहा है। तो जवाब गलत भी सही ढंग से दें तो इसका जवाब एक कोशिश थी, बट दिस मे नॉट वर्क समटाइम व्हेन द इंटरव्यू में जो व्यक्ति बैठा है वो जानता है कि सही जवाब क्या है। केवल राजनेता और इन तरह की चीज़ों से ही जो क्वेश्चन भी आता है, ना पूछने वाले को पता है कि जवाब क्या है, ना जवाब देने वाले को पता है कि जवाब क्या होना चाहिए। वो तो खाली फॉर्मेलिटी होती है, तो बातें किए जाते हैं ऊंची ऊंची जो आप देखते ही हैं कि टेलीविजन पर जो इंटरव्यूज वगैरह में आते हैं। ना इधर जो मीडिया में काम करते हैं टेलीविज़न में उनको ABC पता, ना जो जवाब दे रहा है जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं उसको कुछ पता, बट पब्लिक को भी कोई पता नहीं है। इसलिए कार्यक्रम सक्सेसफुल होता है, लोग तालियां बजाते हैं कि साहब देखिए कितना अच्छा जो है वो काम किया गया, कितना बढ़िया इंटरव्यू हुआ, नेताजी ने कितने अच्छे जवाब दिए, खुश हो जाते हैं। क्योंकि खुश होना है, खुश होने के लिए ऊपर किसी भी परिस्थिति में आप खुश हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान में दें कि कोई भी प्रश्न हो उसको थोड़ा गहराई से, यही मैं कहता हूँ क्रिटिकल थिंकिंग, इसको एजुकेशन में लेक्चर में जो देता हूँ लेक्चरर्स को भी, इसको इनकरेज करना बहुत ज़रूरी है। जवाब जो मन में आए वो नहीं देना है, सोचें कि प्रश्न पूछा क्यों, ठीक है। कोई आपको आई लव यू बोले, ये भी उदाहरण मैं क्लास में दे चुका हूँ, क्या रिएक्शन होनी चाहिए? अपने को भी कह देना चाहिए मी टू, क्या रिएक्शन होनी चाहिए? कोई आगे बोल जाए अचानक तुम्हें मान लो, क्या रिएक्शन दोगे? मुझे सुनाई दिया मी टू वाली रिएक्शन रेडी विद एन आंसर। जो आदमी रेडी विद एन आंसर है वो जो है वो फेल होगा। क्यों फेल होगा? कि सामने वाले ने आपको आई लव यू इसलिए कहा है कि 5 मिनट बाद वो आपसे 5,000 रुपये उधार मांगने वाला। जो बुद्धिमान होगा वो तो समझ जाएगा कि आई लव यू इसलिए कहा है कि अभी होटल का बिल मुझे चुकाना है ना, साथ में जा रहे हैं लंच के लिए, तो क्या इंटेंशन है। तो इंटेलिजेंट आदमी उसको कहते हैं, जो कैरिड अवे है, जो इमोशन में है, उसने तो रट रखा है आई लव यू मीन्स मी टू। तो जैसे ही क्वेश्चन आया वैसे ही हमने जवाब दे दिया। जो बुद्धिमान होगा, आप में से बहुत सारे लोग नहीं देंगे क्योंकि आप बुद्धिमान हैं, आपने सभी लोग मी टू एकदम से नहीं कह देंगे, पहले सोचेंगे कि ये व्यक्ति क्या कह रहा है, कहीं इसके जरूरत पड़ी हुई है, कहीं इसके पैसे जेब में खर्च हो चुके हैं, या कोई और काम है, ये किताब उधार लेनी है, या कुछ लिफ्ट मांग रहा है, या मोटरसाइकिल मांग रहा है, क्या करेगा, वो सब पता होता है। क्योंकि दुनिया में लोग जो कम्युनिकेट करते हैं उसके पीछे स्ट्रेटजी होती है, तो क्वेश्चन पूछने वाले के पीछे भी स्ट्रेटजी है, उसकी भाषा को समझना है। वो आई लव यू कह रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि लिटरेरी मीनिंग जो है वही मीनिंग उस वाक्य का है, और ये आप खुद भी करते हैं और सामने वाला भी करता है। ध्यान में रखें, आप कहते कुछ हैं, अर्थ कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए अर्थ भिन्न हो सकता है, और इंटेलिजेंट होना वही है कि जो अर्थ को पकड़ पाए। कम्युनिकेशन एबिलिटी है जिसको कहते हैं कि अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए इंटरव्यू में सक्सेसफुल होने के लिए। उसमें यह है कम्युनिकेशन में कि सामने वाले की बात के सिमेंटिक्स को समझना। फिजिक्स भी समझ में क्यों नहीं आती है? क्योंकि टीचर कुछ कह रहा है, आप कुछ और ही समझ रहे हैं। टीचर ने तो ये कहा भाई न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशन फॉल हो रहा है, आप कह रहे हैं बस टीचर ने बता दिया कि एप्पल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही गिरे। फिर आपने क्वांटम मैकेनिक्स के कोर्स भी कर लिए, फिर भी कह रहे हैं कि नहीं साहब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही गिर रहा है। हमारे वार साहब ने 1990 में बताया था, 2000 में बताया था, 2010 में बताया था, गलत कैसे हो सकता है? बट साइंस ही आपको बताती है, और फिजिक्स तो ये साफ साफ बताती है कि फिजिक्स में सत्य तो है ही नहीं, असत्य की भरमार है। जितने भी फिजिक्स के कोर्स आपने पढ़े होंगे उसमें से आधे से अधिक चीज़ें तो पहले ही गलत साबित हो चुकी हैं। जो हम BSc लेवल तक पढ़ाते हैं कोई भी सही बात नहीं है उसमें से, सब गलत है। इसलिए बड़ा संभल करके एग्जांपल देना होगा, क्योंकि दर्शन ऐसा होता है, जो धर्म के दर्शन होते हैं, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, या कोई भी दर्शन, वैदिक दर्शन, सनातन धर्म कुछ भी मान लें, वहाँ सब कुछ फिक्स होता है, वहाँ तो सब सच ही होता है, वो कभी कहता ही नहीं कि झूठ है, जो उन्होंने कह दिया वही सब। साइंस ऐसा नहीं होता, साइंस में जो एक बात कही जाती है कुछ दिनों बाद वही झूठी होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन था, क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएं? वो साधारण क्वेश्चन पूछा है मैंने, कोई ये मत कहना कि उन्होंने जो कहा क्वांटम मैकेनिक्स अभी तक पूछी नहीं है, क्वांटम फील्ड थ्योरी पूछी नहीं है, जो टॉपिक्स में पढ़ाता हूँ रहा हूँ, मतलब हाई एनर्जी फिजिक्स मैंने पूछा नहीं है। किसमें से क्वेश्चन पूछे हैं? मैकेनिक्स,
माइक्रोवेव, और ये आ गया ऑप्टिक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मटेरियल प्रॉपर्टी डिफाइन एज द वेलोसिटी इन लाइट एंड डिफाइन एज रेशियो ऑफ वेलोसिटी इन यूनिवर्सिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड इन मीडियम। तो ये इसने बेसिक डेफिनेशन दिए, बहुत सारे डेफिनेशन हो सकते बट यहाँ पर देखना है कि भाई वेलोसिटी म्यू है। इसने कहा कि वेलोसिटी इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम, ये किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछने वाला है, ये डेफिनेशन निश्चित तौर पर 11 12th में होती है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स की किताबें खोलना, डेफिनेशन कुछ अलग है, वो किस ढंग से एक्सप्रेस किया गया। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको आज की तारीख में जो आदमी रिसर्च कर रहा है, मान लो कोई रिसर्च वाला आ गया, तो एक मटेरियल्स कहलाते हैं मेटा मटेरियल्स। गूगल पे हम सर्च भी कर सकते हैं, इसके बारे में बात हो रही। अगर आपने कहा सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, अगर मेटा मटेरियल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इमेजनरी हो सकता है, आपके डेफिनेशन में तो इमेजनरी आएगा नहीं। जिसको मेटा मटेरियल्स की जानकारी है वो तो कह रहा है कि सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इमेजनरी भी हो सकता है, तो ये डेफिनेशन तो चलेगी नहीं। इसमें तो सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, वी बिलोंग्स टू रियल। अब जो व्यक्ति है, मान लो वो नैनो टेक्नोलॉजी का, मटेरियल साइंस का आप टॉप एक्सपर्ट है, तो एक अलग आंसर की जरूरत है। तो आप ढूंढिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इमेजनरी हो सकता है, उसका क्या मीनिंग। फिजिक्स क्या है कि वंडरफुल सब्जेक्ट कहते ही इसीलिए, क्योंकि इसमें जैसे जैसे दरवाजे खुलते हैं तो आश्चर्यजनक जो चीज़ आपको पहले लगता है कि असंभव है वो भी संभव हो जाती है। पहले लोग मानते थे कि असंभव है कई बातें, ग्रेविटी तो केवल खींच ही सकती है, स्पेस टाइम की थ्योरीज बनाए तो भाई कैसे, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। आइंस्टीन ने ग्रेविटेशन की जो थ्योरी दी और उस थ्योरी को जैसे जैसे हमने मॉडिफाइड किया, तो आज हम क्या कह रहे हैं कि दुनिया में, ब्रह्मांड में एक ऐसा तत्व है जो सबको दूर फेंकता है तेजी से। ऐसा कौन सा तत्व है? ये जनरल नॉलेज है ये, क्योंकि आपके कोर्सेज में तो रहा नहीं इसलिए आप जानते नहीं, पर जनरल नॉलेज में तो आता है। तो इस कंसेप्ट को कहते हैं डार्क एनर्जी। ये एक्सपांशन की रेट को एक्सेलरेट करता है। दुनिया में एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी से दूर जा रही है, ये हबल ने कहा और हमने देखा, और यही सच है कि स्पेस टाइम भी एक्सपांड होता है, और स्पेस टाइम जो है वो स्टेटिक नहीं है, दूरियां हैं समय के साथ, कॉस्मिक समय के साथ बदलती रहती हैं। आपके समय डेली लाइफ में भले ही चेंज नहीं हो, क्योंकि आपका जीवन कॉस्मिक टाइम की तुलना में बहुत छोटा है, अरबों वर्ष हो गए, 14-15 अरब वर्ष, 14-15 बिलियन, बिलियन को हिंदी में शायद अरब ही कहते हैं, पृथ्वी को मतलब ब्रह्मांड को अस्तित्व में है। आपका जीवन काल 100 साल का, उससे बढ़ नहीं सकता, 100-200 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना। तो मैं ये कह रहा हूँ गहराई है हर प्रश्न में सोचें। तो अगर आपको लगता है कि मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जवाब दूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिक्स में, तो ऑप्टिक्स में भी आपको जवाब देने पड़ेंगे कब रे ऑप्टिक्स काम में ले जानी चाहिए, कब वेव ऑप्टिक्स काम में ले जानी चाहिए। ये सिंपल साउंडिंग क्वेश्चन है, वेव ऑप्टिक्स कब काम में ले जानी चाहिए। अब इसने चश्मा लगा रखा है तो चश्मे के बारे में ही क्वेश्चन पूछ ले, भाई चश्मे को समझने के लिए क्या आइगन्स वेव थ्योरी यूजफुल होगी या वेव ऑप्टिक्स काम में ले चश्मे की वर्किंग को समझने के लिए, तो रे ऑप्टिक्स काम में आ जाएगी। तो क्यों और कब, क्या क्राइटेरिया है? तो ये दे रखा है, किताबों में पढ़ा भी है, आप में से आधे लोग जानते भी हैं, लेकिन अब मैंने डरा दिया है तो आप डरे हुए हैं, तो और आपको जवाब नहीं आ रहा होगा। बट बहुत सिंपल जवाब है कि जो डिवाइसेस हैं, ये लेंस भी एक डिवाइस है, ये मिरर भी एक डिवाइस है, जो रे ऑप्टिक्स जहाँ भी पढ़ाई जाती है वहाँ पर ये जो डिवाइसेस हैं लेंस, इनकी जो साइज है वो वेवलेंथ जो लाइट की है उसकी साइज की तुलना में काफ़ी बड़ी है, और वेव ऑप्टिक्स के इफेक्ट को इग्नोर कर सकते हैं और रे ऑप्टिक्स काम में ले सकते हैं। तो चाहे माइक्रोस्कोप हो, चाहे टेलीस्कोप हो, चाहे चश्मा हो, ये सब ऑप्टिकल डिवाइसेज हैं, डिवाइसेज हर एक में होती है, इनको ऑप्टिकल डिवाइस कहते हैं, चश्मे के अंदर जो है।
जो नंबर आपका आया हो तो वो एक ऑप्टिकल डिवाइस है, बट टू अंडरस्टैंड दैट ऑप्टिकल डिवाइस यू नीड टू नो ओनली रे ऑप्टिक्स, उसकी मैथमेटिक्स है। तो जो भी ऑप्टिशियन बनना चाहता है, दुकान खोलना चाहता है, चश्मे का नंबर चेक करना चाहता है, कोई प्रोग्राम बनाना चाहता है नंबर चेक करने के लिए, तो रे ऑप्टिक्स का नॉलेज काफ़ी होगा। लेकिन कुछ फिनोमिनन है तो आपको पूछ सकता है, अभी कौन सा फिनोमिनन ऐसा है आपको जो लगे भाई ये जो है इसको तो हम तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जबकि रे ऑप्टिक्स से ये एक्सप्लेन नहीं हो सकता। कौन सा फिनोमिनन है? हाँ तो वही बताना पड़ेगा ना, तो वो पूछ लिया मान लो आपको, तो ये चश्मा तो एक्सप्लेन हो गया। क्वांटम इफेक्ट क्या वेव प्रॉपर्टी को, क्वांटम इफेक्ट तो वापस से लौट के बुद्धू घर को आए वाली कहानी कहता है कि नहीं साहब ये तो लग रहा है कि पार्टिकल ही है वापस। तो आप जानते हैं इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, ये जो फिनोमिनन है ये पढ़ते हैं आप स्कूल में, इलेवेंथ में आता है। यू कांट एक्सप्लेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बाई यूजिंग वेव ऑप्टिक्स, चाहे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो, सिंगल स्लिट हो, चाहे फ्रेनल बाई प्रिज्म हो, चाहे न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट हो, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट। अब क्या है कि कई लोग जो हैं वो इंटरव्यू बोर्ड के सामने कह देंगे साहब मैं थ्योरी में तो अच्छा नहीं हूँ, तो थ्योरी के क्वेश्चन मत पूछिए, मेरे को एक्सपेरिमेंट्स के क्वेश्चन पूछिए। एक्सपेरिमेंट में भी फाइनर पॉइंट है। अब आपने कोई रिसर्च लैब ज्वाइन कर ली और डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में जाखड़ के पास काम कर रहे हैं, कुछ स्टडी कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंटल, तो एक्सपेरिमेंटलिस्ट जो इस तरह के लोग रिसर्च कर रहे हैं वो इंटरव्यू में जल्दी फेल हो जाते हैं, क्योंकि एक लिमिटेड होता है, उसमें भी कुछ किया कुछ नहीं किया अनुभव तो होता नहीं। अगर एक एक्सपेरिमेंटलिस्ट आपके बोर्ड में बैठा हुआ है तो वो तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, और जब आपने कह ही दिया कि मैं एक्सपेरिमेंटलिस्ट हूँ, मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ, तो उसका आप जवाब नहीं दे पाए। तो मेरे पास आया एक ऐसे ही व्यक्ति जो कहा मैं सुपर कंडक्टिविटी में रिसर्च कर रहा हूँ, बट उसको सुपर कंडक्टिविटी में जो रिसर्च कर रहे हैं आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, कुछ सिनॉप्सिस भी लिख दी होगी कैसी है, लेकिन कोई नॉलेज उसको है नहीं। तो फिजिक्स में जितनी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, तो अब जैसे मैंने बताया मेटा मटेरियल्स और एक ऑर्डिनरी मटेरियल्स ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे मेजर करेंगे वो एक लेवल ऑफ नॉलेज है, और मेटा मटेरियल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे मेजर करेंगे वो रिसर्च में जो आज की तारीख में किया जा रहा है उस लेवल के एक्सपेरिमेंट का नॉलेज। एक ही क्वांटिटी एक ही है, एक ही क्वांटिटी को मेजर करने के तरीके अलग होते हैं। हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं इलेवन ट्वेल्थ में भी कि भाई पृथ्वी का द्रव्यमान तोलना है तो कैसे तोलें, तराजू से तो आप और मैं उठा नहीं पाएंगे, उठा पाएंगे? सब्जी तो 2 किलो तोलनी है, तो आप जानते हैं कि आम आदमी भी तोल देता है, भाई ठीक है ये लो बैलेंस, इधर 2 किलो रखा है, इधर 2 किलो। अब इसमें भी लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि जो यहाँ पर पृथ्वी पर 2 किलोग्राम वजन है वो 2 किलोग्राम वजन चंद्रमा पर कम हो जाएगा, क्या ये सही है? दो किलोग्राम वजन जो पृथ्वी पर है वो 2 किलोग्राम वजन चंद्रमा पर कम हो जाएगा। तो लोग कहते हैं सर चंद्रमा जो है वजन होता है mg और चंद्रमा पर g कम है तो वजन कम हो जाएगा, ये कहते हैं वजन जब शब्द काम में लिया जाता है तो ये मतलब, लेकिन वजन नापा कैसे जाएगा? तो आपने अपनी सब्जी वाली को ले गए चंद्रमा पर, दोनों आप यात्रा पर गए, सब्जी वाली क्या करेगी, अपनी सब्जियां ले जाएगी, अपने तराजू लेके जाएगी, उस तराजू से चंद्रमा पर इधर 2 किलो का बाट रखें और उधर सब्जी रखें तो उतनी आएगी, क्योंकि ये बैलेंस जो ऑर्डिनरी बैलेंस है इससे अगर वजन नापेंगे तो ये तो ग्रेविटेशनल पुल को बैलेंस करती है, जी इधर भी कम हुआ तो जी इधर भी कम होगा, वो तो बाट लेके जाएगी, तो अगर वही बाट इस्तेमाल करें तो चंद्रमा पर भी वजन 2 किलोग्राम सब्जी उतनी ही मिलेगी। तो भाई को चंद्रमा पर ले जाएं तो तराजू और सब्जी के साथ ले जाएं तो कोई आपके साथ धोखाधड़ी नहीं, लेकिन अगर आपने वो जो गैस का वजन नापने का होता है ना स्प्रिंग बैलेंस ले ली, तो वो स्प्रिंग बैलेंस तो अर्थ पर कैलिब्रेट की हुई है, तो स्प्रिंग बैलेंस ले ली तो चंद्रमा पर तो आपके पास ज़्यादा सब्जी आ जाएगी, क्योंकि 2 किलोग्राम में तो आप कहोगे मैं खरीदूंगा चंद्रमा पे जाके, मान लो यात्रा पूरी हो जाए, क्योंकि सब्जी यहीं ज़्यादा आती है क्वांटिटी के अंदर, क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस है, क्वेश्चन एक का एक ही है, लेकिन तो इसलिए इंटेलिजेंस है आप में,
उसको मैनिफेस्ट कराएं, सोचें कि भाई क्या क्या इसकी संभावना हो सकती है, किस तरह से हम वजन को नापते हैं। तो एक ऑर्डिनरी बैलेंस से वजन को नापते हैं और उसी तक सीमित रहते हैं, उसी पद्धति तक, तो एक आंसर होता है। और स्प्रिंग बैलेंस से नापते हैं तो दूसरा आंसर होता है। लेकिन न तो ऑर्डिनरी बैलेंस से पृथ्वी का वजन नापा जाएगा, न स्प्रिंग बैलेंस से नापा जाएगा। तो कई इंटरव्यू बोर्ड वाले कहते हैं पृथ्वी का वजन नापना है तो आप बताएं, और आपने ये क्वेश्चन नहीं दिया तो वो कहता है जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन नहीं आता। ऐसा क्वेश्चन आरपीएससी का मेंबर भी पूछ सकता है, क्योंकि किसी ने कभी पूछ लिया तो उसके पकड़ लिया कि ये क्वेश्चन पूछो कि पृथ्वी का वजन कैसे नापना है, सूर्य का वजन कैसे नापना है, सूर्य की दूरी कैसे नापनी है, या तो फिजिक्स का ही क्वेश्चन आप नहीं कह सकते। ये सब चीज़ें हम पढ़ाते भी हैं 11th, दूरियाँ कैसे नापी जाती हैं, वजन कैसे नापा जाता है, ये पढ़ाते हैं 11th के लेवल पर ही। मैंने भी एक लेक्चर अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे, तो उसमें भी ये बता रखा है कि अलग अलग स्केल में कैसे लेंथ को मेज़र करेंगे और अलग अलग स्केल पे मास को कैसे मेज़र करेंगे। अब आपने ये व्यू नहीं लिया और लिमिटेड रियाद तो क्या रहेगा, तो लिमिटेड तो सब्जी वाला ही याद रहेगा। आम आदमी को पूछे कि वजन नापने का तो क्या ध्यान में आता है, वही जो दुकानदार तोलता है, वजन तो वहीं पर लिया जाता है। घर पर बहुत कम लोग मोटे हो जाते हैं जब अभी मशीन रखते हैं स्प्रिंग वाली, जिस पर चढ़ाव करके वजन होता है, वो तो स्प्रिंग बैलेंस है। वो तो चंद्रमा पे ले जाएं तो आप खुश हो जाएंगे कि क्या कोई डाइटिंग की ज़रूरत ही नहीं है, वजन बहुत कम हो गया है, जम के खाना खाया जाए। अभी एलन मस्क कह रहा है तो क्या पता 50-100 साल में आपके को मौका मिल जाए चंद्रमा पे जाने का, पिकनिक मनाने का, लंच डिनर करने का। तो चंद्रमा पे आप ज़्यादा खा सकते हैं ऐसा आपको लगेगा, क्योंकि वजन तो बढ़ेगा नहीं, वजन तो कंपैरेटिवली ये तो बैलेंस। ये क्वेश्चंस मैंने बताया ऐसे, जो भी एरिया आप चूज़ करें उस एरिया में आप चूज़ कर लीजिए कि मेरे को तो न्यूक्लियर फिजिक्स में देना है, मुझे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में देना है, मैकेनिक्स में देना है, ऑप्टिक्स में देना है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में देना है, ब्रांचेस तो सब जानती है ना, उसके अंदर जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनकी लिस्ट बहुत ईजी है, गूगल पर भी मिल जाएगी लिस्ट ऑफ फिजिकल क्वान्टिटीज़, किस फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर कर, और फिर रेंज होती है भी कैसे मेजर करेंगे, तो ठीक है ना। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो स्कूल में भी एक्सपेरिमेंट होता है, मेटा मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करने का स्कूल एक्सपेरिमेंट नहीं। ये मैं आपको प्रिपरेशन बताऊँ, तो अगर आप ग्लास का ही बताएं जवाब लेकिन साथ ही ये कह दें कि ये ग्लास का होता है मेटा मटेरियल्स का नहीं होता है, तो सामने वाला समझ जाता है ये बंदा इंटेलिजेंट है, इसको पता है कि भाई मेटा मटेरियल्स भी होते हैं। उसने पूछा ही नहीं, उसने पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल इज डिफाइंड एज सी बाई वी एंड देर आर मटेरियल देर आर अदर डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड नाउ पीपल आर सर्चिंग फॉर द मटेरियल्स विच कैन इवन हैव इमेजनरी वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दिस मटेरियल्स कैन बी यूजफुल इन टेक्नोलॉजी ऑल्सो। अब उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन पूछा था साधारण सी बाई वी के आंसर के लिए, आपने अपना ज्ञान उसके ऊपर, भाषण देने वाला वही सफल माना जाता है जो अपनी बात बड़ी खूबसूरती से कहे, ठीक है। तो जो आपको जो कहे बैट्समैन वही होता है जो अच्छे स्ट्रोक्स लगाए, जो खराब से खराब गेंद आ रही है उसको भी छक्के पे पार कर दे। तो उसने तो गेंद छोटी सी फेंकी थी और आपने सिक्स मार दिया है, वो सोच रहा था कि डिफेंसिव खेलेंगे और आप साधारण सा कोई जवाब देंगे जो चाइल्डिश सही होगा। तो आप अपने जवाबों को रिफाइन कर सकते हैं, जवाबों को वो नहीं दें जो आपके दिमाग में तुरंत आते हैं, जवाबों को वो दें जो रिफाइन, उसकी प्रैक्टिस इन दिनों करनी है, कम से कम हजारों क्वेश्चन खेल। फिर क्या है कि फिर एक आपकी आदत बन जाए, दिस इज एन एटीट्यूड। पढ़ाने वालों का भी होता है, हर एक के अलग अलग स्टाइल होती है, मेरी ये स्टाइल मेरी यूज़ करने से बनती है, आपका एक तरीका हो जाता है कि आप इसी ढंग से पढ़ाते, नहीं तो रिप्रोड्यूस करना तो बहुत आसान है। आप टीचर भी बन जाएंगे तब भी चैलेंज ये रहेगा, 90% टीचर तो रिप्रोड्यूस करते हैं, जो किताब में लिखा है वो बोर्ड पर उतारना है, वो आज की तारीख में कोई मायने रखता नहीं, क्योंकि वो उतारा हुआ तो गूगल ने सब उतार दिया, जितना भी उतारना था। अब नोट्स बनाने का भी मतलब नहीं है, हर एक चीज़ के जिस ढंग से चाहो आप, समरी टेबल, फार्मूला टेबल, जो चीज़ चाहो उसको उसने सबको अवेलेबल करा रखा है। दैट इज नॉट द नॉलेज जो रिफ्लेक्ट होता है आजकल की अंडरस्टैंडिंग और एनालिटिकल एप्लीकेशन बेस्ड या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड, उसी को नॉलेज कहा जाता है मॉडर्न टाइम। पुराने टाइम में तो यही था, इसलिए पुराने टाइम वाले लोग तो इसी तरह की बातें करते हैं कि भाई यही ज्ञान है, सूर्य ही देवता है, हमारे को जो है वो रेडिएशन देता है, उससे फसल होती है, उससे हम खाना पीना कर पाते हैं, और इसलिए सूर्य की आराधना करना आवश्यक है और सूर्य को पानी सुबह सुबह देना चाहिए। आप में से भी कुछ लोग करेंगे जिनका विश्वास है वो करेंगे कि भाई इंटरव्यू के पहले दिन
सुबह सुबह सूर्य को पानी चढ़ाएं, पिताजी कहेंगे भिजिए करके जाओ, सूर्य तक पानी कैसे पहुंचेगा और पहुंचेगा तो किस स्पीड से पहुंच सकता है, क्योंकि पानी जो आप गिरा रहे हो इसका मैसेज अगर सूर्य ऊपर से देख रहा हो स्पीड ऑफ लाइट से भी गुजर जाए तो 8-10 मिनट बाद पहुंच जाएगा, और अगर कहीं ये कोई और मैकेनिज्म से पहुंच रहा है तो उसकी स्पीड क्या है वो सोचना पड़ेगा, कि सूर्य को पता भी चलेगा कि नहीं चलेगा। सूर्य कहेगा देर हो गई, तुम्हारा तो इंटरव्यू ख़त्म हो गया, जब तक मुझे पता चला कि तुमने पानी चढ़ाया है तब तक इंटरव्यू ख़त्म हो चुका है, मैं क्या कहूँ। दीज आर साइंटिफिक क्वेश्चन, मैं बताऊँ एटीट्यूड की बात है, चीज़ को देखने की बात है कि काम को, तो आप अपने आप को एनालाइज कीजिए। यहाँ पर तो ये प्रैक्टिस कराएंगे ही, लोग भी आएंगे, ज़्यादातर लोग सीधे भी आते हैं, जो आ जाते हैं हमारे मेरे कलीग हैं उन्होंने भी कहा, दीपक भटनागर जी भी आएंगे, बहुत सीधे प्रश्न पूछते हैं, वो सीधे आदमी है तो सीधे प्रश्न पूछते हैं, मैं टेढ़ा आदमी हूँ टेढ़े क्वेश्चन पूछता हूँ। तो इंटरव्यू बोर्ड में अलग अलग तरह के आदमी होते हैं और उन सबको डील करना पड़ता है। प्रिपरेशन वही है कि जो फास्ट बॉलर स्पिन बॉलर किसी भी तरह का बॉलर हो सबको खेल से प्रिपरेशन करने वाले के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि उसके लिए चॉइस नहीं है। आप ये नहीं कह सकते साहब ये तो मेरे सामने नहीं फेंकेंगे, वहाँ पर कोई ऐसा सरकार का नियम नहीं चलाता, हमारी सरकार है इसलिए केवल इस मैच में स्पिनर मुझे गेंद फेंकेंगे, कोई फास्ट बॉलर मुझे गेंद नहीं फेंक सकता, ऐसा आप नहीं कह सकते। तो नहीं कह सकते तो सबके आएंगे, तो सब तरह के लोग होंगे, कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकता, बट कोई प्रेडिक्शन नहीं होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रिपरेशन उसमें भी होती है। मौसम हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते फिर भी हम प्रिपरेशन रखते हैं कि अगर एकदम तूफान आ जाए तो क्या करना होगा, प्रिपरेशन उसको कहते हैं। प्रिपरेशन इज नॉट आउटकम, वो हमेशा होनी चाहिए। ये इंटरव्यू में भी नहीं होता अगले इंटरव्यू में भी काम आ जाएगी जितना आप ब्रॉड बेस करेंगे, क्योंकि इसी इंटरव्यू में हो जाए, शुभकामना तो यही है ताकि आगे नहीं हो, बट उसके बाद भी आपके पास चैलेंज रहेगा ही। क्यों चैलेंज रहेगा? क्योंकि मैंने अभी आपको कहा था शुरू में, आपको अच्छा लगा कि आपका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट जो है वो मेरे पास आकर के मिलेगा तो मुझे खुशी होगी, लेकिन जिस बैच को आप पढ़ा रहे होंगे उसका स्टूडेंट मुझे मिल गया बीच में, मेरा नाम तो है नगावत और लोग कहते हैं बगावत कराता है, तो मैं उसको ऐसे क्वेश्चन बता दूंगा कि आपको क्लास में परेशान करें। नए टीचर की सबसे समस्या क्या है? अगर स्टूडेंट स्मार्ट हो, मैं खुद जब डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में जब स्टूडेंट था 1978 तक, तो कई टीचर हमसे डरते थे, हमारी इमेज ही इसी बात की थी, वो टीचर नए नए लगे थे उसी समय इलेक्ट हुए थे, बाद में उनका नाम बड़ा हुआ, बड़े टीचर माने जाते थे, अच्छे टीचर भी माने जाते थे, बट वो घबराते थे, क्योंकि स्टूडेंट प्रिपरेशन करके अगर आता है तो हमारे टीचर्स का जो लेवल है कि 90% टीचर क्लास में खड़ा नहीं रह सकते। दुर्भाग्य क्या है कि हमारी एक महान संस्कृति है और उस महान संस्कृति का पहला अध्याय ये कहता है कि स्टूडेंट को क्लास में बिना पढ़े ही जाना चाहिए, क्योंकि पहले से अगर ज्ञान प्राप्त कर लिया तो गुरु का अपमान हो जाएगा, इसलिए जब तक गुरु नहीं बताए तब तक कोई प्रयास नहीं करना है, ये हमारे संस्कृति में लिखा हुआ है, तो इसीलिए हमने इसको दिल से अपना लिया है, पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं, जब वो बता देगा वो कहेगा कि हाँ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिर रहा है, वो अगर गूगल पर सर्च करता है कि फॉल ऑफ एन एप्पल हो सकता है GTR का लिंक सामने आ जाता और वहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है कि जवाब दूसरा है, तो टीचर की खाट खड़ी कर देता है। अब स्कूल का बेचारा 11th का टीचर, उसको कहाँ GTR का मालूम, तो वो तो कहता है तू ज़्यादा जानता है कि मैं ज़्यादा जानता हूँ, गाली गलौज पे भी आ जाता है टीचर कई बार। मैंने जब कह दिया, इसीलिए मैं इसको कहता हूँ भक्ति भाव, अगर आपने अभी तक की पढ़ाई में जितना भक्ति भाव रखा होगा उतना आपको नुकसान होगा, भक्ति भाव से दूर जाएं। भजन ईश्वर के करें वो आपकी आस्था है वो अलग चीज़ है, लेकिन साइंस या फिजिक्स को समझने में जितना आप भक्ति भाव रखेंगे और प्रॉब नहीं करेंगे, हर चीज़ को माइक्रोस्कोप के नज़रिए से गहराई से देखने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपकी सफलता में प्रॉब्लम रहेगी। ज़्यादा कॉन्फिडेंस तभी आपको आ पाएगा जब आपको भी लगेगा अब आप कुछ भी पूछिए मैं तैयार हूँ, जिस भी फील्ड के अंदर जाए, और जिस फील्ड में बिल्कुल नहीं आता हो जैसे GTR मैंने बताया, कॉस्मोलॉजी बताया, अब ये मेरे जानकारी में नहीं है, ये कह देने से क्या होता है कि कोई भी आदमी इतना दुष्ट नहीं है कि तुझे आता हो कि नहीं आता हो, मैं तो क्वेश्चन आज इसी में ही पूछूंगा, अब तेरी मर्जी आज जो कर ले, ऐसा आपका कोई दुश्मन वहाँ आ नहीं रहा। कोई लिस्ट भी हो दुश्मन की तो कितने दुश्मन है आपके बताओ, जो फिजिसिस्ट हैं जो आ सकते हैं, कोई सूची में है आपके पास एक भी जिसका नाम आपने लिख रखा होगा ये मेरा जाति दुश्मन है, ये हमारे परिवार से चिढ़ता है, हमारी जाति से चिढ़ता है, धर्म से चिढ़ता है, और ये आदमी आया तो मेरा सिलेक्शन नहीं देने का, तो ऐसा एक भी आदमी आपके नॉलेज में नहीं है,
जो है, तो वो कोई दोस्त नहीं है, आप मना कर देंगे वो उसमें नहीं पूछेगा डेफिनेटली, बट अगर आप उसी में उलझाए रखेंगे और चिंतन करने बैठ जाएंगे, सोचने लग जाएंगे, जब आपको मेकआउट कई बार कागज दे देते हैं, वो कागज़ पे भी ट्रायल कराते हैं आपको, जो चीज़ आपको नहीं आती है और जो रिकलेक्शन पर ज़्यादातर बेस्ड है, जहाँ पर एप्लीकेशन नहीं है, तो उसमें से अपने आप को तुरंत हटा लेना आसान है। कह देना है सर ये मेरा इसमें मैंने पढ़ा ज़रूर है लेकिन मुझे अभी याद नहीं है, या मैं उतने गहराई से नहीं जानता हूँ, बट साथ ही वो आपको मौका देगा। तो ऐसा फील्ड चूज़ करना, फिर आप हर एक फील्ड में ये कह दोगे कि मुझे तो नहीं आता थर्मोडायनामिक्स साहब, ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारा कोई भी सब्जेक्ट टी से शुरू होता है तो हम पढ़ते ही नहीं है मैं तो केवल क्वांटम मैकेनिक्स की बात करूंगा, मैं क्लासिकल थ्योरीज को पढ़ता ही नहीं, क्लासिकल फिजिक्स पूरी अलग रखो, केवल क्वांटम का ही जवाब दूंगा। तो ध्यान में रखें कि क्वांटम मैकेनिक्स लास्ट में बताना ज़रूरी है, क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि कोई भी चीज़ डिटर्मिनिस्टिक नहीं है फुल्ली, उसका कोई अंतिम निर्धारण नहीं हो सकता कि क्या होगा। एक फोटोन आ रहा है, मैंने ये क्वेश्चन भी क्लास में पूछा, आधे स्टूडेंट गलत, अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है, एक फोटोन आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है और वो कैथोड पर गिरता है, तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा? एनर्जी बता रहा हूँ ना, एनर्जी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू थ्रेशोल्ड। एक सिंगल फोटोन आ रहा, मुझे मालूम है फ्रीक्वेंसी ज्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, मैंने आइंस्टीन से फोन करके पूछ लिया भी ये कैथोड की कितनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, उससे ज्यादा एनर्जी, और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम पढ़ाते हैं, ये फोटोन पर इलेक्ट्रॉन पर जब गिरता है तो अपनी जो है एनर्जी दे देता है पूरी उसको दान में, ये ले मेरी पूरी संपत्ति ऊर्जा की और तू अब यहाँ से निकल, और वो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, उत्सर्जित हो जाता है, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अब आप बताइए, इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू डैश, विल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर? किसमें इंटेंसिटी? में एक फोटोन की बात है, इंटेंसिटी तो होती नहीं एक फोटोन के, तो एक ही होती है, फोटोन एक ही है, तो उसके हिसाब से इंटेंसिटी डिफाइन है। करंट भले ही मेरे को नहीं, मेरे को तो मालूम करना है कि इलेक्ट्रॉन मुझे फोन कर देगा निकलते, करंट तो मेजर करने का तरीका है, बट मैं तो क्वेश्चन सीधा पूछ रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलते ही उसको मैंने कह रखा है निकलते ही फोन करना है, मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा आई हैव बीन इमिटेड बाय सो एंड सो फोटोन, थैंक यू वेरी मच। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कब निकलेगा? जैसे इसने कहा कि कोई इमिशन नहीं होगा, लेकिन एक फोटोन से नहीं होगा, क्योंकि एक फोटोन पर जब बात करते हैं तो ये फुल्ली डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। अगर न्यूटन सही होता तो जवाब ये होता है कि एक पत्थर मैंने इस स्पीड से इस कोण पर फेंका तो वहीं जाके गिरेगा जहां पर उसकी रेंज आपने कैलकुलेट की है, ये न्यूटन की फिजिक्स में होता है। पत्थर को उठाएं, बॉल को किसी पर्टिकुलर स्पीड यू से किसी एंगल थीटा पर आप प्रोजेक्ट करें, हवाएं नहीं चल रही हो, फ्रिक्शन वगैरह इग्नोर कर सकते हो, तो वो वहीं जाके गिरता है जहां उसको गिरना होता है, और कहते हैं फुल्ली डिटर्मिनिस्टिक है। आप बता सकते हो कि उसका सर फटेगा कि नहीं फटेगा जो आदमी वहां खड़ा है कि नहीं, क्योंकि उसके सर पर भी गिरेगा तब भी क्लासिकल फिजिक्स ही काम करेगी, सर पर अगर सीधा पत्थर गिरा तो खोपड़ी फटेगी, क्योंकि जो स्पीड आपने कैलकुलेट की है उससे आप निश्चिंत हो सकते हो कि फटेगी कि नहीं फटेगी, आदमी गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो ये हम पुराने जमाने से समझते आ रहे हैं वॉर स्ट्रेटजी में, इसीलिए गोले फेंकना वो हमने हथियार के तौर पर बनाया, तो वहाँ तो डिटर्मिनिस्टिक, क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, एक फोटोन है तो बात नहीं कर सकते, हजार फोटोन है, 10,000 फोटोन है, 1,00,000 फोटोन है, तो हमें मालूम है कि प्रोबेबिलिटी इतनी है और वो बहुत कम है, नहीं मानते कहें वो प्रोबेबिलिटी कई बार बहुत कम होती है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि 10,00,000 गिर रहे हैं, तो क्योंकि मैं फिर ये पूछ लेता हूँ कितने, तो 10,00,000 में से 9,00,000 नहीं प्रोड्यूस करेंगे, हर मटेरियल के अलग अलग है लेकिन बहुत कम है,
जो होती है ज़्यादातर फोटो कैथोड्स के ऊपर, तो 10 लाख गिर रहे हैं तो अब आप तो कह नहीं सकते कि एक भी नहीं निकलेगा, पर 10 लाख गिर रहे हैं तो 9 लाख फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। वो फिर जैसा इसने कहा करंट को मेजर करो, मालूम करो कितने निकल रहे हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हो एक्सपेरिमेंट से प्रोबेबिलिटी क्या है, बट दिस प्रोबेबिलिटी जब आप डेटा देखेंगे, डेटा तो अवेलेबल है क्योंकि एक्सपेरिमेंट हो चुका है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी लैब में भी कराते हैं, एमएससी में भी कराते हैं कुछ जगह पर, तो आपको मालूम है करंट आपने मेजर कर ली जैसा इसने कहा, तो आपको मालूम है कितने निकले हैं और कितने निकले होंगे फोटोन, कितने गिरे होंगे ये भी मालूम कर सकते हैं। तो मैंने इंटरव्यू बोर्ड में पूछ लिया एक बार, तो जवाब देने में बहुत मुश्किल होती है कि साहब ये 50 वाट का बल्ब लगा हुआ है जिस कमरे में आप हैं, कितने फोटोन निकल रहे हैं, या ये LED लैंप लगा हुआ है 50 वाट का, कितने फोटोन निकल रहे हैं, सॉरी एस्टिमेटेड 50 वाट का बल्ब लगा हुआ है, एस्टिमेट करो बस, गणित का मतलब क्वेश्चन है एस्टिमेट, तो एस्टिमेट करो, आपको कागज पे पेन चलाना पड़ेगा, कागज पेन आपको दे रखा है, 50 वोट का बल्ब है, कितने फोटोन निकल रहे हैं पर सेकंड, ये तो नहीं है ज्यादा देर चलाएंगे तो ज्यादा ही निकलेंगे, वो तो अलग ही है, 5 सेकंड में 5 गुना निकलेंगे, 1 सेकंड में जितने भी निकले, 50 वोट में कैसे निकालेंगे, निकालो आप सब जानते हो इतनी फिजिक्स में, 50 वोट का बल्ब है ये मान, कागज पेन भी वो रखवाते हैं सामने, ध्यान में रखें, छोटी मोटे कैलकुलेशन करा सकते हैं आपके जवाब से क्वेश्चन पूछ करके, ये और ये छोटी कैलकुलेशन, इसका डस्टर आपको मैं बता देता हूँ आप क्या कर सकते हैं और क्या आपने किया होगा। तो 50 वॉट का है तो एनर्जी एमिट हुई पावर इनटू टाइम, तो 50 जूल हो गई, 1 सेकंड है, 1 सेकंड का ही क्योंकि कुछ 50 जूल एनर्जी। दूसरी कैलकुलेशन आप करेंगे कि इक्वल टू SC/λ, तो n नंबर है तो NSC/λ एक फोटो, और NSC/λ इक्वल टू 50, और H और C लैम्डा आपको चूज करना, पहली चीज आपको एक आर्ग्यूमेंट लेना होगा, जैसे मैंने पहले बताया 4000 से 8000 होती है, बीच में मान लेते हैं 6000, बट अगर उसने बल्ब लाल ही दे रखा है तो रेड की तरफ लेनी पड़ेगी 8000 में, बल्ब नीला है अगर रंग बता दें तो, क्योंकि तो पूरा विवर स्पेक्ट्रम होता है, और चलिए एवरेज ले लेते हैं, तो एवरेज में हम 6000 एंगस्ट्रॉम मानेंगे, लैम्डा तो 6000 हो गई, एच और सी सोडियम लैम्प ही कह दिया है तो बिल्कुल क्लियर है आपको 5890 और 5896 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ सोडियम लाइट निकालता है सोडियम में, बट क्या ये आंसर भी सही होगा, तो आप कहेंगे साहब और क्या करेंगे, इतने साफ निकाल दिया एन, इतने फोटोन निकल रहे हैं 50 वाट के बल्ब से, गहराई से जो फिजिक्स समझता है वो समझता है कि कोई भी बल्ब
क्योंकि थर्मोडायनामिक्स जब पढ़ते हैं तब ये बात आती है कि कार्नो इंजन पढ़ाते हैं कि एफिशिएंसी 100% नहीं होती। 50 वाट के फोटोन नहीं दे रहा वो, इतना सीधा भोला वाला बल्ब को समझे भी नहीं कि आप जो कहें कितने दे रहा होगा, ये अब कभी आपने पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं, क्योंकि आपका तो सरसरी इंटरेस्ट जब तक है ये आज जाकर के सर्च करना है कि कितने दे रहा हो। तो जो पुराना टंगस्टन का लैंप है उसकी बात करते हैं लोग तो कहते हैं कि 10% से भी कम देता है, और नहीं जो ये LED लाइट्स भी हैं ये 20%, 30%, 40% कौन सी बेस्ट है, आप आज जाके गूगल में देखें आपको पता चल जाएगा, लेकिन 100% तो डेफिनेटली नहीं होगी। तो अगर वो हम फैक्टर भी यहाँ पर लगाते हैं तो हमें पता चलेगा कि इस 50 में भी उस फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा परसेंटेज के। अगर ये 40% है तो यानी मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 40%, तो 40% एफिशिएंसी वाला LED बल्ब क्या आज तक बना है, कितनी बेस्ट एफिशिएंसी का LED बल्ब बना है। जैसे टेम्परेचर में आपने क्वेश्चन पूछा था कि टेम्परेचर का मेजरमेंट अलग अलग रेंज में कितना होगा, कितना छोटा से छोटा टेम्परेचर आज तक नापा गया है। मैं खाली टेम्परेचर पर ही आपका पूरा 20 मिनट का इंटरव्यू ले सकता हूँ और कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछूंगा, केवल टेम्परेचर की बात करूंगा, उसमें भी आप फेल हो सकते हैं क्योंकि प्रॉब डिटेल हो गया। अभी इसने टेम्परेचर की डेफिनेशन बता दी जीरोथ लॉ से, बट लोवेस्ट टेम्परेचर आज तक लेबोरेटरी में कितना प्रोड्यूस किया गया और कैसे प्रोड्यूस किया गया, कैसे प्रोड्यूस किया गया वो तो एक्सपेरिमेंटल साइंस हो गई, बट फिर भी एक जानकारी तो हो गई ना, भाई लोवेस्ट कितना किया गया, हाईएस्ट कितना किया गया, कितना हाईएस्ट टेम्परेचर हम यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए प्रोड्यूस करने में, कहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा है दुनिया में, भारत में, हाँ कहाँ पर सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर आज की तारीख में कहाँ पर प्रोड्यूस किया गया, लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी से ही मतलब है कि एक्सपेरिमेंट में सेटअप में। प्रकृति का तो हमें मालूम ही है कि अर्थ का ग्लोबल वार्मिंग कितनी भी कर दो 50 हो जाएगी, 60 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी उबलता है रोज जो आप घर पे उबालते, प्रकृति तो आपका पानी भी उबलवा नहीं सकती पूरे दुनिया का, उससे तो कम ही रहेगा ना, पूरे दुनिया का पानी तो एकदम समंदर उबलने तो नहीं लग जाएगा ना कभी भी, क्योंकि जब तक समंदर में उबाल आ जाए तो निश्चित तौर पर आप और हम नहीं रहेंगे, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर करना पड़ेगा ना, उतना तो ग्लोबल वार्मिंग भी कह नहीं रहे कर पाएगी, थोड़ा बहुत टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग का भी पढ़ लेना क्योंकि हॉट टॉपिक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, कितना टेम्परेचर बढ़ सकता है, उससे क्या असर हो सकते हैं, तो जनरल नॉलेज का साधारण टीचर किसके बारे में क्वेश्चन पूछे, आप ये नहीं कह सकते टेम्परेचर से रिलेटेड इशू है क्या असर पड़ेगा। तो जो हाईएस्ट टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है वो आज की तारीख में हो रहा है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर LHC एक्सपेरिमेंट जो सांड में चल रहा है, जहाँ पर जो बीम हाई एनर्जी बीम 6.8 टकरा रही है उस छोटे से रीजन में जो टेम्परेचर बन, इसलिए कह रहे हैं वो बिग बैंग कहने उस समय के पीरियड के जो हाई टेम्परेचर था उसकी फिजिक्स को चेक कर सकता है, पूरे आसमान में नहीं बनाया, कोई चाय के कप में नहीं बना पा रहे, एक बहुत छोटा सा रीजन, कितना छोटा सा पड़े LHC के बारे में, कितने छोटे से रीजन में एक एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर कंडीशन हम जनरेट करते हैं, ताकि हम हाई टेम्परेचर पर क्या होता है जिसको कि हम अब टेम्परेचर नहीं कहते, कहते हाई एनर्जी पे क्या होता है वो मालूम कर सकते। तो हाईएस्ट जो टेम्परेचर जो प्रोड्यूस किया गया वो आज की तारीख में हो रहा है, LHC की रन चल रही है प्रैक्टिकल, और वो 6.8 का TeV का जो प्रोटॉन कोलाइड कर रहे हैं उनसे जो टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा है वो LHC में इम्पोर्टेंट है, फिजिक्स का क्वेश्चन है आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही कि नीचे कहाँ तक गए, लिक्विड हीलियम तो आसानी से मिल जाती है, लिक्विड नाइट्रोजन लिक्विड हीलियम वो तो आपको मालूम ही होगा कि वो तो आसान है, लेकिन उससे भी नीचे क्या जीरो पे पहुंच गए, तो जीरो पे तो पहुंच ही नहीं सकते। एक महान संत कह गए, नाम उनका था कि भाई 0° केल्विन इज नॉट अटेनेबल एट ऑल, ये तो फिजिक्स का लो ही बना दिया लोगों ने, कहा कि भले ही समझ में नहीं आ रहा हो लेकिन ये नियम होना चाहिए कि 0° केल्विन तो नहीं है, अब क्या जीरो नहीं होगा तो क्या 0.1 केल्विन, 0.1 केल्विन तो बहुत बड़ा टेम्परेचर जो हमने अटेंड किया उसकी तुलना में, तो हमने कितना अटेंड किया, क्योंकि हमने सोच लिया भाई जीरो तो नहीं हो सकता तो 0.1 भी नहीं हो सकता होगा शायद, बट ऐसा नहीं है, 0.1 इज अ वेरी हाई टेम्परेचर कंपैरेटिवली। कितना हम कर पाए हैं अभी तक,
तो ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा है ये टेम्परेचर के बारे में है, ऐसे ही करंट के बारे में होता है। दुनिया में किस तार में कितनी मैक्सिमम करंट आज तक फ्लो हुई, सुपर कंडक्टिविटी का जो एक्सपेरिमेंट था वो बताओ ना जी, कितनी मेजर की गई, किस लेवल तक की करंट हम मेजर कर चुके हैं। तो अगर आप एक्सपेरिमेंट में इंटरेस्ट देते हो और वो करंट के बारे में ही क्वेश्चन पूछे या टेम्परेचर के बारे में ही क्वेश्चन पूछे और आप साथ में ये और जोड़ दो कि साहब लोवेस्ट टेम्परेचर इतना नापा गया, हाईएस्ट टेम्परेचर इतना नापा गया, उसने पूछा तो है ही नहीं, पर आपने अपने ज्ञान की बोछार उसके ऊपर कर दी क्योंकि आपने ऐड कर दिया जवाब में, जवाब क्वेश्चन में है ही नहीं, जरूरी नहीं क्वेश्चन का ही जवाब दें। विद्वता के प्रदर्शन के ऊपर कोई सीमा नहीं है, कोई कानून नहीं रोकता कि आप विद्वान जितने भी हैं उसका प्रदर्शन नहीं करें। किताबों में क्या लिखा गया है कि अपने पैसों का प्रदर्शन नहीं करें, अपने गुरूर का प्रदर्शन नहीं करें, किसी भी किताब में लिखा है कि अपनी विद्वता का प्रदर्शन नहीं करें, सामने वाले गरीब लोगों को जिनको कम चिंतन है जो मूर्ख है उनको दिक्कत होती है उनका भी अधिकार होता है, इसलिए किसी भी आदमी को बुद्धिमानी पूर्वक व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि समाज में सब प्रकार के लोग हैं और बुद्धिमानी पूर्वक व्यवहार करने से जो मूर्ख हैं उनके आत्मसम्मान पर ठेस पहुँचती है। ऐसा कहीं साहित्य पढ़ा, मैंने अभी लिख दिया लेकिन आपने कहीं पढ़ा क्या कि ऐसा लिखा हुआ हो कि साथ विद्वतापूर्ण आचरण नहीं करना चाहिए क्योंकि ठेस पहुँचेगी। तो इसलिए जवाब इंटेलिजेंट दें, जो क्वेश्चन पूछे ए आंसर एक्सपेक्टेड बी, आपने बी के साथ टॉपिंग और बादाम काजू जयपुर के तो ये कोई भी चीज़ बनाओ ऊपर काजू बादाम ये सब डालना जरूरी है जयपुर में, इवन उनका बस चले तो समोसा बना करके समोसे के अंदर तो डाल ही देते हैं, तो समोसे के ऊपर भी जब आपको सर्व करें चटनी पर चटनी डाली थोड़ा बहुत काजू का कतरन डाल दी तो इसको क्या कहते हैं फ्लेवर ऐड करना, इससे स्वादिष्ट बन जाती है चीज़ें, फ्लेवर ऐड करना, हर चीज़ में आपको कुछ ना कुछ टॉपिंग मिलती है। तो ये मैं कह रहा हूँ आप ऐसे जवाब दें जो टॉपिंग के साथ हों तो उसको मज़ा आ जाएगा, बेसिक जवाब का आनंद तो मिल ही रहा है, आइसक्रीम तो आइसक्रीम ही है लेकिन आइसक्रीम के साथ टूटी फ्रूटी मिलाई हुई है या आइसक्रीम के साथ कुछ और चीज़ें मिलाई हुई हैं, काजू भी आ रहा है और वो काजू का प्रेमी है तो वो तो बाग बाग हो जाएगा कि साहब काजू भी दे दी, हमने तो आइसक्रीम ही मांगी थी और काजू भी साथ में मिल रही है तो काजू वाली आइसक्रीम जो है वो उसको पसंद आएगी। तो हर एग्जामिनर के भी अपने शौक हैं, तो खाना कैसे परोसें यानी जवाब कैसे दें इसकी स्ट्रेटेजी अभी से बनाएं कि सिंपल क्वेश्चन हो और अगर मेरे दिमाग में रिकलेक्ट हो रहा हो, नहीं हो रहा है तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ रिकलेक्ट हो रहा हो, मैंने अपने आप को पहले से कुछ एरियाज में प्रिपेयर कर रखा हो तो ऐसे दो चार क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे जहाँ मैं अपनी बुद्धिमानी जाहिर कर सकता हूँ और भले ही उसको प्रॉब नहीं किया, उसने सीधे नहीं पूछा और मैंने अपनी बुद्धिमानी को जाहिर कर दिया तो उस बुद्धिमानी का जो इफेक्ट होगा वो आपके उस व्यक्ति को याद रह जाएगा जिसने ये कह दिया टेम्परेचर के बारे में कि हाईएस्ट यहाँ से लोवेस्ट यहाँ तक, उसका सिलेक्शन के लिए वो कुमार विश्वास की वाइफ कहेगी नहीं नहीं हमारे तो गहलोत साहब ने कहा है कि इसी को लेना है इनको नहीं लेना है, तो भी वो अड़ जाएगा क्योंकि सम्मान होता है, फिजिक्स वाले तो सब ज़्यादा खड़ूस और अड़ियल लोग होते हैं, मान के चले तो वो अड़ जाएगा आपके लिए नहीं साहब बाकी को आपकी जो मर्जी है इनको लो, इस बंदे को तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि इसका जवाब जो है ये लाजवाब है, तो जवाब नहीं देने लाजवाब जवाब आपको देने हैं और वो आप दे सकते, उसके लिए प्रिपरेशन और कॉन्फिडेंस चाहिए। घबरा गए साहब अब काम, अब आपने मान लो मैंने कहा एलएससी का भी नहीं जवाब दिया होता और भी कुछ दे दिया होता है कि साहब फर्नेस में इतना टेम्परेचर होता है, आप मटेरियल साइंस की रिसर्च करते हैं यहाँ पर इनके पास भी फर्नेस है फिजिक्स डिपार्टमेंट में, उस फर्नेस में कितना टेम्परेचर बनता है, कभी आपने गए होते और देखा होता कि साहब इसमें लिखा हुआ है कि इस फर्नेस में इतना टेम्परेचर बन सकता है, वो भी एक कंपैरेटिवली बेटर जवाब तो हो ही गया ना, अभी जिसको एलएससी का पता है वही एलएससी का जवाब देगा कि हमारे यहाँ फिजिक्स डिपार्टमेंट में एक फर्नेस है उसमें इतना टेम्परेचर हाईएस्ट होता है और इतना ही हमने देखा है, उसके बाद का मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये भी फ्लेवर तो है ही बट ये क्या एक गरीब आदमी होता है तो वो गरीबी वाली फ्लेवर लगाता है, अमीर आदमी होता है तो वो बेस्ट फ्लेवर जो होती है वो खुलता है, तो अमीर जब लोग जब भी मिलते हैं तो अब कोई आप में से पार्टी देता है तो छोटी मोटी दारू पीते हैं लोग, अमीर आदमी जब भी होता है कोई भी पार्टी होगी तो सीधे कैंपेन ही खुलता है, बेस्ट ही, इफ़ यू कैन गिव बेस्ट वाई टू गिव स्मॉल आंसर, अगर आप अच्छा दे सकते हैं, अगर आप शैंपेन वाला जवाब दे सकते हैं तो पौवा ऑफर करने का कोई औचित्य नहीं है, और आप में है और आप नहीं दे रहे हैं तो वो आपकी कमी है, ज्ञान भी आपको मिल गया जवाब भी आपको मिल गया जवाब आपको जानकारी में भी है, अगर आप पूरे गहराई से चिंतन करें तो मिले, तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि इंटरव्यू बोर्ड के बाद
इतना भी अच्छा दें, एक बात रह जाती है कि शायद मैं इससे और बेहतर कर सकता था, बाहर आके पता चलता है, क्योंकि कुछ और नए नए ऐसे खूबसूरत जवाब आपके दिमाग में आ जाते हैं, अरे यार वहाँ पर मिस कर गया मैं। बट उससे डरने की जरूरत नहीं, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, करना ना करना, एक बार इंटरव्यू शुरू हो जाए, उसके बाद इंटरव्यू ख़त्म हो जाए, उसके बाद ही अपना इवेल्युएशन करें कि आप अपने आप को कितने नंबर देते हैं, 100 में से 50 है, और इस दबाव से मुक्त होकर जाएं कि ये मुझे ले आरपीएससी में कि नहीं ले। मेरा राजस्थान विश्वविद्यालय में सिलेक्शन का जब इंटरव्यू मैंने फेस किया था, तब भी मैंने से यही क्वेश्चन पूछा, उन्होंने पूछा कि भाई आपको क्यों लें, मैंने कहा आपकी इच्छा पर है, मैं अपने यहाँ पर आकर के ये काम करना चाहता हूँ, मेरा फिजिक्स में इंटरेस्ट है, और अगर हम नहीं लेंगे तो क्या होगा। मैंने कहा मेरे पास कई रास्ते खुले, अभी मैं युवा हूँ, आप ले न ले मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मेरे पास कई रास्ते ऑप्शंस खुले हैं, ये कॉन्फिडेंस है। मैंने उनीतान साहब जो अब नहीं रहे शायद, उनको मैंने जवाब दिया था कि मेरे पास रास्तों की कमी नहीं है, यही कॉन्फिडेंस आप में झलकना चाहिए कि आरपीएससी नहीं लें तो इट विल बी अ लॉस टू आरपीएससी, बिकॉज यू कैन बिकम ए गुड टीचर, कॉलेज टीचर, एंड आपको मौका नहीं दे रही है तो शर्म किसको आए, उसको आए जिसको जो गलती कर रहा है, जो आपको मौका नहीं दे रहा है। लेकिन ये बात साबित करने के लिए पहले आप अपने आप कन्विंस हो जाइए कि साहब मैं बिल्कुल अब प्रिपेयर्ड हूँ, जो बेस्ट मैं हो सकता हूँ, मैं नहीं कह रहा वंडरफुल नहीं हो सकता, इसके बाद भी क्वेश्चन हो सकते हैं, इसके बाद भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं जो आज की चर्चा में क्या, हज़ारों लोगों से भी आप बात कर लें, हज़ारों टीचर अलग अलग तरह के आके भी आपको बता दें, फिर भी इंटरव्यू में कोई नया आ सकता है, क्योंकि हर आदमी अलग है और सब्जेक्ट इतना वास्ट होता है। ये केवल गीता का ज्ञान नहीं है कि गीता की एक किताब को एक एक मर्म को समझ लिया तो आप हर प्रश्न का उत्तर पूछेंगे तो आप समीक्षा दे सकते हैं, क्योंकि एक ही किताब है और उसी एक ही किताब पर ही आपको जवाब देना है, तो वो आसान हो जाता है, क्योंकि उस किताब में एक एक बिंदु पर आप गहराई और महारत हासिल कर सकते हैं। फिजिक्स आप जानते हैं मेरे ख्याल से दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें सबसे वाइडेस्ट सब्जेक्ट जो है यही है, और अलग अलग स्टूडेंट, और ये कंपटीशन भी है, तो ये भी ध्यान में रखिए कि इवन आपका इंटरव्यू ख़राब जा रहा है पर आपने ऐसे कुछ दो चार फ्लेवर वाले आइटम पेश कर दिए हैं और दूसरे बाकी लोगों का, और क्योंकि उन्होंने कोई फ्लेवर भी पेश नहीं की है और उनका भी एवरेज गया है, तब भी आपका सिलेक्शन है। इतना भी दबाव में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी को वहाँ मेरी तरह नहीं आ रहा है कि जो उसको इतना अनुभव हो गया है, मैं तो जा नहीं रहा इंटरव्यू देने, कोई आदमी हो जो फिजिक्स को इतने साल से पढ़ा रहा हो, जो फिजिक्स में रह रहा हो, उसका ज्ञान इतना बढ़ गया कि अब उससे आप कैसे कम्पीट करोगे, तो मैं भी इंटरव्यू देने जाऊं और आप भी इंटरव्यू देने जाएं तो कंपटीशन तो इवन प्लेइंग फील्ड तो नहीं होगा, क्योंकि आप मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप पर आपको ध्यान रखना है कि जो बाकी जा रहे हैं जो सेलेक्ट हुए आपके साथ, मुझे बताया गया कितने लोग जाएंगे इंटरव्यू में, 224 जाएंगे, उस 224 में से ही आपको बेस्ट होना है, और वो 224 यहाँ पर जैसे मौजूद है उसी तरह का सैंपल होता है सही, जितना आप यहाँ पर 22 लोग हैं वैसे ही वो 220 लोग हैं, 10 गुना है, वैसे ही उनके होंगे, तो आप थोड़ा सा भी निखार लाएंगे तो भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ये आत्मविश्वास रखें, दबाव में नहीं आ जाए कि साहब वो 224 हैं तो वो भी आपके जैसे ही है, और जो जहाँ से आपने जो अध्ययन किया, और अगर आप अपना अध्ययन शार्प कर लेते हैं इस पीरियड में लिमिटेड टाइम में भी, तो आप रेस में आगे निकल सकते हैं। और जब ये 100 मीटर 200 मीटर रेस होती है तो कई बार देखा गया है कि शुरुआत में जो व्यक्ति पीछे भी होता है वो भी रेस को जीत जाता है, क्योंकि उसका डिटर्मिनेशन है, उसने सोच रखा है कि मुझे जीतना ही है, तो लास्ट मिनट में अप्रोप्रिएट एनर्जी आ ही जाती है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि इंटरव्यू में परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो ही जाती है, बशर्ते आपकी कंडीशन में तो अच्छे अच्छे जवाब देते हैं जो तारीफ करनी पड़ती। मैंने ऐसा ही इंटरव्यू होम साइंस का भी लिया था, तो होम साइंस में एक थी एप्लीकेंट, उसका इंटरव्यू बिल्कुल लाजवाब था, जब भी क्वेश्चन पूछे तो हर क्वेश्चन का उसने बड़े लाजवाब ढंग से जवाब दिया और गहराई से, उससे वो रिफ्लेक्ट हुआ कि सब वो है जिसको नॉलेज है, क्योंकि होम साइंस भी बहुत बड़ा वाइल्ड फील्ड है, और जब क्वेश्चन पूछते हैं उस इंटरव्यू बोर्ड में मैंने काफ़ी क्वेश्चन उसको पूछे थे और हैरेस करने की भी कोशिश की थी, पर जो हैरेस नहीं हूँ, कई बार मेरे जैसा होता है ना, वो देखने की कोशिश करता है कि इसको क्वेश्चन पूछा जाए तो ये इरिटेट कब होगा, क्योंकि क्लासरूम में क्या प्रॉब्लम है, क्लासरूम में हमें वो टीचर नहीं चाहिए जो इरिटेट हो जाए, कि जैसे ही कुछ क्वेश्चन पूछा मारपीट पे आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन राजस्थान विश्वविद्यालय में कॉमर्स में रहे ऐसे टीचर, एक रघु शर्मा के भाई थे प्रणवेंद्र शर्मा, वो मारपीट पे लड़के को पहले ही कह देते मेरी क्लास में आया तेरे हाथ पाँव तोड़ दूंगा, तो उनकी क्लास में कोई जाता नहीं, कोई क्लास लेने की ज़रूरत नहीं, तो इस तरह के वीर टीचर भी हुए हैं इतिहास में, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होते, लेकिन टीचर कैसा चाहिए कि जो टॉलरेट कर सके,
अगर वो इवन आपको कह रहा है ये गलत भी है, तब भी आप उसके दबाव में नहीं आकर के और रेस्पोंड कर सके, क्योंकि स्टूडेंट भी आप जब फेस करेंगे तो ऐसी उठपटांग बातें कुछ भी कर सकता है। उसको कहीं से पढ़ के आया, वो आधा अधूरा ज्ञान आपको अपने ऊपर बघार सकता है आपके ऊपर। तो अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो जवाब दे पाएंगे। ये काबिलियत जो भी इंटरव्यू में ले रहे हैं वो उसी काबिलियत के लिए है कि आप क्लास ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। और जो मैंने कहा कि आने वाले समय में जो टीचर है, मेरे समय में तो MSc टीचर का मैंने बताया दुश्मन जो है वो कौन था, स्कूल टीचर, क्योंकि वो भक्ति भाव से ऐसा पढ़ा के बैठता है कि इधर से प्रश्न पूछो बच्चा फटाक से जवाब देता है कि इनर्जी स्केलर है या वेक्टर है, इनर्जी क्या है, स्केलर है वेक्टर है, बताओ, स्केलर है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक से वोट गिरा है तो ये प्रूव हो गया कि इनर्जी स्केलर है, बट ये आंसर गलत है, इनर्जी स्केलर नहीं है। मैंने जितने भी बेच पढ़ाए सब बच्चों को अच्छी तरह से समझाया, कुछ वो भी यहाँ मौजूद है लेकिन भूल जाते हैं, इनर्जी इज नॉट अ स्केलर पॉइंट, इनर्जी इज ए गैलीलियन स्केलर लोरेंजियन वेक्टर, इसलिए नाम आता है इनर्जी मोमेंटम फॉर वेक्टर। इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनर्जी इज ए कंपोनेंट ऑफ ए फॉर वेक्टर, ये सब कोर्स आप पढ़ चुके हैं। बट क्या वो टीचर ने कहा था क्लास में 11वीं में, ऊर्जा एक अदिश राशि है, इनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। आपने कहा मार साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, मार साहब ही कहते हैं स्कूल वाले टीचर को, जनरली लेक्चरर कोई नहीं कहता, मार साहब ने बिल्कुल सही बताया ऊर्जा एक अदिश राशि है। अब जब तक मैं चिता पर नहीं लेटूंगा तब तक ऊर्जा अदिश राशि ही रहेगी, ये जिद गलत है, साइंस में नहीं चल सकती। इनर्जी टेंसर भी हो सकती है, इनर्जी वेक्टर भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सेट के ऊपर, सेट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये जो है वो इनर्जी मोमेंटम फोर वेक्टर की बात करते हैं, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जाते हैं तो इनर्जी मोमेंटम डेंसिटी टेंसर होता है जो रैंक ऑफ टू का होता है, टेंसर रैंक टू, और स्केलर जो है वो टेंसर रैंक जीरो होता है। गैलीलियन स्केलर है, लॉरेंजियन वेक्टर है, और GTR में टेंसर ऑफ रैंक टू है, नाम वही का वही है, क्योंकि कई बार नाम नहीं बदलते। बट जो चौथमल अकबर और बाबर के ज़माने में हुआ और जो चौथमल आज पैदा होता है उसमें अंतर होता है, नाम चौथमल होने से क्या हो जाएगा, आदमी तो अलग है ना। आपको मालूम है कि अकबर ने कितने फ्लेवर की आइसक्रीम खाई, अकबर ने कितने फ्लेवर की आइसक्रीम का आनंद लिया, आपने कितने फ्लेवर की आइसक्रीम का आनंद लिया अभी तक, अपनी जिंदगी में कितने फ्लेवर की आइसक्रीम खाई है, ये तो मत कहना भाई मैंने खाई नहीं है तो अब मैं क्या बताऊं कितने फ्लेवर की आइसक्रीम खाई है, अंदाज तो होना चाहिए ना, गिना नहीं हो तो 10 फ्लेवर 20 फ्लेवर 5 फ्लेवर 2 फ्लेवर हर एक का होता है, कोई है तो कम हो सकता है, कम शौक हो, गरीब व्यक्ति है तो कम फ्लेवर का लेगा, कोई चेंज करता रहता है, कोई बड़ी बड़ी जो दुकानें आइसक्रीम की खुल गई हैं जयपुर में उनमें जाता है तो वहाँ बहुत सारे मशीनें लगी हुई हैं, अलग अलग और फ्लेवर मिलते हैं। बट एक आंसर है आपको मालूम है कि 10 और 20 फ्लेवर, और आप तो साधारण आदमी हैं, गरीब से गरीब आदमी भी 5-10 फ्लेवर का आनंद ले चुका होगा अपने जीवन में, चाहे वो ठेला चलाता हो, सब्जी बेचता हो, कुछ भी करता हो, 8-10 फ्लेवर की आइसक्रीम तो चख ही लेता है अपने लाइफ टाइम में। ठीक है, 8-10 कह रहा हूँ मैं, ये अलग अलग होती है, किसी में मैंगो मिला देते हैं, किसी में पाइनएप्पल मिला देते हैं, किसी में कुछ मिला देते हैं, काजू किशमिश बटर स्कॉच बहुत सारे नाम हैं जो आप इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं, इतने वेराइटी के। तो लेकिन अकबर बादशाह को तो एक भी फ्लेवर नसीब नहीं हुआ, उनके टाइम में कोई फ्रिजिंग का ना तो कोई फ्रिज था, ना उन्होंने कोई आइसक्रीम का स्वाद ज़िंदगी में लिया। बादशाह कहाँ और कहाँ आप बादशाह से भी ज़्यादा अच्छा आनंदमय जीवन भोग चुके हैं, क्योंकि बादशाह से अधिक आइसक्रीम का फ्लेवर आपने सेवन किया है। ठीक है ना, ध्यान रखें, अकबर बादशाह ने कोई प्लेन से यात्रा नहीं की, घोड़े पर बैठ करके दिल्ली से ख्वाजा साहब के दर्शन करने के लिए, बेटा मांगने के लिए घोड़े पर बैठ करके आए, कितने दिन में पहुँचे होंगे, कितने धक्के खाए होंगे, बाद में कहाँ बीच में खाना बनाया होगा, किस लकड़ी में कौन कौन से जानवर पकाए होंगे, हो सकता है आपको नहीं पता हमें, लेकिन आपको अगर दिल्ली से अजमेर जाना हो तो एयर कंडीशन वॉल्वो मिलती है जिसमें ना तो कोई गर्मी लगती है। आम आदमी भी कई बार जाना होता है, अभी इंटरव्यू देने अजमेर जाएंगे तो आप वॉल्वो से भी जा सकते हैं, आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, आप टैक्सी करके भी जा सकते हैं, सब ए सी है, ठंडक से,
वो आनंद कभी जो जीवन में बादशाह अकबर को मिला नहीं। अशोक और उनकी तो बात ही छोड़ दें, बादशाह अकबर तो अभी लगता है ऐसा कि कुछ ही दिनों पहले हुए होंगे, बट उनको भी वो आनंद नहीं मिला जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बलबूते के कारण आज आपको मिल रहा है, सब जगह मिल रहा है। क्योंकि पहले आइसक्रीम अगर कहीं पर कल्पना भी की जा सकती है तो जहाँ पर बर्फ हो या स्नोफॉल होता हो, कश्मीर में कोई रह रहा हो या यूरोप में रह रहा हो, जहाँ बर्फ ही नहीं है, जहाँ दिल्ली में आप रह रहे हो, वहाँ बर्फ बनाने का कोई तरीका उस समय में नहीं था। जहाँ बर्फ होती थी वहाँ तो बर्फ बनाने की और कुछ चीज़ें बनाने के तरीके मौजूद थे। जो साइबेरिया में रहता है उसको तो बर्फ अभिशाप ही लगती है कि बार बार बर्फ मौजूद क्यों रहती है, उसको बर्फ से मज़ा नहीं आता। आपको बर्फ में मज़ा आता है क्योंकि आप राजस्थान के नागरिक हैं, तो आपको बर्फ लुभावनी लगती है, आकर्षक लगती है। साइबेरिया में रहने वाले व्यक्ति से पूछें तो गाली देता है, क्या नसीब पाया है कि इधर देखो उधर सफ़ेद ही सफ़ेद है, कोई रंग नहीं है, ज़िंदगी रंगहीन हो गई है। इस तरह के ख्याल उसके आते हैं। मेरे दृष्टिकोण के ऊपर है तो आप श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आप अकबर से भी श्रेष्ठ हैं। अकबर से श्रेष्ठ आप आइसक्रीम खा चुके हैं, अकबर से श्रेष्ठ सुविधाओं का आप आनंद ले चुके हैं। अकबर फेसबुक पर एक पोस्ट नहीं डाल चुका और आप हजारों पोस्ट रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ डालते हैं। इतना आनंद आपके जीवन में है, इसको पूरा खुशी में माने, उस समय जाएँ तो यही सोचें कि मैं अकबर से भी काफ़ी अधिक योग्यता वाला व्यक्ति, केवल एक अदनी सी पोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज लेक्चरर की के लिए इंटरव्यू देने के लिए आ रहा हूँ, तो आपका सम्मान ऊँचा रहेगा। तो ऊँचा सोचने की बात है, तो हम ये एक तो ये सोचें कि साहब आइसक्रीम मैं महीने में 10 बार खाना चाहता हूँ और एक बार ही नसीब होती है, और एक हम ये सोचें कि मैं आइसक्रीम खा पा रहा हूँ और अकबर को आइसक्रीम मैसर नहीं थी। तो केवल दृष्टिकोण बदला है लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही आपको करना है, आपको यही सोचना है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये क्या है, इनको बाकी कुछ आता ही नहीं जो यहाँ पर बैठते हैं, ये सब तो कंपटीशन तो आपस में है ही आपके, लेकिन आपके मन में तो यही रहना चाहिए कि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, मेरा सिलेक्शन तो टाला नहीं जा सकता है। और ये सोचना गलत नहीं है क्योंकि आप अपने आप को इम्प्रूव करके प्रूव कर सकते हैं। तो देख सकते इतना पढ़ लिया है तो ये जो सजा भुगत ली है वही बहुत होती है। लोग ये मान के चलते हैं कितने साल तक कोई फिजिक्स पढ़ ले और फिजिक्स से भागे नहीं और शादीवादी नहीं कर ले, जैसे इसने बताया अभी, क्योंकि आई लव यू का ये तैयार है रेस्पॉन्स देने का, मतलब शादी नहीं हुई है अभी, शादी हो जाने के बाद आई लव यू का मतलब है इसको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा कि क्या मतलब होता है, फिर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करेगा, फिर चुटकुले बनाएगा, फिर फेसबुक पोस्ट डालेगा कि बीबी क्या करती है, बीबी क्या नहीं करती है, उस तरह का आनंद लेगा। अभी ये सोच रहा है कि कोई आके कहेगा इसका मैं आनंद लूँ, तो बदलते रहते हैं। तो ये आप सारी पॉजिटिव, अब आपके जो प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, मैंने लंबा भाषण तो दे दिया जैसी मेरी आदत है, अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन है क्या जवाब दे सकता है, अगर मुझे आता होगा, नहीं आता होगा तो मेरे पास भी विकल्प है, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरी पेरिफेरी से बाहर हैं, जो मेरे ज्ञान की सीमाओं से बाहर हैं, तो उसके बारे में मुझे मगजपच्ची नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो टिप्पणी नहीं कर सकता, मैं नूपुर शर्मा तो हो नहीं सकता। मैं बता दूं, मैंने पढ़ी नहीं हदीस में क्या लिखा, हदीस में क्या नहीं लिखा, और मैं यहाँ पर कुछ भाषण देने शुरू कर जाऊँ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जिस क्षेत्र का आपको ज्ञान नहीं हो उसमें नहीं बोलना चाहिए। कोई क्वेश्चन हो बता दें, फिजिक्स के या इंटरव्यू के बारे में, जनरल साइकोलॉजी इंटरव्यू मिनिमम 10, मैं एक रफ ऑर्डर ऑफ एस्टिमेट बता रहा हूँ कि 10 एरियाज ऐसे हों ताकि उसमें से कहीं ना कहीं चांसेस आ जाए। ब्रॉड एरियाज ज़्यादा है नहीं, पर जो भी अंडर ग्रेजुएट के एरियाज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी छोड़ें क्योंकि हम किसी को भी कह सकते हैं कि स्पेशल पेपर है, कॉस्मोलॉजी स्पेशल पेपर होता है, माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशल होता है, लेकिन ऑप्टिक्स है, थर्मोडाइनमिक्स है, मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोडाइनमिक्स है, ये तो आप नहीं कह सकते ना। तो इनमें से भी मान लो आप एक दो को कहने को तैयार हूँ तो बाकी को तो है। अब क्या है, मेरे पास इंटरव्यू बोर्ड में ऐसे भी लोग आए जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स, आप क्योंकि नाम उनको अच्छा लगा, न्यूक्लियर फिजिक्स कहने से प्रभाव अच्छा पड़ेगा, वो जानते शेल मॉडल नहीं, जानते लिक्विड ड्रॉप मॉडल नहीं, जानते कुछ नहीं, तो कौन सा कितने आइसोटॉप्स है, किसकी ज़्यादा लाइफ टाइम है, किसका रेडियो एक्टिविटी का क्या रेंज है क्या। तो अगर आप जानते नहीं और फैशन से जवाब दे देंगे तो फंसेंगे, क्योंकि जानना ज़रूरी है, आपको पता ही नहीं और आपने कहा कि ठीक है साहब अच्छा क्या लगेगा जवाब देने में। तो न्यूक्लियर फिजिक्स बहुत बच्चे जवाब देते हैं और हार जाते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स आती हो ऐसा मेरे को अभी तक नहीं मिला कि जिसने न्यूक्लियर फिजिक्स जवाब दिया हो और सक्सेसफुली इंटरव्यू डिपेंड कर लिया, क्योंकि इन्वॉल्व सब्जेक्ट है। आपको खाली सतही तौर पर अच्छा लग गया कि साहब न्यूक्लियर बॉम्ब है
और ये चीज है, अभी आपसे मैं पूछ लूंगा छोटा सा छोटा न्यूक्लियर बम क्रिटिकल साइज का कितना वजन का होगा, तो आप शेख रशीद की तरह भी बन सकते हैं। उसने कहा हमने 250 ग्राम के बम बना रखे हैं, हमने 50 ग्राम के बम बना रखे हैं। शेख रशीद पाकिस्तान के होम मिनिस्टर थे इमरान खान सरकार, उनका ये स्टेटमेंट था कि हम भारत पे ये छोटे छोटे बम बना रखें, ये गली मोहल्लों में गिरा देंगे, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो सबसे छोटा बम की साइज कितनी हो सकती है, ये तो न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिलेटेड है क्रिटिकल मास से, कौन कौन से बम में मटेरियल काम में आते हैं, कितना पर, क्योंकि आप जानते हैं चेन रिएक्शन सस्टेन करने के लिए क्रिटिकल मास होना चाहिए। तो अगर आप न्यूक्लियर फिजिक्स कह रहे हैं तो फिर ये कम से कम न्यूक्लियर फिजिक्स को गहराई से पूरा रिविजन कर दें, ये क्वेश्चन का भी जवाब आपको आता हो। तो ये इसलिए नहीं कि जब आप पढ़ते थे तब आपको अच्छा लगा क्योंकि टीचर अच्छा था, नरेंद्र ने पढ़ाया मान लो आपको न्यूक्लियर फिजिक्स, और आपको लग गया ये तो अच्छा टीचर है, अच्छा बता रहा है, सब मज़ा आ रहा है, बट जरूरी नहीं है क्योंकि आपको अभी नॉलेज हो उसका। तो एक तो हमें सब्जेक्ट अच्छा लगना, तो एक हमें सब्जेक्ट को अच्छा आना, तो मेरा तो जो आपको अच्छा लग रहा है उसको उसको ज़्यादा बेटर रिवाइज कर लो जो लिमिटेड टाइम मिला। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में आपने ये सब, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में कोई आपको ये नहीं कहेगा कि हाइड्रोजन बम बना के दिखाओ या बम बना के दिखाओ न्यूक्लियर फिजन का, वो तो कोई नहीं कह रहा, बट आपको कुछ चीज़ें तो मालूम होनी चाहिए ना। तो वो जो न्यूक्लियर फिजिक्स की एक किताब भी ली मान लो हमने तयाल के लिए या जो रॉय निगम की ली, और फिर उसकी जो बातें हैं उनका जो सारांश है वो सारांश रिवाइज करने के बाद मैं न्यूक्लियर फिजिक्स को, थर्मोडायनामिक्स कहते हैं लोग और क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन लिख नहीं पाते, वो कहते हैं लिखो, हम थर्मोडायनामिक्स सुनने में तो सरल लगती है, जैसे टेम्परेचर का नहीं जवाब दे पाए थे ना, नहीं थर्मोडायनामिक्स का ही तो क्वेश्चन है, कोई ये कोई क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे हैं वो कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर थर्मोडायनामिक्स मैंने कहा है तो मुझे जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, इनके बारे में पोटेंशियल, थर्मोडायनामिक्स, इक्वेशन, क्लॉसियस क्लैपेरॉन, जो जो भी चीज़ें हैं उसका एक अच्छा अपनी तरफ से प्रिपरेशन तो कर लूँ। चाहे वो मैंने एक किताब उठाई कि साहब मैं इससे बियॉन्ड नहीं जाऊँगा, खंडेलवाल लोकनाथन की थर्मोडायनामिक्स ली, वो खंडेलवाल लोकनाथन की थर्मोडायनामिक्स में जो बातें लिखी हुई है कम से कम वो तो मेरी कमांड पर हो। उसके बाद में इंटरनेट पर सर्च करके अगर मुझे कुछ लिंक मिल रहा हो, अभी तो गूगल में आपको आसानी है, अगर आपको सोचना हो भाई लोवेस्ट साइज का न्यूक्लियर बम कौन सा बन सकता है, क्रिटिकल मास कितना है, तो तुरंत तो आपको गूगल बता देता है। तो आपने खुद ने क्वेश्चन पूछा कि क्रिटिकल मास कितना होता है, क्या होता है, सब जवाब गूगल में आप सर्च करते जाओ, गूगल से पूरी कोचिंग ले सकते हैं, उसने सब चीज़ें अपने में समाहित सिस्टमेटिक ढंग से कर रखी है, मशीन है वो पर उसे समाहित कर रखी है सभी चीज़ें। तो आपके दिमाग में प्रश्न आते जाए, तो आपने कहा कि सर थर्मोडायनामिक्स, तो पहले लिस्ट बनाई, थर्मोडायनामिक्स की किताब उठाई, थर्मोडायनामिक्स में चूज करूँगा, क्वांटिटीज़ को लिखते गए, पता चला 50 फिजिकल क्वांटिटीज आती है थर्मोडायनामिक्स, फ्री एनर्जी भी है, गिब्स फ्री एनर्जी भी है, एंथैल्पी भी है। अब थर्मोडायनामिक्स बोल दिया, उसने एंथैल्पी बोला आपको भूल ही गए, क्योंकि एंथैल्पी कोई रोज काम में आने वाली थी नहीं, फिजिक्स ऐसी तो है नहीं कि रोज काम में आती है, एंथैल्पी के आप जवाब नहीं दे पाएंगे। पर अगर आपने थर्मोडायनामिक्स चूज किया है तो आपने क्वांटिटी की लिस्ट बनाई, फिर हर एक का आपको मीनिंग पता है कि नहीं पता है, टिप्स पे है कि नहीं है वो आपने बताया, अगर उनको मेजरमेंट करते हैं तो कैसे कर सकते हैं वो आपको कुछ आइडिया, वो आपने कह लिया कि भाई थर्मोडायनामिक्स में अब मेरी तैयारी पूरी। खाली कोई बने बनाए जो किताबों के नोट्स जैसे मिलते हैं ना, इनसे इंटरव्यू नहीं होता है, क्योंकि ये सिस्टमेटिक्स नहीं होती, ये तो जो उनको लिखना है उन्होंने लिख दिया, वो तो दूसरा भी जानता है। आपको अपना एफर्ट करना पड़ेगा कि मेरा ज्ञान जो मेरे दिमाग में फिट हो जाए, जिसको मैं अप्रोप्रिएटली रिप्रोड्यूस कर पाऊँ। तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का भी क्वेश्चन बता देता हूँ, मैंने क्वेश्चन पूछा था, जवाब नहीं दे पाए प्रोफेसर के इंटरव्यू में, कि रेजिस्टेंस आर जो आप फार्मूला लिखते हैं रो एल बाई ए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कॉपर का आपको दे रखा है, ठीक है ना, एक कॉपर का तार मैंने आपको दिया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बता दिया आपको, वैसे आपको आइडिया होना चाहिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कॉपर का कितना होता है, ग्रेफाइट का कितना होता है, इंसुलेटर का कितना होता है, ये आइडिया भी लोगों को नहीं होता जबकि होना चाहिए। ये आइडिया आपको है तो रो एल बाई ए से जो फार्मूला होता है उससे आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपने पढ़ रखा है स्कूलों में, ओम्स लॉ भी पढ़ रखा है, वी इक्वल टू आई आर, और ये भी पढ़ रखा है आर इक्वल टू रो एल बाई, ये एक तार का कर सकते हैं, लेकिन एक 5 रुपए का सिक्का है, एक बीच में छेद किया यहाँ मैंने तार जोड़ा और एक परिधि पे, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, क्या ये रो एल बाई ऐसे निकलेगा, तो ये भी बीएससी के कोर्स में हमने रख रखा है, लेकिन कोई पढ़ता नहीं ध्यान से,
ये उस फॉर्मूले से तो नहीं निकलेगा। एक सिलेंड्रिकल वायर होता तो आप इजीली निकाल लेते हैं, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप करूँ क्या? इसको पता चल गया कि भाई इसको आता है, सतही आता है कि वी इक्वल टू आई आर आता है, इसको आर इक्वल टू रो एल बाई ए आता है क्योंकि आपने बोल दिया है, बट उसके आगे आप समझते नहीं कि रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट। तो क्योंकि एक है ओम्स लॉ और दूसरा कौन सा लॉ है? ओम्स लॉ से जुड़ा हुआ ही। एक ओम्स लॉ लिख दिया और कोई कहे फिर एक और लिखो, ओम्स लॉ तो जानते हैं ना, जो मैंने अभी बोला वी इक्वल टू आई आर, और फिर कोई कहे कि दूसरा ओम्स लॉ और लिखो, हाँ उसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक ओम्स। तो ये माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ से ये डिस्क वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये बर्कले फिजिक्स कोर्स में 12th के 12th सेकेंड ईयर बीएससी के करिकुलम में ये कैसे निकाल सकते हैं। अगर आप जे इक्वल टू सिग्मा ही आप जानते हैं तो ये निकालना भी सीख सकते हैं, ठीक है ना। बट ये रिकलेक्ट आप नहीं करते हैं तो आपके दिमाग में तो एक ही, वो जो स्कूल वाली है, क्योंकि स्कूल का तो ओम्स लॉ एक ही है वी इक्वल टू आई आर, वो तो चिताबे भी नहीं भूलेंगे आप, ध्यान में रखें। कुछ भी कर लें आप, जब तक आदमी पागल नहीं हो जाए फिजिक्स में, अगर कोई पढ़ लिया है तो एफ इक्वल टू एम ए वी इक्वल टू आई आर, ये तो मरते दम तक बच्चे का नाम भूल जाए, हो सकता है याददाश्त भी कम हो जाए, अल्जाइमर हो जाए, लेकिन ये नहीं भूलेगा क्योंकि ये इस ढंग से पढ़ाए गए, इस ढंग से आपके दिमाग में भक्ति भाव से बिठाए गए हैं कि ये आप नहीं भूल सकते। लेकिन माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ आपको पता था, कईयों को पता था, कईयों को पता ही नहीं था। तो अगर हमने पहले से ही प्रिपरेशन कर ली है कि इलेक्ट्रिसिटी के कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है, किताब को उठा के देख लिया है वो इस किताब में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या लिखे हुई हैं, तो उनमें सरसरी तौर पर ही तो अपना क्वेश्चन आंसर के हिसाब से ही तो नॉलेज बढ़ाना है, डेरिवेशन तो करना नहीं है। मैंने ये तो कहा नहीं अभी इसको पूरा निकाल के देखो, आप ये भी कह देते हैं कि इससे निकाला जा सकता है, इट विल बी ए लेंथी एक्सरसाइज, तो आप वहाँ पर वो कह नहीं सकता कि आप यहीं करके ही दिखा, करके निकालना आपको आता है तो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा नहीं है ये। अगर आप घर पर जाके करके सीख सकते हैं तो अच्छा है, नहीं भी सीख सकते हो तो ये भी बता दिया कि ये प्रॉब्लम आर इक्वल टू रो एल बाई ए से सॉल्व नहीं होगी, ये प्रॉब्लम जे इक्वल टू सिग्मा ई इसके एप्लीकेशन से सॉल्व होगी, ठीक है ना। तो ये गहराई से तो सही जवाब दिया आपने, दोनों क्वेश्चन पूछा। तो 10-12 टॉपिक आप करें कम से कम, टॉपिक का मेरा मतलब है इतने ही गहराई से करें, क्योंकि जिसमें आप उसको ले जा रहे हैं उसमें फिर आपके पास बहानेबाजी नहीं चल सकती कि साहब इसमें भी मैं तो वी इक्वल टू आई आर तक ही जवाब दूंगा, आगे तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि फिर आपने ही तो ले, आपने ही तो सेलेक्ट किया, आपने ही कहा है, तो आपका ही स्टेटमेंट है अगर फिर उसमें जाए। वो दो तरह के ही इंटरव्यूअर पे टीचर होते हैं, एक कराते हैं टॉप डाउन और एक बॉटम अप। एक तो ऐसा जो पहले टफ क्वेश्चन से शुरुआत करता है और फिर धीरे धीरे देखता जाता है कि ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, तो नीचे 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 क्वेश्चन का लेवल कर देता है और फिर कहाँ पर आपको आता है मालूम कर लेता है। टफ से शुरुआत करके नीचे जाना, नेक्स्ट क्वेश्चन को और ईजी बनाना, उस क्वेश्चन को और ईजी बनाना, और फिर आपका लेवल देख लेना कि आपका लेवल क्या है। दूसरा होता है बॉटम अप, जो पहले इजी क्वेश्चन से चलता है, फिर आप फूल जाते हैं, फिर वो लेवल टफ बढ़ाता जाता है और फिर देख लेता है कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। तो उसने कहा ठीक है ये कहाँ पहुँच पाया, वी इक्वल टू आई आर, जे इक्वल टू सिग्मा ई पे, ये गायब हो गया। मालूम सबको लेवल ही करना है, मैं क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स से जे इक्वल टू सिग्मा ई पे आऊँ और मैं वी इक्वल टू आई आर से जे इक्वल टू सिग्मा ई पे, और मैंने मालूम बोला जे इक्वल टू सिग्मा ही तक आप जानते हो ना, तो आप क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स जानते हैं, क्योंकि जे इक्वल टू सिग्मा ही नहीं आ रहा है तो मैं आपको क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स पूछता हूँ तो वो मूर्खता ही है। मैं नहीं जानता हूँ कि ऐसे मूर्खता वाले क्वेश्चन इंटरव्यू बोर्ड वाले पूछेंगे, क्योंकि वो कोई रटा रटाए क्वेश्चन लेके नहीं आते, क्वेश्चन वहीं बनाते हैं। आप भी किसी दिन में कुछ दिनों बाद इंटरव्यू लेने की कैपेसिटी में हो जाएंगे तो आप वहीं पर क्वेश्चन बनाया जाता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि क्वेश्चन जो है वो पहले से लिस्ट बनी हुई है, ना कोई पकड़ा सकता है, ये रेट के पेपर की तरह भी नहीं है भैया बता दिए कि 2000 क्वेश्चन है इसी में से आएंगे, ऐसे कोई 2000 क्वेश्चन मिल भी रहे हो मुझे नहीं पता, राजस्थान सरकार है कमाल कुछ भी दिखा सकती है दे दिए साहब इन 2000 में से पूछना है बच्चों को फिजिक्स के वाले, बट फिजिक्स में नहीं करेंगे वो, क्योंकि फिजिक्स में इतनी डिमांड नहीं है, इतनी कोई कमाई नहीं है, ये 20 करोड़ 200 करोड़ रुपये से इनकम नहीं हो सकती। 20-22 कितने सेलेक्ट करने, हाँ तो 36 से कोई 36 करोड़ रुपए सरकार को कमाई हो जाए ऐसी संभावना मुझे लगती नहीं, करोड़ रुपए खर्च करने को लोग तैयार हों,
नौकरी के लिए, फिजिक्स का लेक्चरर बनने के लिए, तो इसलिए ये मार्केट उनके हिसाब से वायबल मार्केट नहीं है, वायबल मार्केट नहीं है, तो वो कोशिश नहीं करेंगे ऐसे, ईमानदारी से होगा ये मान के चले फिजिक्स का, क्योंकि यहाँ बेईमानी चल नहीं सकती है, नहीं सब्जेक्ट में बेईमानी चलती है, तो पकड़ में बहुत जल्दी आ जाती है कि हाँ न्यूटन जैसे बेईमान हुए पकड़ में आ गए आइंस्टीन के, आइंस्टीन ने बेईमानी की अब के लोगों ने पकड़ ली, यहाँ तो बड़े बड़े जो जिनको दुनिया सलाम करती है उन सब की बेईमानियाँ पकड़ में कालांतर में आ चुकी है, यही फिजिक्स की विशेषता है। बाकी में ऐसा नहीं, कभी आपने नहीं कहा होगा कि महात्मा बुद्ध की कमजोरी किसी आगे आने वाले बौद्ध दार्शनिक ने पकड़ ली, वहाँ तो उल्टा ट्रेंड चलता है, महात्मा बुद्ध हुए उसके बाद बुद्ध जैसा कोई नहीं हुआ, भगवान महावीर स्वामी हुए उसके बाद भगवान महावीर स्वामी जैसा कोई नहीं हुआ, और इसी तरह से कृष्ण हुए और कृष्ण के बाद गीता कहने वाला कोई नहीं हुआ, फिजिक्स ही ऐसा है जिसमें कि कृष्ण के बाद भी है, यानी आइंस्टीन के बाद भी है, न्यूटन के बाद भी है, हमेशा ही चलता रहता है, और कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं अंतिम अवतार हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मेरे बाद अब कोई भी ज्ञान आएगा नहीं, ऐसा यहाँ पर नहीं होगा, यही विशेषता है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं, तो ये भी एक ध्यान में रखें कि आपको फिजिक्स क्यों पसंद है, क्यों बनना चाहते हो, फिजिक्स में क्या, फिजिक्स सब्जेक्ट में क्या है, ये जनरल जो लोग होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसका रोचक जवाब आप बना के ले दें। अब मेरे जैसा यही वाला जवाब भी दे दिया तो नेगेटिव भी जा सकता है, वो कृष्ण का भक्त और आपने कह दिया कि कृष्ण के बाद कोई नहीं लगा, इसने कृष्ण की इंसल्ट कर दी, आइंस्टीन से कृष्ण को कंपेयर कैसे कर दिया, बौद्ध से कृष्ण को कंपेयर कैसे कर दिया, उसकी मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन आप एक इंटरेस्टिंग जवाब दे सकते हैं और बना सकते हैं, और वो जवाब ही इतना माहिर हो आपका खुद का अपना अलग अलग कि आप फिजिक्स के लेक्चरर क्यों बनना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर दो, आपको फिजिक्स क्यों पसंद है। क्वेश्चन नंबर तीन, आपको कौन सा फिजिक्स सबसे अधिक पसंद है और क्या विशेषता उसकी योगदान है, आपके हिसाब से महानतम भौतिक वैज्ञानिक कौन है। अभी तो मैंने इसको कहा था कि 10 महिलाओं के नाम पर, मैं महानतम कौन है, आप किसको महान मानते हो, आप न्यूटन को मानते हो, आइंस्टीन के मानते हो, या मेरे को मानते हो, या किसी और को मानते हो, किसको महानतम मानते हो आप और क्यों मानते हो। मान लो उसने पूछ लिया तो आगे यही क्वेश्चन पूछेगा, क्यों भाई न्यूटन ने ऐसा क्या कर दिया, आइंस्टीन ने ऐसा क्या कर दिया, अरे का जो होता है एक तरीका, तो अलग अलग चीज़ें। आज के कंटेम्प्रेरी कौन है, तो कई बार ये पता नहीं होता है कि कंटेम्प्रेरी जो टॉप फिजिसिस्ट है कौन है, कौन से फिजिक्स के बेस्ट एक्सपेरिमेंट हैं, तो ये सब जानकारियाँ गूगल पर हैं, टॉप 10 फिजिसिस्ट गूगल में डालिए बता देगा वो, मोदी जी से और इमरान खान से पूछ के नहीं लिखते हैं, जो टॉप 10 फिजिसिस्ट डिफरेंट सर्वेज में आते हैं वही लिखते हैं, ठीक है। इंडियन में, इंडिया में कौन सी टॉप मोस्ट महिला फिजिसिस्ट हुई है, गूगल आपको बता देगा, महिला फिजिसिस्ट फ्रॉम इंडिया, कितने किसी को नोबेल प्राइज तो इंडिया में महिला को नहीं मिला, नहीं फिजिक्स में महिला को नोबेल प्राइज तो नहीं मिला, पुरुषों को तो मिला है, किन किन को मिला है वो सब आपके टिप्स पर होने चाहिए कि किन किन को फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है जो भारत के कम से कम, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट हो गए, हर एक के बारे में आप जान नहीं सकते, लेकिन पिछले 2-3 साल के तो मालूम कर लो, और अभी यहाँ पर आप जो हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आपका एक जवाब होना चाहिए, और कई बार जवाब जो है भावना में देते हैं। मैंने अपने स्टूडेंट से भी पूछा तो वो बताते हैं सब कौन सा आपको मोटिवेट करता है, तो APJ अब्दुल कलाम को फिजिसिस्ट बताते हैं लोग, जबकि उनका फिजिक्स से कोई लेना देना है, और आपको पसंद है, राष्ट्रपति रहे, आपको उनकी शक्ल अच्छी लगती है, उनकी बातें अच्छी लगती है, तो आप कह सकते हो, बट कहने के बाद आप फंस जाओगे, क्योंकि जो जानता है फिजिक्स को वो जानता है कि APJ अब्दुल कलाम वाज नाइदर ए फिजिसिस्ट नोर ए साइंटिस्ट, ही वाज नॉट ए साइंटिस्ट, ही वाज ए टेक्नोलॉजिस्ट, मिसाइल टेक्नोलॉजी, साइंटिस्ट नहीं थे। साइंटिस्ट अलग चीज होती है, टेक्नोलॉजी अलग होती है, इंजीनियरिंग अलग होती है, मैथमेटिक्स अलग होती है, पर अब जिस आम आदमी को नहीं है, नेताजी को पूछेंगे तो वो तो क्या कहेंगे, महान वैज्ञानिक थे, महान वैज्ञानिक तो कैसे कह सकते हैं, क्योंकि विज्ञान में तो उनका कोई भी आपने पढ़ा, APJ अब्दुल कलाम इक्वेशन, APJ अब्दुल कलाम इंटरप्रिटेशन, APJ अब्दुल कलाम ने कोई खोज की हो, कोई क्वांटिटी डिफाइन की हो, कोई नया एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल कोई भी आइडिया या कंसेप्ट कंट्रीब्यूट किया हो तो नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं, तो कहाँ से करेंगे, मतलब संभावना ही नहीं है उसकी, तो कौन है, तो क्या है कि नाम क्योंकि पॉपुलरिटी में आ रहा है तो लोगों को जवाब दे रहा है, तो फिजिक्स में
मैं अगर इंटरव्यू बोर्ड में बैठा हुआ हूँ और जिसने भी एपीजे अब्दुल कलाम का नाम दिया तो मैं समझ जाऊँगा इसको फिजिक्स का एबीसी नहीं आता, ये समझता ही नहीं है फिजिक्स क्या, इसको लेने से क्या फ़ायदा। और बच्चे भी कन्फ्यूज़ होंगे जब आपको फिजिक्स के बारे में ही नहीं पता है कि फिजिक्स का डोमेन क्या है, फिजिक्स में किसने कंट्रीब्यूशन किया है या कैसे कौन कंट्रीब्यूट कर सकता है। अरे तो करने की भी तो क्षमता नहीं थी ना उनमें कि भाई उस फील्ड का नॉलेज जब तक आप नहीं रखते हो तब तक आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। और जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो टेक्नोलॉजी मिसाइल की होती है, वो मिसाइल टेक्नोलॉजी तो न्यूटोनियन इक्वेशन से भी सॉल्व हो जाती है, उसमें क्वांटम मैकेनिक्स के नॉलेज की जरूरत भी नहीं पड़ती जो मिसाइल्स उन्होंने बनाए, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी मिसाइल नहीं बनाई जो यहाँ से और रोजेटा पर या किसी मेट्रोइड पर उतर सके, वो बनाते तो उनको और चीज़ों की जरूरत नहीं। ये अलग चीज़ है कि मैंने हमारे यहाँ भी लेक्चर में बताया कि मिसाइल जो है वो भी न्यूटोनियन थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन से आज के समय में नहीं काम समझाई जा सकती, क्योंकि अब जो मिसाइल्स लॉन्च होती हैं उनमें और आपके मोबाइल फ़ोन में एक सिस्टम होता है और वो सिस्टम जो है वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर बेस्ड है, जो आपने नहीं पढ़ा। कौन सा ऐसा सिस्टम है? GPS। GPS इज बेस्ड ऑन GTR। और मिसाइल अब जो लॉन्च होती है तो GPS से गाइडेड होती है। पुराना ज़माना नहीं है कि मिसाइल फेंक दी, जहाँ गिरेगी गिरेगी, कहीं ना कहीं तो गिरेगी, पाकिस्तान में ही गिरेगी तो कोई ना कोई तो तबाह होगा ही, ऐसा सोच के पहले छोड़ देते थे ठीक है ना मिसाइल का। बट अब मिसाइल जो है गाइडेड मिसाइल होती है, एंड यू कैन द GPS विल नॉट वर्क इफ़ यू डोंट नो द GTR एंड GTR करेक्शन ऑन द ग्रेविटेशन। यानी GPS इटसेल्फ इज अ प्रूफ दैट द न्यूटन्स आंसर टू द फ्री फॉल ऑफ एन एप्पल वॉज रॉन्ग। न्यूटन ने जो भी एप्पल की कहानी सुनाई आपको, लोगों ने कहा कि बढ़िया होगी, फिर राजस्थान में एक मंत्री थे हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय में, उन्होंने कहा कि देखिए हमारे ऋषियों ने पहले ही बता दी थी कि गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने नहीं की, हमारे फलाना फलाना ऋषि ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण की खोज कर दी। उसके बाद अखबार वालों ने मेरे से पूछा कि मंत्री जी कह रहे हैं सही है कि, मैंने कहा मैं मंत्री जी कह रहे हैं उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मंत्री जी हैं, कोई भी कानून बना सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, बट मुझे इतना मालूम है केवल कि न्यूटन ने जो थ्योरी दी थी वो गलत थी। तो अगर आपके वो ऋषि थे तो वो ऋषि भी गलत थे। हमारे क्या जो चीज़ बिक जाए वो बिक जाए, आप कह रहे हमारे हमारे उस फलाना व्यक्ति ने, उस ऋषि ने उस साल में बता दिया था कि ऐसे होता है, वो नहीं होता है। एक से एक ऐसे पार्टिसिपेंट थी, इस्लामिक थी, वो एक रिफ्रेशर कोर्स में थी, उन्होंने बहस की कि हमारे इसमें ये लिखा हुआ है। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको मान लेता हूँ कि आपके धर्म की किताबों में सारा ज्ञान लिखा हुआ है, आपके वेदों में सारा ज्ञान है, कुरान में है, बाइबल में है, सब कुछ बता रखा है कि ब्रह्मांड कैसे चलता है, ब्रह्मांड का क्या होगा, ब्रह्मांड खत्म होगा कि नहीं होगा। तो हमारे यहाँ पर तो लिस्टेड क्वेश्चन है, अनआंसर्ड क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स, इनका जवाब आप इन किताबों से निकाल के बता दीजिए कि डार्क एनर्जी क्या है, हबल एक्सपांशन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कितनी डार्क एनर्जी है, डार्क एनर्जी का स्वरूप क्या है, हिग्स बोसोन क्या है, तो उसका फील्ड क्या है, उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, ये सब वेदों से निकाल के बता। जब कोई खोज हो जाती है फिर आप कहते हो देखो ये लाइन लिखी है ना, इसका मतलब ये है, यही है जो न्यूटन ने कहा ना कि एप्पल गिरता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, देखो हमारे ऋषि जी भी कह रहे हैं, अरे चीज़ तो पहले से ही गिर रही है, ऋषि ने क्या कहा, उसको ऋषि को डिफरेंशियल कैलकुलस आती थी क्या? न्यूटन के इस स्टेटमेंट का मतलब नहीं है, फोर्स की डेफिनेशन है बाद में, ये न्यूटन के इस स्टेटमेंट से कुछ नहीं होता है, आगे की कोई फिजिक्स नहीं चलती है। अगर उसने फ्लक्सियोन जिसको कैलकुलस कहते हैं वो विकसित नहीं की होती, जो लैम्बिज ने इंडिपेंडेंट की थी, बट लैम्बिज और न्यूटन की डिफरेंशियल कैलकुलस आप नहीं समझेंगे तो क्लासिकल न्यूटोनियन मैकेनिक्स को भी नहीं समझ सकते। तो क्या आपके वेदों में लिखी हुई है, क्या वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखी हुई है, क्या वो डिमोर्स थ्योरम आपके उसमें है, डिमोर्गन्स थ्योरम है, मैथमेटिक्स में जितनी भी थ्योरम पढ़ी है आपने कभी वेद में आपने देखी कि थ्योरम ऐसी लिखी हुई, थ्योरम नोट कीजिए हमारे ऋषियों ने ज्ञान से पता किया है कि ये होगा। तो हमारे ऋषियों ने क्या बताया कि एक थ्री डायमेंशनल स्फीयर का वॉल्यूम मान लो 4π/3R³ होता है, तो एक फोर डायमेंशनल स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, एक फाइव डायमेंशनल स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, ये वेद में देख के बताओ, ये कुरान में देख के बताओ, फिजिक्स में ये है जानकारी है, वेब पे मिल जाएगी आपको, नोट करो, फोर डायमेंशनल स्फीयर का वॉल्यूम, थ्री डायमेंशनल स्फीयर तो आप जानते हैं, और फोर डायमेंशनल जैसे स्पेस टाइम कहा ना, एक फोर डायमेंशनल स्फीयर हो, इक्वेशन बहुत ईजी है, चार चीज कोई भी लिख दो, a² + b² + c² + d² इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ABCD चारों डायमेंशन हो, जैसे ये लिखते हैं ना x² + y² + z², ये स्फीयर हुआ,
यहाँ पर मुझे कुछ एक बार और जोड़ दो, चलो टी स्क्वायर जोड़ दो, ये भी एक फोर डायमेंशनल स्फीयर है। यहाँ टाइम मैंने रियली लिया है एक्चुअली, जो भी है ये फोर डायमेंशनल स्फीयर है, इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम तो डिफाइंड है, गूगल पर सब है, क्योंकि हम जानते हैं, हमने मैथमेटिक्स में 5, 6, 7, 8, 9, n और तब तक को लोगों ने कंसीव किया है। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है हिल्बर्ट स्पेस विच इज़ इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस, उसके बाद भी हम उसको करना जानते हैं, तो वो किसी में है नहीं। लेकिन कह रहे हैं कि भी आपका भी विश्वास अगर लाएंगे, भक्ति लाएंगे, कहीं पर मानने लगेंगे, तो आपको भी यही लगेगा कि हाँ साहब सही है, भारतीय ऋषि मुनि जो हैं वो पहले ही सब जानते थे, वो तो थोड़ा सा कमी रह गई होगी, नहीं तो यहाँ से योग करते हैं और छलांग लगा करके चंद्रमा पे तो पहुँच ही जाते हैं। योग से राइज तो कर सकते हैं ऐसा वो बताते हैं, बस कमी थोड़ी क्यों रह गई कि क्यों इतना राइज नहीं कर पाते हैं कि चंद्रमा तक पहुँच जाए। क्या आदमी कैसे योगा से चंद्रमा तक पहुँच सकता है? आप गणित जानते हो, उससे आपको पता चला क्यों नहीं पहुँच सकता। तो आपको मालूम है क्या स्पीड चाहिए, प्रोजेक्शन कितने फ्यूल निकलना चाहिए नीचे की तरफ कि आदमी रॉकेट की तरफ आदमी ऊपर हो जाए, इतना कैसे फुल लगाए, कितना आदमी लगा सकता है, ये सब भी गूगल पे दे रखा है। अगर हम कुछ भी कोशिश कर ले किसी पर भी फोर्स लगाने की, तो कितना हम कर सकते हैं और उस फोर्स के आधार पर हम कितना इम्पल्स ऊपर जनरेट कर सकते हैं और कितना इम्पल्स चंद्रमा तक पहुँचने के लिए रॉकेट को चाहिए होता है, रॉकेट तो जाता ही है ना, और क्या उतना इम्पल्स कभी भी आदमी कर पाएगा? तो आदमी कुछ भी कर ले, आज के साइंस भी कुछ भी प्रोग्रेस कर ले, आदमी जिसको कहते हैं हम आज की तारीख में जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, बॉडी है, वो चंद्रमा पर आसन लगा करके या कुछ भी करके, कुछ भी खा ले, कुछ भी पी ले, कुछ भी उसको पहना भी दो, तो सीधे ऊपर नहीं उठ पाएगा, क्योंकि उसके पहले ही जब रास्ते में जाएगा उसकी सारी चमड़ी कहाँ पर जल जाएगी, कितनी हाइट पर क्या हो जाएगा, ये सब फिजिक्स को नॉन है। इसीलिए हमें मालूम है कि एक स्पेशल रॉकेट बनाना पड़ता है, उसकी दीवारें अलग होती हैं, अंदर आदमी को भी बिठाना होता है, तो कितने सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, वो सारे मैकेनिज्म्स हमें करने पड़ते हैं ताकि वो आदमी जीवित रहे। और आपको मान लो लगा भी दिया, अगर सीधे आपके नीचे इंजन फिट किया और आपको बिठा दिया, आप पालथी लगाइए, इंजन नीचे फिट करते हैं, थोड़ी दूर ऊपर गए, पता चला आप स्वर्ग में पहुँच गए सीधे, चंद्रमा तो आया ही नहीं। ये साइंटिफिक आंसर है, यू कैन गिव आंसर्स। सो मैंने खाली ये मजाक के तौर पर भी किया, मनोरंजन भी हो जाए आपका, और मैंने उसी तरह के क्वेश्चंस बताए, बट आप अपनी प्रिपरेशन गंभीरता से कीजिए, एक भी दिन एक भी घंटा बर्बाद मत कीजिए, जितने भी घंटे आपके पास हैं, वो ये मान के चलिए कि आप खुद ही अपना इंटरव्यू ले रहे हैं और क्या पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं, और अगर उसका जवाब आपको नहीं मालूम है तो सीधे गूगल से जवाब ढूंढना है। अब मेरे ज़माने की बात गई, अब किताबें ही एक तरीका था कि नहीं मालूम है तो लाइब्रेरी जाओ, किताब ढूंढो, किताब मिली नहीं रही है, क्लासिकल डॉक्टर हना मिक्स बाई जैक्सन किसी ने कहीं और जगह पर रख दी है, बड़ी दिक्कत है। आज तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, क्वेश्चन बनाओ गूगल को, पूछो, गूगल आपकी मदद करेगा। तो सूर्य नमस्कार करने के बजाय गूगल नमस्कार पहले पूरा कर लें, जितना गूगल को आप नमस्कार करेंगे उतना इंटरव्यू आपका अच्छा होगा, ये मैं मानता हूँ। गूगल को खुश करें, गूगल कब खुश होता है? एकादशी के व्रत रखने से नहीं, गूगल खुश होता है जितना ज़्यादा आप उसके थ्रू स्टडी करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे, कोशिश करेंगे। तो साइंस ने एक बहुत अच्छा मीडियम दिया है, तो गूगल देवता प्रसन्न होंगे कि इसने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मेरे जरिए हासिल की है, और वो आपको आशीर्वाद देंगे, वो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, कहीं अटक ही गए हों, तो इनसे के थ्रू मेरे को, वंदना के थ्रू आप भेज सकते हैं, मैं क्वेश्चन के जवाब भी दे सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो, मेरे हिसाब से जो लिंक होगा, जो मेरी जानकारी में होगा, या जो भी मुझे भी सर्च करके मिल सकता होगा, सही डायरेक्शन से सही सोर्स मिल सकता होगा, तो इनके ज़रिए आप पूछें, या तो यही खुद समाधान कर देंगे, नहीं भी होगा तो मैं तैयार हूँ। लेकिन कोशिश से इतनी करें कि इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा, तब तो सेलिब्रेशन होगा ही, और आप देंगे ही आइसक्रीम को, इन कोई आयोजन में रखेंगे, मुझे भी ज़रूर बुलाएं, और क्योंकि आइसक्रीम बहुत अच्छी चीज़ है खाने के हिसाब से भी। और दूसरा ये है कि अगर सेलिब्रेशन नहीं भी हो सिलेक्शन, तो भी आपको इतना विश्वास, आपका विश्वास नहीं डगमगाए कि गलती उन्हीं से हुई है, आपसे नहीं हुई है, आरपीएससी ही दोषी है।
जिम्मेदार है, ये आपके मन में विश्वास पूरा रहना चाहिए कि आपको सेलेक्ट नहीं करके आरपीएससी ने भारत का और राजस्थान का भविष्य अच्छा करने का स्वर्णिम मौका खो दिया है। हो सकता है उसके बाद आपको यूपी में सिलेक्शन हो जाए, किसी का एमपी में हो जाए, हमारे कुछ बच्चे यूपी एमपी में भी सिलेक्ट हो जाते हैं राजस्थान के, वहाँ मौका मिल जाए। एक लड़का था एमएससी का, मैं जानता हूँ, वो शायद एमपी में पढ़ा रहा है, कोई एक है वो यूपी में पढ़ा रहा है, कई लोग दिल्ली में पढ़ा रहे हैं जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में जो मेरे समय में स्टूडेंट थे। ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि आरपीएससी कोई अंतिम तो है नहीं, तू नहीं तो और सही, जैसे ये इसने फार्मूला अपना रखा, अभी तो आई लव यू किसी ने कहा नहीं, इसका मतलब थोड़ी है कि फार्मूला बंद है। अभी और मौके आएंगे, और आरपीएससी आएंगी, और अफसर आएंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आपको मौका देगा, और अगर आप सही हैं तो आप मौका जब मिलेगा तब जस्टिफाई भी। शुभकामनाएं, और कोई भी प्रश्न हो इनके जरिए भेजें, अभी पूछना हो अभी भी पूछ सकते हैं। जैसे टेम्परेचर के बारे में कुछ पूछ लिया, और फिर आपने साथ थोड़ा सा फ्लेवर लगा के बोल दिया कि आईएएस टेम्परेचर इतना प्रोड्यूस हुआ लोएस्ट इतना, तो फिर इससे मतलब इंटरव्यूअर्स के ऊपर ऐसा मैसेज नहीं जाएगा कि अपन ओवर कॉन्फिडेंस हो कर रहे हैं? नहीं नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस का मैसेज नहीं जाता है, क्योंकि वो पसंद करता है कि आपने एडिशन में कोई चीज़ को जानकारी दी है तो वो उसमें क्वेश्चन पूछेगा। ये क्वेश्चन में ट्रैप करना है कि जो मैंने आपको कहा था कि उसको अपने कंफर्ट जोन में रखना है। तो आपने जैसे ही पूछा, क्योंकि वो कोई आपसे दुश्मनी नहीं निकालनी, उसको जो आपको आपसे उसका कंपटीशन नहीं, तो वो ये सोचे भाई कॉम्प्लेक्स कब होता है, इन्फिनिटी जब होती है तब आपको सामने वाले को सोचता है कि ये सुपीरियर कैसे, ठीक है ना। तो जब मेरे में इन्फिनिटी होती है, मैं छोटा पार्षद का चुनाव नहीं जीत पाऊँ तो मुझे मोदी जी को देख के नफरत होती है, अरे मैं ये तो सारा देश का प्रधानमंत्री बन गया और मैं यहाँ पार्षद भी नहीं बन पा रहा हूँ, तो उसमें होता है। उसको तो ऐसा है नहीं, आपसे कंपटीशन तो करना नहीं, बट वो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या पूछेगा कि ये हाईएस्ट टेम्परेचर अटेंड कैसे होता है, किस एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें आपकी तैयारी, आपने अपने डोमेन में ले गए, हिंट किसने दिया वो, अदरवाइज तो वो क्वेश्चन नहीं पूछने वाला था, ये लोवेस्ट कैसे होगा, फिर उसमें से भी आपका आंसर पहले से प्रिपेयर्ड है, जब आपने पहले से तैयारी कर रखी है ना तो प्रिपेयर्ड है कि ये है। तो आपको मालूम है कि मैं पहली गेंद को मैदान पर अगर मारूंगा तो उसके बाद वो मेरे को लेग ब्रेक डालेगा, और उसके बाद मैं उसको कवर पे फेंकूंगा, और उसके बाद वो और चिड़ जाएगा और सीधा मेरे को बाउंसर डालेगा और उसको मैं थर्ड मैन पर उछाल दूंगा। तो ये स्ट्रेटेजी हुई ना, जो खिलाड़ी भी खेलता है तो पूरा ऐसे ही ढंग से खेलता है, उसको मालूम होता है कि सामने वाला बॉलिंग करने वाले की साइकोलॉजी क्या है, तो पर इस तरह से मैं गेंदों को मारूं कि वो जैसा मैं चाहता हूं, मैं जो एंटिसिपेट करता हूं कि वो ऐसी गेंद इसके बाद डालेगा वही वो डाले, तो वो वही क्वेश्चन पूछे जो आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि ये हाईएस्ट टेम्परेचर बताइए, एलएससी क्या होती है। हम आपने एलएससी का थोड़ा पढ़ रखा है, आप एलएससी में ले आए, अपने कंफर्ट जोन में ले आए, वो कोई एलएससी का साइंटिस्ट हो ये तो जरूरी नहीं है, बट क्योंकि आपने पढ़ रखा है तो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि मैंने बताया उसके पास लिस्ट नहीं है, कभी भी आप पूछ लेना कहीं भी किसी भी इंटरव्यू में जाकर के, कोई लिस्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं है, आप जो जवाब देते हैं उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, और जब आप कोई जवाब नहीं देते हैं तो उसको बेचारे को कहीं ना कहीं से भी वो भी हाथ पैर मार के कहीं से, कभी इलेक्ट्रिसिटी से, कभी थर्मोडायनामिक्स से, कहीं से भी क्वेश्चन उठाएगा वो। तो ये गाइडेड है, गाइडेड मिसाइल जो कह रहे हैं ना, जहाँ गिरानी है उसको ट्रैप में लेना है, जो आपका कंफर्ट जोन है उससे वो बाहर निकल ही नहीं पाए। पहला क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन आपको पता हो कि ये चार में से बन सकता है, इसके बाद ये बन सकते हैं क्वेश्चन, और वो उसमें आपके आपके हिसाब से गेंद फेंकने लगेगा, तो आप सही जवाब देते रहोगे। अब आपने खाली इतनी सतही तैयारी की है, इसकी भी स्ट्रेटजी नहीं बनाई है, यहाँ सेकंड में आप फेल हो जाओगे। वो पूछेगा भाई हाईएस्ट टेम्परेचर कैसे, टेम्परेचर का क्या मतलब, कैसे तो कॉस्मिक टेम्परेचर कैसे मेजर होता है, बिग बैंग के टाइम टेम्परेचर कितना था, कॉस्मिक माइक्रोवेव, वो अगर आप डोमेन में उसमें ले गए तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वाला ले, क्योंकि हो सकता है आपको नॉलेज नहीं, लेकिन जिस भी फील्ड में हो, तो जैसे इसने कहा कि माइक्रोवेव क्या है, तो इसने जवाब दिया क्लेस्ट्रॉन से जो प्रोड्यूस होती है, तो आपने खाली सोर्स के बारे में बताया, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्लेस्ट्रॉन के बारे में बताएं। मेरा जवाब नहीं दिया इसने, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं कहा, जो मैं चाहता था वो जवाब नहीं दिया, लेकिन इसने एक नई तरफ हिंट मोड़ दिया क्वेश्चन को, किस तरफ मोड़ दिया कि माइक्रोवेव आर प्रोड्यूस बाई क्लेस्ट्रॉन, वो पूछेगा व्हाट इज ए क्लेस्ट्रॉन, अब ये क्लेस्ट्रॉन का जवाब नहीं दे पाए तो फिर तो ख्याल हो गया, क्योंकि आप ही तो लेखें, लेकिन आपने क्योंकि क्लेस्ट्रॉन जिक्र कर दिया तो अब सेमीकंडक्टर फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं कर सकता, अब उसको क्वेश्चन डेफिनेटली क्लेस्ट्रॉन पे करना पड़ेगा। अगर आप क्लेस्ट्रॉन के बारे में पहले से स्टडी करके गए हैं तो आप कंफर्ट जोन में ले जा रहे हैं, नहीं तो आप आबेल मुझे मार कर रहे हैं आपको पता है नहीं, ठीक है, तो जीटीआर में आप नहीं ले जा सकते क्योंकि आप जीटीआर
मैं तो जानता हूँ, मतलब मेरी बातचीत में आ गया हूँ, आपको डिसाइड करना है। हर एक व्यक्ति की प्रिपरेशन अलग अलग है और हर एक व्यक्ति के इंटरव्यू में क्वेश्चंस अलग अलग होंगे। बाद में आप यहाँ आ जाना, जिस दिन इंटरव्यू हो जाए उसके बाद सब एक दिन तो अपन डिस्कस कर लेंगे कि भाई क्वेश्चंस आप सबके अलग अलग थे, कोई सेट क्वेश्चन पेपर नहीं है। वो तो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन जो इस तरह के होते हैं उसमें आप रट रटा करके पढ़ पढ़ा के किताबों से मोजा लगा करके भी पास हो जाते हैं और उसमें आपका स्कोर आया ही होगा जो भी एंट्रेंस हुआ। वो तो एंट्रेंस एग्जाम ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव था वो, एक अलग चीज़ होती है, उससे इंटरव्यू में कोई लेना देना नहीं है। उसको आपने टॉप भी कर लिया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरव्यू टॉप कर पाए, और उसमें आप नीचे भी हैं, लोवेस्ट भी हैं, मान लीजिए आप लास्ट हैं जिनको कॉल किया गया है, तब भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं, इसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये अलग है, RPSC का अपना फॉर्मूला 80-20 जो भी है, तो इंटरव्यू का लिमिटेड वेटेज ही है, तो इसलिए भी इंटरव्यू से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका वो इंप्रूवमेंट कोर्स में स्कोरेज अच्छा हुआ है तो आपके चांस अच्छे ही हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है फॉर यू टू लर्न सो दैट इवन इफ यू डोंट सक्सीड इन RPSC मे बी यू सक्सीड इन द इंटरव्यू ऑफ IAS बेस्ड ऑन दिस। क्योंकि हर जगह स्ट्रेटजी तो वही की वही रहेगी। वो IAS में क्या है, कोई जनरल है तो फिजिक्स के बाहर का स्कोप हो जाता है, और यहाँ पर जो है वो फिजिक्स सेंट्रिक ही है, फिजिक्स से बाहर का तो नहीं पूछेंगे डेफिनेटली। अगर पूछेंगे भी तो वही लोग पूछेंगे जो चेयरमैन हैं, मेम्बर हैं, वो लोग पूछेंगे आपको, तो वो जनरल अवेयरनेस जनरल रूल ये आपको पता होना चाहिए। बाकी अब मेरे साथी आ गए हैं दीपक जी, वो आपको बताएंगे, वो बड़े ये माना जाता है। मैंने तो जो है, मेरी और दीपक जी की जोड़ी भी राजस्थान विश्वविद्यालय में फेमस है। हमारे VC थे कोठारी साहब, वो ये कहते थे कि ये नरम दल के हैं, मैं गरम दल का हूँ, मैं भगत सिंह हूँ, ये महात्मा गांधी हैं। तो अब आपको महात्मा गांधी के साथ ज्ञान सीखने को मिलेगा, भगत सिंह की तरह जो क्रांतिकारी ज्ञान देना था वो मैं दे चुका हूँ। दोनों के फ्लेवर जब मिल जाएगी तो एक अच्छी सिचुएशन बनेगी दोनों तरह का। ये बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, ये उतनी एग्रेसिव बातचीत, उतनी मजाक, उतनी चीज़ नहीं करते मेरे, क्योंकि मेरे MSc में जस्ट जूनियर बैच में थे, इसलिए मैं दीपक जी कहता हूँ, मैं उसको तब से जानता हूँ। मैंने जब MSc की तो ही वाज इन, मैं जब फाइनल में था तब प्रीवियस में थे। धन्यवाद, कितनी देर तक सुना, कितने टाइम हो गया, कितना हो गया, घंटे 3 घंटे हो गए, फिर सही है, मेरा 3 घंटे के आसपास का ही लेवल होता है। 3 घंटे बैठो सर, एक बार आप बैठ सर। आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद सर, आपने इतने व्यस्तम दिनचर्या में से समय निकाला, और निश्चित तौर पर जैसा आपने बताया कि इंटरव्यू वो एक प्रोसेस है, लेकिन उस प्रोसेस को सार्व किया जा सकता है, और आपने अभी जो भी ज्ञानवर्धक बातें बताई, निश्चित तौर पे इन विद्यार्थियों के अभ्यर्थियों के लिए इन जो 10 या 15 दिन का जो टाइम बचा है उसमें इनको वो शार्पनेस देने के लिए ज़रूर काम आएगी। मैं संपूर्ण स्पेन परिवार की तरफ से और सभी अभ्यर्थियों की तरफ से आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूं, और हम बहुत कृतज्ञ हैं कि आप हमारे शिक्षक हैं और आपने समय दिया, और आपके सामने आपको वापस सुनने का मौका मिला, ये हमारा बहुत अत्यंत सौभाग्य रहा। मैं मैडम से अनुरोध करूंगा कि आपको एक छोटा सा टोकन ऑफ लव जो है वो देकर, और फोटो एक हाँ हाँ आप बैठो, हाँ हाँ नहीं खड़े रहते जी, बच्चे बच्चे
आप लोगों के लिए 15 to 20 मिनट्स का ब्रेक है, आप लोग थोड़ा रिफ्रेश हो जाएं, फिर सर की क्लास है।